नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखे भूतनाथ उपन्यास का भाग दो। इस उपन्यास में कुल 6 भाग है। ये वीडियो दूसरे भाग को कवर करेगी, तो चलिए बिना और देर करे जल्दी से शुरू करते हैं। अध्याय 1। रात बहुत कम बाकी थी जब बिमला और इंदुमती लौटकर घर में आईं, जहां कला को अकेली छोड़ गई थी। यहाँ आते ही बिमला ने देखा कि उसकी प्यारी लौड़ी चंदो जमीन पर पड़ी हुई मौत का इंतजार कर रही है। उसका दम टूटा ही चाहता है, आंखें बंद हैं और अधखुले मुंह से रुककर सांस आती जाती है, बीच बीच में हिचकी भी आ जाती है। कला झारी में गंगाजल लिए उसके मुंह में शायद टपकाना चाहती है। ये अवस्था देखकर बिमला घबरा गई और ताज्जुब करने लगी कि उसकी इस थोड़ी सी गैरहाजिरी में क्या हो गया और चंदो यकायक किसी बीमारी में फंस गई जो इस समय उसकी जिंदगी का चिराग इस तरह टिमटिमा रहा है बल्कि बुझना चाहता है। बिमला ने घबरा कर कला से पूछा, यह क्या मामला है और कमभक्त को हो क्या गया है? कला, मुझे इस बात का बड़ा ही दुःख है कि चंदो अब इस संसार को छोड़ना ही चाहती है। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस कमभक्त ने जहर खा लिया है और जब रग रग में जहर भी न गया है तब यहाँ आकर सब हाल कहाँ है। मैंने जहर उतर जाने के लिए दवा इसे खिलाई है मगर कुछ फायदा होने का रंग नहीं है क्योंकि देर बहुत हो गई। कुछ और दवा पहुँचती तो अच्छा था। बिमला, राम राम, मगर यह इस कमभक्त को सूझी क्या और इसने कौन सा पाप किया है जिसके लिए ऐसा प्रायश्चित करना पड़ा? कला, बहन, पाप तो इसने निसंदेह बहुत भारी किया है जिसका प्रायश्चित इसके सिवा और कुछ यह कर ही नहीं सकती थी। परंतु मुझे इसके मरने का दुःख अवश्य है। जो काम इसने किया है उसके करने की आशा इससे कदापि नहीं हो सकती थी और जब इससे ऐसा काम हो गया तो किसी और लौड़ी पर अब हम लोग इतना विश्वास भी नहीं कर सकती। हाँ, लालच में पड़कर इस चुड़ैल ने हम दोनों बहनों का असल हाल गदाधर सर को बतला दिया और कह दिया कि तुमसे बदला लेने के लिए यह सब खेल रचे गए हैं और साथ ही भूतनाथ का बटुआ भी यहाँ से लेकर जाकर उसे दे दिया। परंतु इतना करने पर भी जब भूतनाथ ने इसे सूखा ही टकरा दिया तब इसे ज्ञान उत्पन्न हुआ और ग्लानी में आकर जहर खा लिया। जब जहर अच्छी तरह तमाम बदन में भीग गया तब यह हम दोनों से मिलने और अपना पाप कहने के लिए यहाँ आई थी। इसे यहाँ आए बहुत देर नहीं हुई। बिमला, हाथ से अपना माथा ठोक कर, हाय हाय हाय, इस कमभक्त ने तो बहुत ही बुरा किया। क्या जाने यह इससे और भी कुछ ज्यादा कर गुजरी हो। जिस भेद को छिपाने के लिए तरह तरह की तरकीबें की गई थीं, उस भेद का आज इसने सहज ही में सत्यानाश कर दिया। हाय, अब भूतनाथ भी जरूर हमारे कब्जे से निकल गया होगा। जब उसे अयारी का बटुआ मिल गया तब वो उस कैदखाने के भी बाहर हो गया हो तो आश्चर्य नहीं। वो बड़ा ही धूर्त और मक्कार है जिसके फेर में पड़कर चंदो ने हम लोगों को बर्बाद कर दिया और खुद भी दीन दुनिया दोनों में से कहीं के लायक न रही। कला, बेशक ऐसा ही है, यद्यपि इस बात की आशा नहीं हो सकती कि भूतनाथ इस घाटी के बाहर हो जाएगा, तथापि उसका कैदखाने से बाहर निकल जाना ही कम घबराहट की बात नहीं है और इससे भी ज्यादा बुरी बात यह हुई कि हमारा भेद उसे मालूम हो गया। हाय, ऐसी रात में किसकी हिम्मत पड़ सकती है कि अकेले यहाँ जाकर भूतनाथ का हाल मालूम करे। अगर वो छूट गया होगा तो जरूर उसी जगह कहीं छिपा होगा। ताज्जुब नहीं कि सूरज निकलने तक वो कोई आफत। बिमला, मेरा भी यही ख्याल है। चंदो के पास जाकर, हाय शैतान की बच्ची, तूने यह क्या किया? हाय, अगर तू जीती रहती तो तुझसे पूछती कि दुष्ट, तूने इतना ही किया कि कुछ और? चंदो यद्यपि मौत के पंजे में फंसी हुई थी और उसकी जान बहुत जल्द निकलने वाली थी मगर वो कला और बिमला की बातें सुन रही थी, यद्यपि उसमें जवाब देने की ताकत न थी। उसने बिमला की आखिरी बात सुनकर आंखें खोल दी, बिमला की तरफ देखा और इस प्रकार मुंह खोला मानो कुछ कहने के लिए बेचैन हो रही है। बहुत उद्योग कर रही है मगर उसमें इतनी शक्ति न रही। उसकी आंखें पुनः बंद हो गईं और अब वो पूरी तरह से बेहोश हो गई। देखते देखते 10-5 हिचकियां लेकर उसने बिमला और कला के सामने दम तोड़ दिया। अब कला और बिमला को यह फिक्र पैदा हुई कि पहले इसे ठिकाने पहुंचाया जाए, वहां चलकर भूतनाथ की खबर ली जाए। मगर इंदुमती की राय हुई इन दोनों कामों के पहले बंगले की हिफाजत की जाए जो इस घाटी के बीच में था और जहां प्रभाकर सिंह पहले पहुंचे थे, क्योंकि उसमें बहुत सी जरूरी चीजें रखी हुई हैं और साथ ही उसकी जांच करने से बहुत से भेद भी मालूम हो सकते हैं।
इंदु की इस राय को बिमला और कला ने बहुत पसंद किया और तीनों औरतें हर्बों और जरूरी चीजों से अपने को सजाकर गुप्त राह से बंगले की तरफ रवाना हुई। इस बंगले का हाल हम पहले खुलासा तौर पर लिख चुके हैं। इसके दरवाजे ऐसे न थे कि बंद कर देने पर कोई जबरदस्ती या सहज ही में खोल सके, तथा और बातों में भी वो एक छोटा मोटा तिलिस्म या कारीगरी का खजाना ही समझा जाता था। यद्यपि वो बंगला ऐसी हिफाजत की जगह में था जहां बदमाशों का गुजर नहीं हो सकता था, तथापि उसकी हिफाजत के लिए कई लौंडियां मुकर्रर थी जो मर्दानी सूरत में पहरेदारी के कायदे से उसके चारों तरफ बराबर घूमा करती थी। कला, बिमला और इंदु ने वहां पहुंचकर उस बंगले के दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। पहले बाहर से भीतर आने का रास्ता रोका, इसके बाद कई जरूरी चीजें उनमें से निकालने के बाद अलमारियों में ताले लगाए और तब भीतर के कमरे सब बंद कर दिए गए। इतना करके एक छोटे गुप्त रास्ते को बंद करती हुई बाहर निकली ही थी कि एक पहरेदार लौड़ी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तीनों औरतें कदम बढ़ाती हुई बंगले के सदर दरवाजे पर पहुंची, जहां नामात्र के लिए पहरा रहा करता था या जिधर से पहरेदार लौड़ी के चिल्लाने की आवाज आई थी। वो लौड़ी मर्दाने भेष में थी और घबराई हुई मालूम पड़ती थी। बिमला ने पूछा, क्या मामला है, तू क्यों चिल्लाई? लौड़ी, मेरी रानी, देखो उस पहाड़ी की तरफ जिधर कैदखाना है और जहां भूतनाथ कैद है, कई उस जगह आग की धुनी जल रही है। मालूम होता है मानो बहुत से आदमियों ने आकर उस पहाड़ी पर दखल जमा लिया है। अगर ये आग की धुनियां आपकी तरफ से नहीं सुलगाई गई हैं, तो जरूरी किसी आने वाली आफत की निशानी है और मुझे विश्वास है कि आपने इसके लिए कोई हुक्म नहीं दिया होगा। बिमला ताज्जुब के साथ उस पहाड़ी की तरफ देखकर, बेशक यह नई बात है, मैंने ऐसा करने के लिए किसी को हुक्म नहीं दिया, मगर घबराने की कोई बात नहीं है। जहां तक मैं समझती हूं, यह भूतनाथ की कार्रवाई है, क्योंकि चंदों की मदद से भूतनाथ कैद से छूट गया और हम लोग उसी के बंदोबस्त कर रही हैं। लौड़ी ताज्जुब के साथ, है, भूतनाथ कैदखाने से छूट गया और चंदो बीबी की मदद से? बिमला, हाँ ऐसी ही बात है। किसी दूसरे वक्त इसका खुलासा हाल तुम्हें मालूम होगा। इस समय मैं उसी पहाड़ी पर जाती हूँ और भूतनाथ को गिरफ्तार करती हूँ। कला, मगर बहन, मैं इस राय के विरुद्ध हूँ। बिमला, क्यों? कला, देखो, सोचो तो सही कि इस तरह कई जगहों पर आग सुलगाने या बालने से भूतनाथ का क्या मतलब है? बिमला, कुछ सोच कर। जहाँ तक मैं समझती हूँ, इस कार्रवाई से भूतनाथ का यही मतलब होगा कि हम लोगों को धोखा देकर उस तरफ बुलावे और किसी जगह पर आड़ में छिपे रहकर हमारे ऊपर वार करे। कला, बेशक, क्योंकि आग के पास पहुँचकर हम लोग उसे ढूंढ न सकेंगे। दस्तूर की बात है कि जो कोई सुलगती हुई आग के पास रहता है, वो सामने की किसी चीज को नहीं देख सकती। वहाँ तो कई जगह पर आग सुलग रही है, उस बीच में जाकर हम लोग किसी भी तरफ निगाह करके दुश्मन को नहीं देख सकेंगे। बिमला, ठीक है, मगर हम लोगों पर इस समय उसका कोई हरबा काम नहीं कर सकता। कला, तथापि हर तरह से बच के काम करना चाहिए, विशेष करके इसलिए कि इंदु बहिन हमारे साथ हैं। यद्यपि ये यहाँ के सब भेदों को जान गई हैं और हम लोगों का साथ हर तरह से दे सकती हैं। इंदुमती, मेरे लिए कोई तरदुद न करो, मैं तुम लोगों के साथ बखूबी चल सकती हूँ, मगर मैं यह पूछती हूँ कि ऐसा करने की जरूरत क्या है और इस काम में जल्दी किए बिना हर्ज ही क्या होता है? संभव है कि भूतनाथ ने वहाँ अयारी का कोई जाल फैलाया हो और इस रात के समय वो कुछ कर भी सके। थोड़ी सी तो रात हो गई है, अच्छा होता अगर यह बिता दी जाती। प्रातःकाल हम लोग देखेंगे कि भूतनाथ कहाँ जाता और क्या करता है। यद्यपि वो स्वतंत्र हो गया है, मगर इस घाटी के बाहर नहीं जा सकता और हमारे मकान तथा बंगले में भी उसकी गुजर नहीं हो सकती। कला, मैं भी इस राय को पसंद करती हूँ, चलो बंगले के ऊपर छत पर चलकर बैठे। बिमला, अच्छा चलो। इंदुमती, चलते हुए, मगर ताज्जुब है कि इतनी जल्दी भूतनाथ को आग सुलगाने के लिए इतना सामान कैसे मिल गया? कला, बहन, यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हम लोगों की जरूरत के लिए जंगल की लकड़ियां बहुत बटोरी गई थी, जिसके बहुत बड़े बड़े 2-3 ढेर वहां कैदखाने के पास ही में लगे हुए थे। मालूम होता है कि उन्हीं लकड़ियों से भूतनाथ ने काम लिया है। इंदुमती, हाँ, तब तो उसे बहुत सुविधा मिल गया होगा, मगर क्या तुम ख्याल कर सकती हो कि भूतनाथ की यह कार्रवाई किसी और मतलब से भी हुई है? बिमला, मैं नहीं कह सकती, संभव है कि उसका और ही कोई मतलब हो। खैर, देखा जाएगा।
इसी तरह की बातें करती तथा दरवाजों को खोलती और बंद करती हुई तीनों बहिनें बंगले की छत पर चढ़ गईं और एक अच्छे ठिकाने बैठकर उस तरफ देखने और सुबह का इंतजार करने लगी। उस समय कला और बिमला से बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि वे तीनों अद्भुत बंगले की हिफाजत के लिए जब आए तो उन्होंने रोशनी का कोई खास बंदोबस्त नहीं किया। बंगले का इंतजाम करने के बाद वे तीनों बहिनें जब बहरे वाली लौड़ी के चिल्लाने की आवाज सुनकर सदर दरवाजे पर गईं तब उनके पास किसी तरह की रोशनी मौजूद न थी और न इस काम के लिए रोशनी की जरूरत ही थी। परंतु जब तक वे पहरा देने वाली लौड़ी से बातचीत करती और पहाड़ी के ऊपर वाली रोशनी की तरफ देखती रही तब तक एक आदमी जो अपने को स्याह कपड़े से छिपाए हुए था आड़ देता हुआ सदर दरवाजे के पास पहुंचा और न मालूम किस ढंग से उस बंगले के अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि वे तीनों बहिनें और पहरा देने वाली लौड़ी पहाड़ी की रोशनी को ताज्जुब के साथ देखती हुई सदर दरवाजे से कुछ आगे की तरफ बढ़ गई थी और उन्हें इस बात का कुछ ख्याल न था कि दुश्मन बगल में आ पहुंचा और अपना काम किया चाहता है। खैर, वे तीनों बंगले के अंदर घुसी तो दरवाजा बंद करती हुई छत पर चढ़ गईं, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। वे तीनों बहिनें उन कई जंगल बलती आग की रोशनियों को गैर से देख रही थीं, जो अब धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। कला, अब आग बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। बिमला, हाँ, और इससे मालूम होता है कि भूतनाथ कहीं आगे की तरफ बढ़ गया। आगे की तरफ नहीं बढ़ गया, बल्कि इस तरफ चला आया और विश्वास दिलाना चाहता है कि वो आपका दुश्मन बल्कि दोस्त है। यह आवाज छत के ऊपर जाने वाले दरवाजे की तरफ से आई थी, जो उन तीनों बहनों के पास ही था। इस आवाज ने उन तीनों को चौंका दिया। वे उठ खड़ी हुई और उस दरवाजे की तरफ देखने लगी। अब यहाँ पर वैसा अंधकार न था जैसा नीचे खास करके पेड़ों की छांव के सबब से था। चंद्रदेव उदय हो चुके थे और उनकी चांदनी पल पल में बराबर बढ़ती चली जा रही थी। अस्तु, उन तीनों बहनों ने साफ देख लिया कि दरवाजे के अंदर एक पैर बाहर और दूसरा भीतर किए कोई आदमी स्याह लबादा ओढ़े रहा है। बिमला, उस आदमी से तुम कौन हो? आदमी, गदाधर सिंह। बिमला, निडर रहकर तुमने बड़ी चालाकी से अपने को कैद से छुड़ा लिया। गदाधर सिंह, बात तो ऐसी ही है। बिमला, मगर तुम भागकर इस घाटी के बाहर नहीं जा सकते। गदाधर सिंह, शायद ऐसा ही हो, मगर मुझे भागने की जरूरत ही क्या है? बिमला, क्यों, अपनी जान बचाने के लिए तुम जरूर भागना चाहते होगे? गदाधर सिंह, नहीं, मुझे अपनी जान का यहाँ कोई खौफ नहीं है, क्योंकि तुम्हारी एक नमक हराम लौड़ी ने मुझे बता दिया है कि तुम मेरे प्यारे दोस्त दयाराम की स्त्री हो। बिमला, बात काट कर, जिस प्यारे दोस्त को तुमने अपने हाथ से हलाल किया। गदाधर सिंह, नहीं नहीं, कदापि नहीं। जिसने यह बात तुमसे कही है यह बिल्कुल झूठ है और उसने तुम लोगों को धोखे में डाल दिया है। यही समझाने और विश्वास दिलाने के लिए मैं यहाँ अटक गया हूँ और भागना पसंद नहीं करता। मुझे विश्वास था कि तुम दोनों बहनों का देहांत हो चुका है, जैसा कि दुनिया में प्रसिद्ध किया गया है, मगर अब तुम दोनों का हाल जानकर भी क्या मैं भागने की इच्छा करूँगा? नहीं, क्योंकि तुम दोनों को अब भी मैं उसी निगाह से देखता हूँ जैसे अपने प्यारे दोस्ते की जिंदगी में देखता था, और यही सबब है कि मुझे तुम दोनों से किसी तरह का डर नहीं लगता। बिमला, मगर नहीं, तुम्हें हम लोगों से डरना चाहिए। हम लोग तुम्हारे हितेच्छु कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोगों ने जो कुछ सुना वो कदापि झूठ नहीं हो सकता। गदाधर सिंह, दरवाजे से बाहर निकल कर और बिमला के पास आकर मैं विश्वास दिला दूंगा कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। बिमला, कई कदम पीछे हटकर और नफरत के साथ, बस दूर रह मुझसे दुष्ट, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहती। गदाधर सिंह, अपने ऊपर से स्याह कपड़ा हटाकर, नहीं, तुम मेरी सूरत देखो और पहचानो और सुनो कि मैं क्या चाहता हूँ। बिमला, सिवाय बात बनाने के तू और क्या कहेगा? तू अपने माथे से कलंक का टीका किसी तरह नहीं धो सकता और न वो बहुत झूठी हो सकती है जो मैं सुन चुकी हूँ। दलीप शाह और शंभू अभी तक दुनिया में मौजूद हैं और मैं भी खास तौर पर इस बात को जानती हूँ। गदाधर सिंह, मगर सच बात यह है कि लोगों ने तुम्हें धोखा दिया और असल भेद को छिपा रखा। खैर, तुम अगर मुझ पर विश्वास नहीं करती तो मुझे ज्यादा खुशामद करने की जरूरत नहीं। अब मैं सिर्फ दो चार बातें पूछ कर चला जाऊंगा। एक तो यह कि तुम मुझे गिरफ्तार करके यहाँ लाई थी, मगर मैं अपनी चालाकी से छूट गया। अब बताओ मेरे साथ क्या सलूक करोगी? बिमला, अपने दिल का बुखार निकालने के लिए जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा करूंगी, इसे तुम खुद सोच सकते हो। गदाधर सिंह, पर मैं तो अब स्वतंत्र हूँ,
अगर चाहूँ तो तुम तीनों को इसी जग खत्म कर रख दूँ, मगर नहीं, मैं नमक का ख्याल करता हूँ, ऐसा कदापि न करूँगा। हाँ, तुमसे बचने के लिए उद्योग जरूर करूँगा। बिमला, कदाचित ऐसा ही हो। इतना कह बिमला ने कला की तरफ देखा। गदाधर सिंह बिमला से बातें कर रहा था, मगर उसे इस बात की खबर न थी कि कला क्या कर रही है अथवा क्या किया चाहती है। कला ने अपने बगल से एक छोटा सा बांस का बना हुआ तमंचा निकाला और गदाधर सिंह भूतनाथ की तरफ उसका मुंह करके चलाया। इस अद्भुत तमंचे में बेहोशी की बारूद भरी जाती थी और इसका तेज तथा जल्द बेहोश कर देने वाला धुआं छूटने के साथ ही तेजी से कई बिगहे तक फैलकर लोगों को बेहोश कर देता था। यहाँ पर फैलने के लिए विशेष जगह तो थी नहीं, इसलिए उस धुएं के गुब्बार ने गदाधर सिंह को चारों तरफ से घेर कर एक तरह का अंधकार कर दिया। गदाधर सिंह धुएं के असर से बेहोश हो जाएगा, यह सोचकर बिमला, कला और इंदुमती तीनों बहनें भागकर नीचे उतर जाने के लिए उठी और नाक दबाए हुए सीढ़ी की तरफ बढ़ गईं। गदाधर सिंह बेशक इस धुएं के असर से बेहोश हो जाता, मगर उसने पहले ही से अपने बचाव का बंदोबस्त कर लिया था, अर्थात ऐसी दवा खा ली थी कि कई घंटे तक उस पर बेहोशी का असर नहीं हो सकता था। तथापि उस धुएं ने एक दफे उसका सर घुमा दिया। वे तीनों बहनें वहां से भागी तो सही, मगर अफसोस, बिमला और इंदु तो नीचे उतर गईं, परंतु कला को फूती से गदाधर सिंह ने पकड़कर कब्जे में कर लिया और हाल बिमला को नीचे उतरकर और कई कमरों में घूम फिरकर छिप जाने के बाद मालूम हुआ। जब चित स्थिर हो जाने पर उसने कला को अपने साथ न देखा। अध्याय दो। दिन पहर भर से कुछ ज्यादा हो चुका है। यद्यपि अभी दोपहर होने में बहुत देर है, तो भी धूप की गर्मी इस तरह बढ़ रही है कि अभी से पहाड़ के पत्थर गर्म हो रहे हैं और उन पर पैरी रखने की इच्छा नहीं होती। दोपहर दिन चढ़ जाने के बाद यदि ये पत्थर आग के अंगारों का मुकाबला करने लग जाएं तो क्या आश्चर्य है। पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर एक छोटा सा मैदान है जिसका फैलाव लगभग डेढ़ या दो बिगहे का होगा। इसके ऊपर की तरफ सिर उठाकर देखने से मालूम होता है कि कुछ और चढ़ जाने से पहाड़ खत्म हो जाएगा और फिर सरपट मौन दिखाई देगा, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। इस छोटे मैदान में पत्थर के कई ढोके मौजूद हैं जो मैदान की मामूली सफाई में बाधा डालते हैं और पत्थर के बड़े चट्टान भी बहुतायत से दिखाई दे रहे हैं जिनकी वजह से वो जमीन कुछ सुंदर मालूम होती है, मगर इस वक्त धूप की गर्मी के समय सभी बातें बुरी और भयानक जान पड़ रही हैं। इस मैदान में केवल ढाक पलास के कई पेड़ दिखाई दे रहे हैं, सो भी एक साथ नहीं, जिनसे किसी तरह का आराम मिलने की आशा हो सके। इन्हीं पेड़ों में से एक के साथ हम बेचारी कला को कमन के सहारे बंधे हुए और उसके सामने गदाधर सिंह अर्थात भूतनाथ को खड़े देख रहे हैं। अब सुनिए कि इन दोनों में क्या बातें हो रही हैं। गदाधर सिंह, रात के समय जब मैंने तुझे गिरफ्तार किया तब यही समझे हुए था कि कला और बिमला में से किसी एक को पकड़ पाया हूँ, मगर अब मैं देखता हूँ कि तू कोई और ही औरत है। कला, तो क्या उस समय तुमने वहाँ पर कला और बिमला को अच्छी तरह देखा या पहचाना था? गदाधर सिंह, नहीं, पहचाना तो नहीं था, मगर बातें जरूर की थी और वे बातें भी ऐसे ढंग की थी जिनसे उनका कला और बिमला ही होना साबित होता था। कला, वो तुम्हारा भ्रम था, इस घाटी में कला और बिमला नहीं रहती। गदाधर सिंह हंसकर, बहुत खासे, अब थोड़ी देर में कह दोगी कि मैं कला और बिमला को जानती ही नहीं। कला, नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती कि मैं दोनों को पहचानती तक नहीं, मगर यह जरूर कहूंगी कि वे दोनों यहाँ नहीं रहती और हम लोगों को उनसे कोई वास्ता नहीं। गदाधर सिंह, तो फिर तुम्हारी तरफ से इस ढंग की बातें क्यों की गईं कि मानो तुम ही कला या बिमला हो? कला, यह तो उनसे पूछो तो मालूम हो जिन्होंने तुमसे बातें की थी, मैंने तो तुमसे एक बात भी नहीं की थी। गदाधर सिंह, वे कौन थी जो मुझसे बातें कर रही थी? कला, मेरी मालकिन। गदाधर सिंह, आखिर उनका कुछ नाम पता भी है या नहीं? कला, यह बताने की तो कोई जरूरत नहीं। गदाधर सिंह, तुझे झक मार कर बताना ही पड़ेगा और यह भी बताना पड़ेगा कि कला और बिमला कहाँ है। तेरा यह कहना मैं नहीं मान सकता कि कला बिमला इस घाटी में नहीं रहती और तुम लोगों का उनसे कोई संबंध नहीं। आखिर तुमने मुझसे दुश्मनी क्यों की और मैं क्यों इस घाटी में कैद करके लाया गया? तुम लोगों का मैंने क्या बिगाड़ा था? कला, हम लोगों को तुम्हारे साथ किसी तरह की दुश्मनी नहीं है, मगर तुम्हारी गिरफ्तारी में हम लोग शरीक जरूर हैं और वो गिरफ्तारी कला और बिमला के हुक्म ही से हुई थी। खूब जानती हूँ मैं कि यहाँ की एक लौड़ी ने तुम्हें कला और बिमला को खबर दी थी और कहा था कि कला और बिमला ने तुम्हें गिरफ्तार किया है।
बेशक उसका यह कहना सच था, मगर अफसोस तुमने उसके साथ दगा किया। यह मैं इसीलिए कहती हूँ कि वो मेरी बहन थी, अगर तुम उसके साथ दगा न करते तो वो जरूर तुम्हें पूरा पूरा भेद बता देती। एक तौर पर उसने भंडा फोड़ ही दिया, मगर तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए बहुत कुछ बचा भी रखा। अगर तुम अपना वादा पूरा करते तो वो जरूर बचा हुआ भेद भी बता देती और यह भी कह देती कि कला और बिमला कहाँ रहती हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि तुम सब बातों को सच न समझना। गदाधर सिंह, नहीं बल्कि तुम्हारा मतलब यह है कि मुझे कुछ दो तो यहाँ का भेद बताऊं। कला, नहीं ऐसा है तो नहीं, मगर तुम जैसा चाहे ख्याल कर सकते हो। गदाधर सिंह मुस्कुरा कर, ठीक है, अच्छा पहले तुम मेरी उस बात का जवाब तो दो जो मैं पूछ चुका हूँ, पीछे और बातें की जाएंगी। कला, कौन सी बात का जवाब? गदाधर सिंह, यही कि इस रात का मुझसे इस ढंग की बातें क्यों की गई जो कला और बिमला ही कर सकती हैं। कला, मैं समझती हूँ कि तुम्हें ठीक तरह से पहचान लेने ही के लिए उन्होंने इस ढंग की बातें की थी, क्योंकि हम लोगों को इस बात का निश्चय नहीं था कि वास्तव में तुम गदाधर सिंह ही तो हो और तुम्हारी गिरफ्तारी में धोखा नहीं हुआ। गदाधर सिंह मुस्कुराते हुए, बात बनाने में तुम भी बड़ी तेज हो। यद्यपि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता, मगर कह सकता हूँ कि शायद तुम्हारा कहना ठीक हो। अच्छा अब यह कहो कि तुम यहाँ के भेद और कला तथा बिमला का हाल मुझे बता सकती हो या नहीं? कला, नहीं। गदाधर सिंह, इसलिए कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ दगा किया, यदि वास्तव में वो तुम्हारी बहन थी। कला, सिर्फ इसीलिए नहीं बल्कि इसलिए भी कि यह काम बड़ा ही नाजुक है और करने के बाद में किसी तरह जीती नहीं रह सकती। गदाधर सिंह, क्यों तुम्हें मारने वाला कौन है? यहाँ जितने हैं वे सभी तुम्हारे अपने हैं, इसके अतिरिक्त किसी को मालूम ही क्यों कर हो सकता है कि तुमने मुझे बताया है। कला, यह बात छिपी नहीं रह सकती, यह घाटी तिलिस्मी है और यहाँ के हर पेड़ पत्तों और पत्थरों के ढोकों के भी कान हैं। मेरी बहन ने इस बात का कुछ ख्याल नहीं किया और इसीलिए आखिरकार जान से मारी गई। गदाधर सिंह, आश्चर्य से, क्या तुम्हारी बहन मारी गई? कला, हाँ, क्योंकि मालकिन को तुम्हारी और उसकी बातों का किसी तरह पता लग गया। गदाधर सिंह, रात का समय था, संभव है किसी ने छिपकर सुन लिया हो। इसके अतिरिक्त और किसी तिलिस्मी बात का मैं कायल नहीं। इस समय दिन है, चारों तरफ आंखें खोलकर देखो, किसी की सूरत दिखाई नहीं देती, अस्तु मेरी तुम्हारी बातें कोई सुन नहीं सकता। तुम बेखौफ होकर यहाँ का हाल इस समय मुझे बता सकती हो? कला, नहीं, कदापि नहीं। गदाधर सिंह, कमर से खंजर निकाल कर और दिखा कर, नहीं तो फिर इसी से तुम्हारी खबर ली जाएगी। कला, जो हो बताने के बाद भी तो मैं किसी तरह बच नहीं सकती, फिर ऐसी अवस्था में क्यों अपने मालिक को नुकसान पहुंचाऊं? चाहे तिलिस्मी बातों का तुम्हें विश्वास न हो, पर मैं समझती हूँ कि मेरे और तुम्हारे बीच जो जो बातें हो रही हैं वो सब मेरी मालकिन सुन रही होंगी। गदाधर सिंह खिलखिलाकर हंसकर, ठीक है, तुम्हारी बातें कला, बेशक ऐसा ही है। अगर मैं इस घाटी के बाहर होती तो इस बात का ख्याल न होता और यहाँ के भेद शायद बता देती। गदाधर सिंह मुस्कुराते हुए, यही सही, तुम मुझे इस घाटी के बाहर ले चलो और यहाँ के भेद बता दो तो मैं तुम्हें। कला, नहीं नहीं, किसी तरह का वादा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उस पर मुझे विश्वास न होगा। हाँ, यदि मुझे दलीप शाह के पास पहुंचा दो तो मैं यहाँ का पूरा पूरा भेद तुम्हें बता सकती हूँ, बल्कि हर तरह से तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। गदाधर सिंह चौंक कर, दलीप शाह? दलीप शाह से और तुमसे क्या वास्ता? कला, वे मेरे रिश्तेदार हैं और यहाँ से भागकर मैं उनके यहाँ अपनी जान बचा सकती हूँ। गदाधर सिंह, अगर ऐसा ही है तो तुम स्वयं उसके पास क्यों नहीं चली जाती? कला, पहले तो मुझे यहाँ से भागने की कोई जरूरत ही नहीं। भागने का ख्याल तो सिर्फ इसी सबब से होगा कि तुम्हें यहाँ के भेद बताऊंगी, दूसरे यह कि आजकल न जाने किस कारण से उन्होंने अपना मकान छोड़ दिया है और किसी दूसरी जगह जाकर छिपवा रहे हैं। गदाधर सिंह, अगर ऐसा ही है तो तुम स्वयं उनके पास क्यों नहीं चली जाती? कला, पहले तो मुझे यहाँ से भागने की कोई जरूरत ही नहीं। भागने का ख्याल तो सिर्फ इसी सबब से होगा कि तुम्हें यहाँ के भेद बताऊंगी, दूसरे यह कि आजकल न जाने किस कारण से उन्होंने अपना मकान छोड़ दिया है और किसी दूसरी जगह जाकर छिप रहे हैं। गदाधर सिंह, अगर किसी दूसरी जगह जाकर छिप रहे हैं तो भला मुझे क्यों कर उनका पता लगेगा? कला, तुम्हें उनका पता जरूर मालूम होगा क्योंकि तुम उनके साओ और दोस्त भी हो। गदाधर सिंह, यह बात तुम्हें क्यों कर मालूम हुई?
कला, भला मैं दलीप शाह के नाते की होकर यह नहीं जानूंगी कि तुम उनके कौन हो। गदाधर सिंह, आश्चर्य के साथ कुछ सोचकर, अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम मेरी भी नातेदार होवोगी। कला, जरूर ऐसा ही है, मगर यहाँ मैं इस बारे में कुछ भी न कहूंगी। दलीप शाह के मकान पर चलने ही से तुम्हें सब हाल मालूम हो जाएगा तथा और भी कई बातें ऐसी मालूम होंगी जिन्हें जानकर तुम खुश हो जाओगे। इन्हीं बातों का ख्याल करके और तुम्हें अपना नजदीकी नातेदार समझ के मैं चाहती हूँ कि तुम्हें इस घाटी के बाहर कर दूँ और खुद भी भाग जाऊँ। नहीं तो यहाँ रहकर तुम्हारी जान किसी तरह बच नहीं सकती और बिना मेरी मदद के तुम घाटी के बाहर भी नहीं जा सकते। गदाधर सिंह, सोचकर, अगर ऐसा ही है तो तुम मेरी नातेदार होकर यहाँ क्यों रहती हो? कला, यहाँ पर मैं इन सब बातों का कुछ भी जवाब न दूंगी। कला की बातें सुनकर गदाधर सिंह सोच और तरदूत में पड़ गया। वो यहाँ का भेद जानने के लिए अवश्य ही कला को तकलीफ देता या गुस्से में आकर शायद मार ही डालता, मगर कला की बातों ने उसे उलझन में डाल दिया और वो सोच में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए। वो जानता था, बल्कि उसे विश्वास था कि बिना किसी मदद के वो इस घाटी के बाहर नहीं निकल सकता और यहाँ फंसे रहना भी उसके लिए अच्छा नहीं, चाहे वो किसी तरह की तैयारी करके कितना भी उपद्रव मचा ले। अतः वो बाहर निकल जाना बहुत पसंद करता था और समझाते था कि इत्तेफाक ही ने इस समय उसे मदद दिला दी है और अब इससे काम न लेना निरी बेवकूफी है। मगर कला की बातों ने उसे चक्कर में डाल दिया था। यद्यपि वो दलीप शाह का पता जानता था, मगर कई कारणों से उसके पास या सामने जाना अथवा कला को ले जाना पसंद नहीं करता था। उधर कला से उसकी इच्छानुसार बात करने की उसे सख्त जरूरत थी, क्योंकि उसे इस बात का शक हो रहा था कि कला से दलीप शाह के पास ले जाने का वादा न करूंगा तो शायद यह मुझे इस खोह के बाहर भी न ले जाएगी। वो कला को धोखा देने और कोरा वादा करने के लिए तैयार था, मगर वो चाहता था कि कला मुझसे वादा पूरा करने के लिए कसम न खिलावे। असली सूरत में कसम खाकर मुंह फेर लेने की आदत अभी तक उसमें नहीं पड़ी थी और वो अपने को बहादुर समझता था। गदाधर सिंह के दिल में ये बातें भी पैदा हो रही थी कि इस घाटी के मालिक का पता लगाना चाहिए और यहाँ के भेदों को जानना चाहिए, परंतु उसने सोचा कि यहाँ अकेला और बिना किसी मददगार के रहकर मैं कुछ भी न कर सकूंगा। यहाँ के रहने वाले बिल्कुल ही सीधे सादे नहीं मालूम होते और यद्यपि अभी तक यहाँ किसी मर्द की सूरत दिखाई न दी, परंतु औरतें भी यहाँ की अयारी ही जान पड़ती है। क्या यह औरत भी मुझसे अयारी के ढंग पर बातें कर रही हैं? संभव है कि ऐसा ही हो और मुझे इस घाटी के बाहर ले जाने के बहाने से यह किसी खोह या कंदरा में फंस कर पुनः कैद करा दे। अभी तक तो मैंने इस बात की भी जाँच नहीं की कि इसकी सूरत असली है या बनावटी। खैर, मैं अभी अभी इस बात की भी जांच कर लूंगा और इसके बाद जब इस घाटी के बाहर निकल जाने के लिए इसके साथ किसी खोह या सुरंग के अंदर घुसूंगा तो पूरा होशियार रहूंगा कि यह मुझसे दगा न करे, न इसे अपने आगे चलने दूंगा और न पीछे रहने दूंगा, बल्कि इसका हाथ पकड़े रहूंगा या कमर में कमंद बांध कर थामे रहूंगा। इस खोह के बाहर निकल जाने पर मैं सब कुछ कर सकूंगा, क्योंकि तब वहां का रास्ता भी देखने में आ जाएगा। तब अपने दो एक शागिर्दों को मदद के लिए साथ लेकर पुनः यहाँ आऊंगा और यहाँ रहने वालों से संभूंगा जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था। इत्यादि तरह तरह की बातें गदाधर सिंह बहुत देर तक सोचता रहा और इसके बाद कला से बोला, अच्छा मैं तुम्हें दलीप शाह के पास ले चलूंगा, मगर तुम पानी से अपना मुंह धोकर मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम्हारी सूरत बदली हुई नहीं है या तुम अयार नहीं हो और मुझे कोई धोखा नहीं दिया चाहती। कला, हाँ हाँ, मैं अपना चेहरा धोने के लिए तैयार हूँ, पानी दो। गदाधर सिंह अपने बटुए में से पानी की एक छो बोतल निकालकर और कला की ओर बढ़ाकर, लो यह पानी तैयार है। कला ने गदाधर सिंह के हाथ से पानी लेकर अपना चेहरा धो डाला। उसके चेहरे पर किसी तरह का रंग तो चढ़ा हुआ था ही नहीं जो धोने से दूर हो जाता, बल्कि एक प्रकार की झिल्ली चढ़ी हुई थी जिस पर पानी का कुछ भी असर नहीं हो सकता था। अस्तु, गदाधर सिंह को विश्वास हो गया कि इसकी सूरत बदली हुई नहीं है। भूतनाथ ने उसके हाथ पैर खोल दिए और घाटी के बाहर चलने के लिए कहा। गदाधर सिंह, क्या तुम इस दिन के समय मुझे यहाँ से बाहर ले जा सकती हो? कला, हाँ ले जा सकती हूँ। गदाधर सिंह, मगर तुम्हारे संगी साथी किसी जगह से छिपे हुए देख सकते हैं। कला, अव्वल तो शायद ऐसा ना होगा, दूसरे अगर कोई दूर से देखता भी होगा तो जब तक वो मेरे पास पहुंचेगा तब तक मैं तुम्हें लिए हुए इस घाटी के बाहर हो जाऊंगी, फिर मुझे बचा लेना तुम्हारा काम है। गदाधर सिंह जोश के साथ, ओह, घाटी के बाहर हो जाने पर फिर तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है।
कला, तो बस फिर जल्दी करो। मगर हाँ, एक बात तो रह ही गई। गदाधर सिंह, वो क्या? कला, तुमने मुझसे इस बात की प्रतिज्ञा नहीं की कि दलीप शाह से मुलाकात करा दोगे? गदाधर सिंह, मैं तो पहले ही वादा कर चुका हूँ कि तुम्हें दलीप शाह के पास ले चलूंगा। कला, वादा और बात है, प्रतिज्ञा और बात है। मैं इस बारे में तुमसे कसम खिला के प्रतिज्ञा करा लेना चाहती हूँ। तुम क्षत्रिय हो, अस्तु खंजर जिसे दुर्गा समझते हो, हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करो कि वादा पूरा करोगे। गदाधर सिंह कुछ देर तक सोचने के बाद खंजर हाथ में लेकर, अच्छा लो, मैं कसम खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हें दलीप शाह के घर पहुँचा दूंगा। कला, हाँ, बस मेरी दिलजमई हो गई। इतना कहकर कला उठ खड़ी हुई और गदाधर सिंह को साथ लिए हुए पहाड़ी के नीचे उतरने लगी। पाठकों को समझ रखना चाहिए कि इस सुंदर घाटी से बाहर निकल जाने के लिए केवल एक ही रास्ता नहीं है, बल्कि कई रास्ते हैं जिन्हें मौके मौके से समयानुसार ये लोग अर्थात कला और बिमला काम में लाया करती हैं, और इनका हाल किसी मौके पर आगे चलकर मालूम होगा। इस समय हम केवल उसी रास्ते का हाल दिखाते हैं जिससे गदाधर सिंह कावे साथ लिए हुए कला बाहर जाने वाली है। कला पहाड़ी के कोने की तरफ दबती हुई नीचे उतरने लगी। धूप बहुत तेज हो चुकी थी और गर्मी से उसे सख्त तकलीफ हो रही थी, तथापि वो गौर से कुछ सोचती हुई पहाड़ी के नीचे उतरने लगी। जब करीब जमीन के पास पहुंच गई तो एक ऐसा स्थान मिला जहां जंगली झाड़ियां बहुतायत से थीं और वहां पत्थर का एक छोटा बुर्ज भी था जिस पर चढ़ने के लिए उसके अंदर की तरफ छोटी छोटी 30 या 35 सीढ़ियां बनी हुई थी। उस बुर्ज के ऊपर लोहे की चौरुखी झंडी लगी हुई थी, अर्थात लोहे के बनावटी बांस पर लोहे के ही तपरों की बनी चौरुखी झंडी इस ढंग से बनी हुई थी कि यह घुमाने से घूम सकती थी। एक झंडी का रंग सफेद, दूसरी का स्याह, तीसरी का लाल और चौथी झंडी का पीला था। इस समय पीले रंग वाली झंडी का रुख बंगले की तरफ घूमा हुआ था। वहां पार खड़ी होकर कला ने गदाधर सिंह से कहा, बस इसी जगह बाहर निकल जाने के लिए एक सुरंग है और यह बुर्ज उसकी ताली है, अर्थात दरवाजा खोलने के लिए पहले मुझे इस बुर्ज के ऊपर जाना होगा। अस्तु, तुम इसी जगह खड़े रहो, मैं क्षण भर के लिए ऊपर जाती हूँ। गदाधर सिंह, कुछ सोचकर तो मुझे भी अपने साथ लेती चलो, मैं देखूंगा कि वहाँ तुम क्या करती हो। कला, मुस्कुराकर, तो तुम इस रास्ते का भेद जानना चाहते हो? गदाधर सिंह, हाँ बेशक, और इसीलिए तो मैंने तुमसे दलीप शाह के पास पहुँचा देने का वादा किया है। कला, अब चलो। गदाधर सिंह कला के साथ उस बुर्ज के अंदर घुस गया। उसने देखा कि कला ने ऊपर चढ़कर उस झंडी के बांस को जो बुर्ज के बीचों बीच से छत फोड़कर अंदर निकला हुआ था कि घुमा दिया। बस इसके अतिरिक्त उसने और कुछ भी नहीं किया और बुर्ज के नीचे उतर आई। बाहर निकलने पर गदाधर सिंह ने देखा कि जिस रुख पर पीले रंग की झंडी थी, अब उस रुख पर लाल रंग की झंडी है। मगर इस काम से और इस सुरंग के दरवाजे से क्या संबंध हो सकता है, सो उसकी समझ में न आया। कुछ गौर करने पर यकायक ख्याल आया कि ये झंडियां यहाँ रहने वालों के लिए इशारे का काम करती हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। वो सोचने लगा कि निसंदेह यह औरत बड़ी चालाक और धूर्त है, पहले भी इसी ने मुझ पर वार किया था। बेहोशी की दवा से भरा हुआ तमंचा इसी ने तो मुझ पर चलाया था और इस समय भी इसी से मुझे पाला पड़ा है। देखना चाहिए यह क्या रंग लाती है। इस समय भी अगर यह मेरे साथ दगा करेगी तो मैं इसे दुरुस्त ही करके छोड़ूंगा इत्यादि। गदाधर सिंह को सोच और विचार में पड़े हुए देखकर कला भी समझ गई कि वो मेरी ही विषय में चिंता कर रहा है और इसे इस झंडी के घुमाने पर शक हो गया। और अस्तु उसने शीघ्रता से मुद्रा दिखाते हुए गदाधर सिंह से कहा, बस आओ और जल्दी से खोह के अंदर घुसो क्योंकि पहला दरवाजा खुल गया है। बुर्ज के नीचे उतर जाने के बाद गदाधर सिंह को साथ लिए हुए कला यहाँ से पश्चिम तरफ ढालवी जमीन पर चलने लगी और लगभग 30 या 40 कदम चलने के बाद एक ऐसी जगह पहुँची जहाँ 4-5 पेड़ परिजात के लगे हुए थे और उनके बीच में जंगली लताओं से छिपा हुआ एक छोटा दरवाजा था। कला ने गदाधर सिंह की तरफ देख के कहा, यही उस खोह का दरवाजा है जिस राह से हम लोगों का आना जाना होता है। अब मैं इसके अंदर घुसती हूँ, तुम पीछे चले जाओ। गदाधर सिंह, जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं यह कह सकता हूँ कि इस खोह के अंदर जरूर अंधकार होगा। कहीं ऐसा न हो कि तुम आगे चलकर गायब हो जाओ और मैं अंधेरे में तुम्हें टटोलता, पुकारता और पत्थरों से ठोकरें खाता हुआ परेशानी में फंस जाऊँ, क्योंकि नित्य आने जाने के कारण यह रास्ता तुम्हारे लिए खेल हो रहा है। इसके अतिरिक्त यह रास्ता एकदम सीधा कभी न होगा,
जरूर रास्ते में गिर ही पड़ी होगी, या यूं कहा जाए कि इसके बीच में दो एक तिलिस्मी दरवाजे जरूर लगे होंगे। कला, नहीं नहीं, तुम बेखौफ मेरे पीछे चले आओ, यह रास्ता बहुत साफ है। गदाधर सिंह, नहीं, मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूँ। बेहतर होगा कि तुम अपनी कमर में मुझे कमंद बांधने दो, मैं उसे पकड़े हुए तुम्हारे पीछे पीछे चला चलूंगा। कला, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मुझे मंजूर है। आखिर ऐसा ही हुआ, गदाधर सिंह ने कला की कमर में कमंद बांधी और उसे आगे चलने के लिए कहा और उस कमंद का दूसरा सिरा पकड़े हुए पीछे पीछे आप रवाना हुआ। गदाधर सिंह को इस बात का बहुत ख्याल था कि सुरंग की राह से आने जाने का रास्ता किसी तरह मालूम कर ले, मगर कला किसी दूसरी ही फिक्र में थी। वो यह नहीं चाहती थी कि इसी सुरंग के अंदर भूतनाथ अर्थात गदाधर सिंह को फंसा कर मार डाले। इस समय उसे इस सुरंग से निकाल देना ही वो पसंद करती थी। अस्तु वो धीरे धीरे सुरंग के अंदर से रवाना हुई। 15 या 20 कदम आगे जाने के बाद सुरंग में एकदम अंधकार मिला, इसलिए गदाधर सिंह को टटोल टटोल कर चलने की जरूरत पड़ी, मगर कला तेजी के साथ कदम बढ़ाए चली जा रही थी और एकतौर पर गदाधर सिंह को खींचे लिए जाती थी। कला, अब तुम जल्दी चलते क्यों नहीं? रास्ता बहुत चलना है और तुम्हारी सताई हुई प्यास के मारे मैं बेचैन हो रही हूँ। इस खोह के बाहर निकलकर तब पानी पीऊंगी, और तुम्हारा यह हाल है कि चींटी की तरह कदम बढ़ाते हो। मेरे पीछे पीछे आने में भी तुम्हारी यह दशा है, तुम कैसे अयार हो? गदाधर सिंह, मालूम होता है कि मुझे आज तुमसे भी कुछ सीखना पड़ेगा। मेरी अयारी में जो कुछ कसर थी उसे अब कदाचित तुम लोग ही पूरा करोगी। कला, वास्तव में ऐसी ही बात है। देखो यहाँ एक दरवाजा आया है, जरा संभल कर चौखट लांघना, नहीं ठोकर खाओगे। उसी समय किसी तरह के खटके की आवाज आई और मालूम हुआ कि दरवाजा खुल गया। गदाधर सिंह बहुत होशियारी से इस नियत से हाथ बढ़ाकर टटोलता हुआ आगे बढ़ा कि दरवाजे का पता लगावे और मालूम करे कि वो कैसा है या किसी तरह से खुलता है, मगर चौखट लांग जाने पर भी जब इस बात का कुछ पता न लगा तब उसने चिढ़कर कला से कहा, क्या खाली चौखट ही थी या यहाँ तुमने दरवाजा खोला है? कला, इस बात के जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, मैंने तुमसे यह वादा नहीं किया है कि यहाँ के सब भेद बता दूंगी। गदाधर सिंह, मैं यहाँ के भेद जानना नहीं चाहता, मगर इस सुरंग का हाल तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। कला, इस भरोसे मत रहना, मैं वादे के मुताबिक तुम्हें इस जगह से बाहर कर दूंगी और तुम प्रतिज्ञानुसार मुझे दलीप शाह के पास पहुँचा देना। गदाधर सिंह, क्या तुम नहीं जानती कि अभी तक तुम मेरे कब्जे में हो और मैं जितना चाहे तुम्हें सता सकता हूँ? कला, तुम्हारे ऐसे बेवकूफ अय्यार के मुंह से ऐसी बात निकले तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। अजी, तुम यही गनीमत समझो कि इस घाटी के अंदर हम लोगों ने तुम्हें किसी तरह का दुहक नहीं दिया, क्योंकि हम लोग तुम्हारे साथ कोई और ही सलूक किया चाहती हैं और किसी दूसरे ढंग पर बदला लेने का इरादा है। यह तुम्हारी भूल है कि तुम मुझे अपने कब्जे में समझते हो। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ। कला की ऐसी बातें सुनकर गदाधर सिंह झल्ला उठा और उसने क्रोध के साथ कमंद खींची। उसे आशा थी कि कला इसके साथ खींचती चली आवेगी, मगर ऐसा न हुआ और खाली कमंद खींचकर गदाधर सिंह के हाथ में आ गई, क्योंकि रास्ता चलते चलते कला ने वो कमंद खोल डाली थी, इसलिए कि उसके हाथ खुले थे। गदाधर सिंह ने इस ख्याल से उसके हाथ नहीं बांधे थे और कला ने भी ऐसा ही बहाना किया था कि सुरंग के अंदर कई कठिन दरवाजे खोलने पड़ेंगे। जिस समय खाली कमंद खींचकर गदाधर सिंह के हाथ में आ गई, उसका कलेजा दहल उठा और वो वास्तव में बेवकूफ सा बनकर चुपचाप खड़ा रह गया, मगर साथ ही कला की आवाज आई, कोई चिंता मत करो, चुपचाप कदम बढ़ाते चले आओ और समझ लो कि यहाँ भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। एक खटके की आवाज आई और आहत से उसी समय यह भी मालूम हो गया कि जिस चौखट को लांघ कर वो आया था उसमें किसी तरह का दरवाजा था जो उसके इधर आ जाने के बाद आपसे आप बंद हो गया। पीछे की तरफ हटकर और हाथ बढ़ाकर देखा तो अपना ख्याल सच पाया और विश्वास हो गया कि अब उसका पीछे की तरफ लौट जाना असंभव हो गया। वहाँ की अवस्था और कला की बातों से गदाधर सिंह का गुस्सा बराबर बढ़ता ही गया और इस बात की उसे बहुत ही शर्म आई कि एक साधारण औरत ने उसे उल्लू बना दिया। मगर वो कर ही क्या सकता था, उन अनजान सुरंग और अंधकार में उसका क्या बस चल सकता था। परंतु इतने पर भी उसने मजबूर होकर कला के पीछे पीछे टटोलते हुए जाना पसंद नहीं किया। कई सायद तक चुपचाप खड़े रहकर कुछ सोचने के बाद उसने अपने बटुए में से सामान निकालकर रोशनी की और आंखें फाड़कर चारों तरफ देखने लगा।
उसने देखा कि यह सुरंग बहुत बड़ी चौड़ी और कुदरती ढंग पर बनी हुई है तथा ऊंचाई भी किसी तरह कम नहीं है। तीन आदमी एक साथ खड़े होकर उसमें बखूबी लंबी है क्योंकि आगे की तरफ बिल्कुल अंधकार मालूम होता था। पीछे की तरफ देखा तो दरवाजा बंद पाया जिसमें किसी तरह की कुंडी, खटके या ताले का निशान नहीं मालूम होता था। गदाधर सिंह हाथ में बत्ती लिए हुए आगे की तरफ कदम बढ़ाए रवाना हुआ। लगभग 150 कदम जाने के बाद उसे पुनः दूसरी चौखट लांघने की जरूरत पड़ी। उसके पार हो जाने के बाद यह दरवाजा भी आप से आप बंद हो गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि लोहे का बहुत बड़ा तख्ता एक तरफ से निकलकर रास्ता बंद करता हुआ दूसरी तरफ जाकर हाथ भर तक दीवार के अंदर घुस गया। क्योंकि वो पीछे फिरकर देखता हुआ आगे बढ़ा था, वो पुनः आगे की तरफ बढ़ा मगर अब क्रमशः सुरंग तंग और नीची मिलने लगी। उसे कला का कहीं पता न लगा जिसे गिरफ्तार करने के लिए वो दांत पीस रहा था। कई सौ कदम चले जाने के बाद पिछले दो दरवाजों की तरह उसे और भी तीन दरवाजे सामने पड़े और सब वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां दो तरफ को रास्ता फूट गया था। वहां पर वो अटक गया और सोचने लगा कि किस तरफ जाए। कुछ ही शायद बाद एक तरफ से आवाज आए, अगर सुरंग के बाहर निकल जाने की इच्छा हो तो दाहिनी तरफ चला जा और अगर यहाँ के रहने वालों की अयारी का इम्तिहान लेना हो और किसी को गिरफ्तार करने की प्रबल अभिलाषा हो तो बाईं तरफ का रास्ता पकड़। गदाधर सिंह चौकन्ना होकर उस तरफ देखने लगा जिधर से आवाज आई थी मगर किसी आदमी की सूरत दिखाई न पड़ी। आवाज पर गौर करने से विश्वास हो गया कि यह उसी औरत कला की आवाज है जिसकी बदौलत वो यहाँ तक आया था। आवाज किस तरफ से आया या आवाज देने वाला कहाँ है और वहाँ तक पहुँचने की क्या तरकीब हो सकती है इत्यादि बातों पर गौर करने के लिए भी गदाधर वहाँ न अटका और गुस्से के मारे पेचोताप खाता हुआ दाहिनी तरफ वाली सुरंग में रवाना हुआ। थोड़ी देर तक तेजी के साथ चलकर वो सुरंग से बाहर निकल आया और ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां बहुत सुंदर और सुहावने बेल और पारिजात के पेड़ लगे हुए थे और हरी हरी लताओं से सुरंग का मुंह ढका हुआ था। जहां पर गदाधर सिंह खड़ा था उसके दाहिनी तरफ कई कदम की दूरी पर सुंदर झरना था जो पहाड़ की ऊंचाई से गिरता हुआ तेजी के साथ बह रहा था। यद्यपि इस समय उसके जल की चौड़ाई 4 या 5 हाथ से ज्यादा न थी मगर दोनों तरफ के कगारों पर ध्यान देने से विश्वास होता था कि मौसम पर जरूर चश्मा छोटी मोटी नदी का रूप धारण कर लेता होगा। गदाधर सिंह ने देखा कि उस चश्मे का जल मोती की तरह साफ और निखरा हुआ बह रहा है और उसके उस पार वही औरत कला जिसने उसे धोखा दिया था हाथ में तीर कमान लिए खड़ी उसकी तरफ देख रही है। वो अकेली नहीं है बल्कि और भी 4 औरतें उसी की तरह हाथ में तीर कमान लिए उसके पीछे हिफाजत के ख्याल में खड़ी हैं। गदाधर सिंह क्रोध से भरा हुआ लाल आंखों से उस औरत कलक की तरफ देखने लगा और कुछ बोलना ही चाहता था कि सामने से और भी 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए जिन्हें नजदीक आने पर भी उसने नहीं पहचाना मगर उसे ख्याल हुआ कि इन दोनों के अयारी के ढंग पर अपनी सूरतें बदली हुई हैं। ये दोनों आदमी गुलाब सिंह और प्रभाकर सिंह थे जिनकी सूरत इस समय वास्तव में बदली हुई थी। प्रभाकर सिंह ने निगाह पड़ते ही कला को पहचान लिया क्योंकि उसे बदली हुई सूरत में कला और बिमला को देख चुके थे। हाँ, कला ने प्रभाकर सिंह को नहीं पहचाना जो उस समय भी सुंदर सिपाहियाना ठाठ में सजे हुए थे। कला को इस जगह ऐसी अवस्था में देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ और वे उससे कुछ पूछना ही चाहते थे कि उनकी निगाह गदाधर सिंह पर जा पड़ी जो चश्मे के उस पार पत्थर की चट्टान पर खड़ा इन लोगों की तरफ देख रहा था। प्रभाकर सिंह ने इस ढंग पर अपनी सूरत बदली हुई थी कि उन्हें यकायक पहचानना बड़ा कठिन था मगर एक बंधे हुए इशारे से उन्होंने कला पर अपने को प्रकट कर दिया और यह बतला दिया कि जो आदमी मेरे साथ है वो मेरा सच्चा खैरख्वाह गुलाब सिंह है। गुलाब सिंह का हाल कला को मालूम था क्योंकि वो उसकी तमारी फिंदुमती से सुन चुकी थी और जानती थी कि ये प्रभाकर सिंह के विश्वास पात्र हैं इसलिए इनसे कोई बात छिपाने की जरूरत नहीं है। अस्तु पूछने पर उसने अपने साथ वाली औरतों को अलग करके सब हाल अपना और भूतनाथ का साफ साफ बयान कर दिया जिसे सुनते ही प्रभाकर सिंह और गुलाब सिंह हंस पड़े। प्रभाकर सिंह, वास्तव में तुम बेतरह इसके हाथ फंस गई थी मगर खूब ही चालाकी से अपने को बचाया। गुलाब सिंह प्रभाकर सिंह की तरफ देख के, यद्यपि गदाधर सिंह इनका कसूरवार है और आजकल उसने अजीब तरह का ढंग पकड़ रखा है, तथापि मैं कह सकता हूँ कि गदाधर सिंह ने इन्हें पहचाना नहीं, अगर पहचान लेता तो कदापि इनके साथ बेअदबी का बर्ताव न करता। कला,
गुलाब सिंह से आज जो चाहे कहें क्योंकि वो आपका दोस्त है, मगर हम लोगों को उस पर कुछ भी विश्वास नहीं है। प्रभाकर सिंह से मालूम होता है कि हम लोगों का हाल आपने इनसे कह दिया है। प्रभाकर सिंह, हाँ बेशक ऐसा ही है, मगर तुम लोगों को इन पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि ये मेरे सच्चे सहायक हितैषी और दोस्त हैं। तुम लोगों को भी इनसे बड़ी मदद मिलेगी। कला, ठीक है, और मैं जरूर इन पर विश्वास करूंगी क्योंकि इनका पूरा पूरा हाल बहिन इंदुमती से सुन चुकी हूँ। यद्यपि ये गदाधर सिंह के दोस्त हैं और हम लोग उनके साथ दुश्मनी का बर्ताव कर रहे हैं। गुलाब सिंह, कला से, यद्यपि गदाधर सिंह मेरा दोस्त है, मगर प्रभाकर सिंह की तरफ बताकर इनके मुकाबले में मैं उस दोस्ती की कुछ भी कदर नहीं करता। इनके लिए मैं उसी को नहीं बल्कि दुनिया के हर एक पदार्थ को जिसे मैं प्यार करता हूँ छोड़ देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जाने दो, इस समय पर इन बातों की जरूरत नहीं। पहले उस गदाधर सिंह से बातें करके उसे विदा कर लो, फिर हम लोगों से बातें होती रहेंगी। हाँ, यह तो बताओ कि जब तुमने इसे गिरफ्तार ही कर लिया था तो फिर मार क्यों नहीं डाला? कला, हम लोग इसे मार डालना पसंद नहीं करती, बल्कि यह चाहती हैं कि जहाँ तक हो सके इसकी मिट्टी प्लीत करें और इसे किसी लायक न छोड़ें। यह किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक न रहे, बल्कि आदमी की सूरत देखकर भागता फिरे और इसके माथे पर कलंक का ऐसा टीका लगे कि किसी के छुड़ाए न छूटे सके और यह घबरा कर पछताता हुआ जंगल जंगल छिपता फिरे। गुलाब सिंह, बेशक यह बहुत बड़ी सजा है। अच्छा, तुम उससे बात करो। गदाधर सिंह दूर खड़ा हुआ इन लोगों की तरफ बराबर देख रहा था, मगर इन लोगों की बातें उसे कुछ भी सुनाई नहीं देती थीं और न वो हाव भाव ही से कुछ समझ सकता था। हाँ, इतना जानता था कि अब वो कला का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कला, कुछ आगे बढ़कर ऊंची आवाज में गदाधर सिंह से, अब तो तुम इस घाटी के बाहर निकल आए। मैंने जो कुछ वादा किया था सो पूरा हो गया। अब तुम मुझे दलीप शाह के पास ले चलकर अपना वादा पूरा करो। गदाधर सिंह, कला की तरफ बढ़कर, बेशक तुम्हारी अयारी मुझ पर चल गई और मैं बेवकूफ बन गया। मैं यह अभी खूब समझता हूँ कि दलीप शाह से मुलाकात करने की तुम्हें कोई जरूरत न थी, वो केवल बहाना था, और न अब तुम मेरे साथ दलीप शाह के पास जा ही सकती हो। अस्तु, कोई चिंता नहीं, तुम मेरे हाथ से निकल गई और मैं तुम्हारे पंजे से छूट गया। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, मगर कहे जाता हूँ कि तुम लोग व्यर्थ ही मुझसे दुश्मनी करती हो। दयाराम जी के विषय में जो कुछ तुम लोगों ने सुना है या जो कुछ तुम लोगों का ख्याल है वो बिल्कुल झूठ है। वो मेरे सच्चे प्रेमी थे और मैं अभी तक उनके लिए रो रहा हूँ। यदि जमुना और सरस्वती वास्तव में जीती हैं और तुम लोग उनके साथ रहती हो तो जाकर कह देना कि गदाधर सिंह तुम लोगों के साथ दुश्मनी कदापि न करेगा। यद्यपि तुम्हारा हाल जानने के लिए वो तुम्हारे आदमियों को दुहक दे और सतावे तो हो सकता है, मगर वो तुम दोनों को कदापि दुहक न देगा। तुम यदि इच्छा हो तो गदाधर सिंह को सता लो, उसे तुम्हारे लिए जान दे देने में भी कुछ उज्र न होगा। इतना कहकर भूतनाथ वहां से पलट पड़ा और देखते देखते नजरों से गायब हो गया। गुलाब सिंह को बाहर ही छोड़कर प्रभाकर सिंह कला के साथ घाटी के अंदर चले गए और गुलाब सिंह से कह गए कि तुम इसी जगह ठहर कर मेरा इंतजार करो, इंदुमती तथा बिमला से मिलकर आता हूँ तो चुनार की तरफ चलूंगा, क्योंकि जब तक शिवदत्त से बदला न ले लूंगा तब तक मेरा मन स्थिर न होगा। संध्या हो चुकी थी जब प्रभाकर सिंह लौटकर गुलाब सिंह के पास आए और दोनों आदमी धीरे धीरे बातचीत करते हुए चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए। इन दोनों को इस बात की कुछ भी खबर नहीं है कि भूतनाथ इनका पीछा किए चला आ रहा है और चाहता है कि इन दोनों को किसी तरह पहचान ले। इन दोनों के ख्याल से भूतनाथ उसी समय कला के सामने ही चला गया था, मगर वास्तव में वो थोड़ी दूर जाकर छिप रहा था और अब मौका पाकर इन दोनों के पीछे पीछे छिपता हुआ रवाना हुआ। अध्याय 3। क्या भूतनाथ को कोई अपना दोस्त कह सकता था? क्या भूतनाथ के दिल में किसी की मोहब्बत कायम रह सकती थी? क्या भूतनाथ किसी के एहसान का पाबंद रह सकता था? क्या भूतनाथ पर किसी का दबाव पड़ सकता था? क्या भूतनाथ पर कोई भरोसा रख सकता था? इसका जवाब देना बहुत कठिन है। जो गुलाब सिंह भूतनाथ को अपना दोस्त कहता था, आज वही गुलाब सिंह भूतनाथ पर भरोसा नहीं करता और इसी तरह भूतनाथ भी उसे अपना दोस्त नहीं समझता। जिस प्रभाकर सिंह की मदद के लिए भूतनाथ कमर बांध कर तैयार हुआ था, आज उसी प्रभाकर सिंह पर अयारी का वार करके इंदुमती को सताने के लिए वो तैयार हो रहा है।
सूरत बदले हुए प्रभाकर सिंह और गुलाब सिंह को यद्यपि भूतनाथ ने पहचाना न था, मगर उसे किसी तरह का शक जरूर हो गया था और यही जांच करने के लिए उसने इन दोनों का पीछा किया था। रात पहर भर से ज्यादा हो चुकी थी। गुलाब सिंह और प्रभाकर सिंह आपस में बातें करते हुए चुनारगढ़ की तरफ जा रहे थे। वे दोनों इस विचार में थे कि कोई गांव या बस्ती आ जाए तो वहां थोड़ी देर के लिए आराम करें। कुछ दूर और जाने के बाद वे दोनों ऐसी जगह पहुंचे जहां जंगली पेड़ बहुत ही कम होने के कारण वो जमीन मैदान का नमूना बन रही थी और पगडंडी रास्ते से कुछ हटकर दाहिनी तरफ एक सुंदर कुआं भी था, जिसे देख इन दोनों की इच्छा हुई कि इस कुएं पर बैठकर कुछ देर आराम कर लें तब आगे बढ़ें। कुएं के पास जाकर देखा कि एक आदम गमछा बिछाए उसी जगह पर आराम कर रहा है और डोरी तथा लोटा उसके सिरहाने की तरफ पड़ा हुआ है। गुलाब सिंह ने प्रभाकर सिंह की तरफ देखकर कहा, कुछ देर के लिए यहाँ आराम कीजिए, पानी पीजिए और हाथ मुंह धो ठंडे होकर सफर की हरारत मिटाइए। इसके जवाब में प्रभाकर सिंह ने कहा, पानी पीने के लिए हम लोगों के पास लोटा डोरी तो है नहीं। हाँ, आगे किसी ठिकाने पर चले तो सभी कुछ हो सकता है, बल्कि वहाँ खाने पीने का भी सुबीता होगा। इन दोनों की बातें सुनकर वो मुसाफिर जो कुएं की जगत पर लेटा हुआ था उठ बैठा और बोला, हाँ हाँ, आप क्षत्रिय जान पड़ते हैं और मैं भी गौड़ ब्राह्मण हूँ। अभी अभी यह लोटा मांझ कर मैंने रखा है, आप पानी खींच लीजिए। अति उत्तम कहकर गुलाब सिंह ने लोटा डोरी उठा ली और प्रभाकर सिंह उसी जगत पर बैठ गए। गुलाब सिंह ने कुएं से जल निकाला और दोनों दोस्तों ने हाथ मुंह धोया। इसके बाद पुनः जल निकाल कर दोनों ने थोड़ा थोड़ा पिया, फिर लोटा मांझ मुसाफिर के सिरहाने उसी जगह रख दिया। गुलाब सिंह यद्यपि होशियार आदमी थे, मगर इस जगह एक मामूली बात में भूल कर गए। उन्हें उचित था कि अपने हाथ से लोटा मांझ कर तब जलपान करते या मुंह हाथ धोते, मगर ऐसा न करने से दोनों ही को तकलीफ उठानी पड़ी। वो आदमी जो कुएं पर पहले ही से आराम कर रहा था वास्तव में भूतनाथ था। वो इन दोनों की आहट लेता हुआ इनसे कुछ ही दूर आगे आगे सफर कर रहा था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि कभी आगे कभी पीछे कभी पास कभी दूर, जब जैसा मौका पाता उसी तरह उन दोनों के साथ सफर कर रहा था और इस समय पहले ही से यहां आकर इन लोगों को धोखा देने के लिए अटका हुआ था। प्रभाकर सिंह गुलाब सिंह से, यह कुआं है तो अच्छे मौके पर, मगर इसका पानी अच्छा नहीं है। गुलाब सिंह, हाँ पानी में कुछ बदबू मालूम पड़ती है, मगर यह बात पहले न थी। मैं कई दफे इस कुएं का पानी पी चुका हूँ। यहाँ चार पांच कोस के घेरे में यही एक कुआं है। इसके बाद दोनों आदमी कुछ देर तक मामूली बातचीत करते रहे, क्योंकि अनजान मुसाफिर पास होने के ख्याल से मतलब की या भेद की कोई बात नहीं कर सकते थे। इसके बाद वे दोनों चादर बिछाकर लेट गए और बात की बात में बेखबर होकर खर्राटे लेने लगे। उस समय भूतनाथ अपनी जगह से उठा और दोनों के पास आकर गौर से देखने लगा कि अभी ये बेहोश हुए हैं या नहीं। भूतनाथ ने अपने लोटे के अंदर बेहोशी की दवा लगा दी थी, जिसका कुछ हिस्सा पानी में मिल घुलकर इनके पेट में उतर गया था और इसी दवा के महक इन दोनों की नाक में गई थी, जिसका असल मतलब न समझकर इन्होंने पानी की शिकायत की थी। जब भूतनाथ ने देखा कि वे दोनों अच्छी तरह बेहोश हो गए, तब अपने बटुए में से सामान निकालकर उसने रोशनी की। इसके बाद कुएं में से पानी निकाला और रुमाल तर करके इन दोनों का चेहरा साफ किया। उस समय अच्छी तरह देखने से भूतनाथ का शक जाता रहा और उसने पहचान लिया कि ये दोनों गुलाब सिंह और प्रभाकर सिंह हैं। गुलाब सिंह एआर नहीं था, मगर अकल का तेज होशियार आदमी था तथा एआरों के साथ दोस्ती रहने के कारण कुछ कुछ एआरी का काम भी कर सकता था और इसी सबब से उसने अपनी और प्रभाकर सिंह की सूरत मामूली ढंग पर बदल ली थी। भूतनाथ ने इन दोनों को अच्छी तरह पहचान लेने के बाद गुलाब सिंह की सूरत पुनः उसी तरह की बना दी और प्रभाकर सिंह को पीठ पर लादकर अपने घर का रास्ता लिया। तेजी के साथ चलकर दो ही घंटे में वो अपनी घाटी के मुहाने पर जा पहुंचा, जहां रहता था तथा जो कला और बिमला की घाटी के साथ सटी हुई थी। वहां उसके शागिर्द लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे, यह सोच भूतनाथ तेजी से कदम बढ़ाता हुआ उस सुरंग के अंदर घुसा। सुरंग के अंदर घुसने के बाद उसी चौमुहानी पर पहुंचा जिसका जिक्र ऊपर कई दफे आ चुका है। इसके बाद यह अपनी घाटी की तरफ घूमा और उस सुरंग में घुसा, मगर दो ही चार कदम आगे जाने के बाद दरवाजा बंद देख उसे बड़ा ही ताज्जुब हुआ। उसका दिमाग हिल गया और हिम्मती होने पर भी वो एक दफे कांप उठा।
प्रभाकर सिंह की गठरी उसने जमीन पर रख दी और बटुए में से सामान निकाल रोशनी करने के बाद अच्छी तरह गौर करके देखने लगा कि रास्ता क्यों कर बंद हो गया, मगर उसकी समझ में कुछ भी न आया। उसने सिर्फ इतना देखा कि लोहे का एक बहुत बड़ा तख्ता सामने खड़ा हुआ है, जिसके कारण यह बिल्कुल नहीं जान पड़ता कि उसका घर किस तरफ है। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की और बड़ी देर तक हैरान रहा, मगर सब बेकार हुआ। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आए कि हाय, उसके कई शागिर्द जो इस घाटी के अंदर हैं, सब बेचारे भूख के मारे तड़प कर मर जाएंगे, क्योंकि इस रास्ते के सिवाय बाहर निकलने के लिए उन्हें कोई दूसरा रास्ता न मिलेगा। प्रभाकर सिंह की गठरी लिए भूतनाथ घबराया हुआ सुरंग के बाहर निकल आया और एक घने पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इस समय यहाँ मेरा कोई शागिर्द या नौकर भी नहीं मिल सकता जिससे किसी तरह का काम निकाला जाए। जिस ख्याल से प्रभाकर सिंह को ले आया था वो काम भी न हुआ। हाय, मेरे आदमी एकाएक जहन्नुम में मिल गए और मैं उनकी कुछ भी मदद न कर सका। मालूम होता है कि यहाँ का कोई सच्चा जानकार आ पहुँचा जिसने इस घाटी पर कब्जा कर लिया। क्या दयाराम की दोनों स्त्रियाँ तो यहाँ नहीं आ पहुँची जो पड़ोस में रहती हैं? अगर ऐसा हो भी तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बगल वाली घाटी जिसमें वे दोनों रहती हैं कोई तिलिस्म मालूम पड़ती है और यह घाटी उससे कुछ संबंध रखती हो तो आश्चर्य ही क्या है। मैं नहीं चाहता था कि उन दोनों को सताऊं या किसी तरह की तकलीफ दूं, मगर दोस्तों और शागिर्दों को छुड़ाने के लिए अब मुझे सभी कुछ करना पड़ेगा। अध्याय 4। गुलाब सिंह की जब आंख खुली तो रात बीत चुकी थी और सुबह की सफेदी में पूरब तरफ लालिमा दिखाई देने लग गई थी। वो घबराकर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। जब प्रभाकर सिंह को वहां न पाया तब बोल उठा, बेशक मैं धोखा खा गया। वो मुसाफिर न था बल्कि कोई अयार था जिसने लोटे में किसी तरह की दवा लगा दी होगी। क्या मैं कह सकता हूँ कि प्रभाकर सिंह को वही उठा ले गया होगा? इतना कह वो जगत के नीचे उतरा और घूम घूम कर प्रभाकर सिंह की तलाश करने लगा। जब वे न मिले तो तरह तरह की बातें मन में सोचता हुआ आगे की तरफ बढ़ा। बेशक वो कोई अयार था जो प्रभाकर सिंह को उठाकर ले गया। ताज्जुब नहीं कि वो भूतनाथ हो, यद्यपि मुझे उससे ऐसी आशा न थी, परंतु आजकल वो जमुना और सरस्वती के ख्याल से प्रभाकर सिंह को भी अपना दुश्मन समझने लग गया है। यह भी किसी को क्या उम्मीद थी कि जमुना और सरस्वती जीती होंगी। खैर, मुझे इस समय प्रभाकर सिंह के लिए कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। बेहतर होगा यदि मैं स्वयं भूतनाथ के पास चला जाऊं और उससे प्रभाकर सिंह को मांग लूं। मगर नहीं, यद्यपि वो मेरा दोस्त है परंतु इस समय वो दोस्ती पर कुछ भी ध्यान न देगा। अगर उसे ऐसा ही ख्याल होता तो प्रभाकर सिंह को ले जाता ही क्यों? मुझे भी इस समय उससे किसी तरह की उम्मीद न रखनी चाहिए, क्योंकि अब हम लोग दयाराम के ख्याल से जमुना और सरस्वती के पक्षपाती हो गए हैं। अस्तु, अब उसके लिए कोई दूसरा ही बंदोबस्त करना चाहिए। अगर उस खोह का रास्ता मुझे मालूम होता तो मैं जमुना और सरस्वती को भी इस बात की खबर दे देता। अब मुझे दलीप शाह के पास चलना चाहिए और उससे मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं अकेले भूतनाथ का मुकाबला नहीं कर सकता। दलीप शाह जरूर मेरी मदद करेगा, उस पर मेरा जोर भी है और उसने मेरे साथ अपनी मोहब्बत भी दिखाई है, मगर पहले अपने आदमियों को समझा देना चाहिए जो अभी तक हम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। इत्यादि तरह तरह की बातें सोचता हुआ गुलाब सिंह आगे की तरह बढ़ा चला जाता था। लगभग एक या डेढ़ कोस गया होगा कि सामने से दो सिपाही ढाल तलवार लगाए दो घोड़ों की बागडोर थामे आते हुए दिखाई पड़े। जब वे गुलाब सिंह के पास पहुंचे तो सलाम करके खड़े हो गए और गुलाब सिंह भी रुक गया। गुलाब सिंह, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? एक, आप ही की खोज में जा रहे हैं, क्योंकि रात भर इंतजार करके हम लोग। गुलाब सिंह, बात काट कर, बेशक तुम लोग तरदूत में पड़ गए होंगे, मगर क्या करें, लाचारी है। अच्छा, यह कहो कि बाकी आदमी कहाँ है? एक, अभी तक सब उसी जगह अटके हुए हैं। गुलाब सिंह, अच्छा एक काम करो, तुम घोड़ा यही छोड़ दो और लौट जाओ। हमारे आदमियों को इत्तिला दो कि हमारे घर पर चले जाएं, पुराने घर पर नहीं, आजकल जहां हम रहते हैं उस घर पर चले जाएं, और जब तक हम या प्रभाकर सिंह वहां न आवे तब तक कहीं न जाएं। मैं इस घोड़े पर सवार होकर किसी काम के लिए जाता सिपाही की तरफ देखकर, तुम इस दूसरे घोड़े पर सवार हो लो और मेरे साथ साथ चलो। इतना कहकर गुलाब सिंह घोड़े पर सवार हो गया। जो हुक्म कहकर एक सिपाही तो पीछे की तरफ लौट गया और दूसरा घोड़े पर सवार होकर गुलाब सिंह के साथ रवाना हुआ।
अध्याय 5। ऊपर लिखी वारदात को गुजरे आज कई दिन हो चुके हैं। इस बीच में कहां और क्या क्या नई बातें पैदा हुई उनका हाल तो पीछे मालूम होगा। इस समय हम पाठकों को कला और बिमला की उसी सुंदर घाटी में ले चलते हैं जिसकी सैर वे पहले भी कई दफे कर चुके हैं। उस घाटी के बीचों बीच में जो सुंदर बंगला है उसी में चलिए और देखिए कि क्या हो रहा है। रात घंटे भर से कुछ ज्यादा जा चुकी है। बंगले के अंदर एक कमरे में साफ और सुथरा फर्श बिछा हुआ है और उस पर कुछ आदमी बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। एक तो इंद्रदेव है, दूसरी कला, तीसरी बिमला और चौथी इंदुमती है जिसका नाम आजकल चंदा रखा गया है। खैर सुनिए कि इनमें क्या क्या बातें हो रही हैं। बिमला, इंद्रदेव से आपका कहना बहुत ठीक है, मैं भी भूतनाथ से इसी तरह पर बदला लेना पसंद करती हूँ, तभी तो उसे यहाँ से निकल जाने का मौका दिया, नहीं तो यहाँ पर उसको मार डालना कोई कठिन काम न था। इंद्रदेव, ठीक है, किसी दुश्मन को मार डालने से मेरी तबीयत तो प्रसन्न नहीं होती। मैं समझता हूँ कि मरने वाले को कई सायद तक की मामूली तकलीफ तो होती है, मगर मरने के बाद उसे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता कि उसने किसके साथ कैसा सलूक किया था और उसने किस तरह पर उससे बदला लिया। प्राण का संबंध शरीर से नहीं छूटता, उसे कोई न कोई शरीर अवश्य ही धारण करना पड़ता है। एक शरीर को छोड़ा तो दूसरा धारण करना पड़ा, यह उसकी इच्छानुसार नहीं होता बल्कि सर्वशक्तिमान जगदीश्वर के रचे हुए माया में जगत का यह एक अकाट्य नियम ही है और इसी नियम के अनुसार ईश्वर भले बुरे कर्मों का बदला मनुष्य को देता है। एक देह को छोड़कर जब जीव दूसरी देह में प्रवेश करता है तब अपने भले बुरे कर्मों का फल दूसरी देह में भोगता है, मगर इसका उसे कुछ भी परिज्ञान नहीं होता और उस सुख दुहक का कारण न समझकर वो सहज ही में उस कर्म फल को अथवा सुख दुहक को भोग लेता है या भोग करता है। वो इस बात की नहीं समझ सकता कि पूर्व जन्म में मैंने यह पाप किया था जिसका बदला इस तरह पर मिल रहा है, बल्कि उसे वो एक मामूली बात समझता है और दुहक को दूर करने का उद्योग किया करता है। यही कारण है कि वो पुनः पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अगर मनुष्य जानता कि यह दुहक उसके किस पाप कर्म का फल है तो कदाचित वो पुनः उस पाप कर्म में प्रवृत्त होने का साहस न करता, परंतु उस महामाया की माया कुछ कहीं नहीं जाती और समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, कदाचित उस दयामे के दया भाव ही के कारण हो। इसी से मैं कहता हूँ कि दुश्मन को मार डालने से कोई फल नहीं होता, उसके पाप कर्म का बदला ईश्वर तो उसे देगा ही, परंतु मैं भी तो कुछ बदला दे दूं, यही मेरी इच्छा रहती है। चाहे किसी मत के पक्षपाती लोग इसे भी ईश्वर की इच्छा ही कहें, परंतु मेरे चित्त को जो संतोष होता है वो विशेषता इसमें अधिक अवश्य है। विमला, निसंदेह ऐसा ही है। इंद्रदेव, दुश्मन बहुत दिनों तक जीता रहकर पाप का प्रायश्चित भोगता रहे सो अच्छा, जितने ही ज्यादा दिनों तक वो पश्चाताप करे उतना ही अच्छा, उसके शरीर को जितना ही कष्ट भोगना पड़े उतना ही उत्तम, वो अपने सच्चाई के साथ बदला देने वाले को प्रसन्न और हंसता हुआ देखकर जितना ही कुड़े, जितना ही शर्मिंदा हो और जितना दुहक पा सके उतना ही शुभ समझना चाहिए। इसी विचार से मैं कहता हूँ कि भूतनाथ को मारो मत, बल्कि उसे जहाँ तक बने सताओ और दुहक दो, भला वो समझे तो सही कि मेरे किस कर्म का यह क्या फल मिल रहा है। मगर एक बात और विचारने के योग्य है, वो यह कि इस तरह पर दुश्मन से बदला लेना कुछ सहज काम नहीं है, इसके लिए बड़े ही उद्योग, बड़े ही साहस और बड़े ही धैर्य की जरूरत है और इसके लिए अपने चित्त के भाव को बहुत ही छिपाना पड़ता है, सो ये बातें मनुष्य से जल्दी निपटी नहीं। इसी से कई विद्वानों का मत है कि दुश्मन को जहाँ तक हो सके जल्द मिटा देना चाहिए, नहीं तो किसी विचार से तरह दे देने पर कहीं ऐसा न हो कि मौका पाकर वो बलवान हो जाए और तुम ही को अपने कब्जे में कर ले। यह सच है, परंतु यदि ईश्वर सहायक हो और मनुष्य धैर्य के साथ निर्वाह कर सके तो इस बदले से वो पहला ही बदला अच्छा है, जिसे मैं ऊपर बयान कर चुका हूँ। भूतनाथ के साथ इस तरह का बर्ताव करने से एक फायदा यह भी हो सकता है कि सच्चे और झूठे मामले की जांच भी हो जाएगी। कदाचित उसने तुम्हारे पति को धोखे ही से मारा हो, जानबूझकर न मारा हो जैसा कि उसका कथन है। भूतनाथ ऐसा बुद्धिमान और धुरंधर यदि अपने कर्मों का प्रायश्चित पाकर सुधर जाए और अच्छी तरह राह पर लगे तो अच्छी ही बात है, क्योंकि ऐसे बहादुर लोग दुनिया में कम पैदा होते हैं। इंद्रदेव की आखिरी बात कला और बिमला को पसंद न आए, मगर उन्होंने उनकी खातिर से यह जरूर कह दिया कि आपका कहना ठीक है। कला, खैर अब तो भूतनाथ को मालूम ही हो गया है कि जमुना और सरस्वती जीती हैं, देखें हम लोगों के लिए क्या उद्योग करता है। इंद्रदेव, कोई चिंता नहीं,
मालूम हो गया तो होने दो, तुम होशियारी के साथ इस घाटी के अंदर पड़ी रहो, किसी को यहाँ का रास्ता मत बताओ और जब कभी इस घाटी के बाहर जाओ तो उन अद्भुतों को जरूर अपने साथ रखो जो मैंने तुम लोगों को दिए हैं। बिमला, जो आ गया, कला, यहाँ का रास्ता अभी तक तो सिवाय प्रभाकर सिंह के और किसी नए आदमी को मालूम नहीं हुआ, मगर इधर प्रभाकर सिंह जी की जुबानी यह जाना गया कि हम लोगों का कुछ हाल उन्होंने अपने दोस्त गुलाबा सिंह को जरूर कह दिया है, मगर यहाँ का रास्ता, घाटी या इसका असल भेद उनको भी नहीं बताया है। इंद्रदेव, कुछ सोचकर, प्रभाकर सिंह बुद्धिमान आदमी है, उन्होंने जो कुछ किया होगा उचित किया होगा, इसके विषय में तुम लोग चिंता मत करो। इसके अतिरिक्त गुलाबा सिंह पर मैं भी विश्वास करता हूँ, वो निसंदेह उनका सच्चा हितैषी है और साथ ही इसके साहसी और बहादुर भी हैं। यदि गुलाबा सिंह को वे इस घाटी के अंदर भी ले आवे तो कोई चिंता की बात नहीं है। मुस्कुराकर, और बेटी, तुमने तो प्रभाकर सिंह को यहाँ का राज्य ही दे दिया, यहाँ के तिलिस्म की ताली ही दे दी है। बिमला, सो आपकी आज्ञा से, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, परंतु फिर भी आपकी पसंद पाए बिना वे कुछ कर न सकेंगे। हाँ, एक बात कहना तो मैं भूल ही गई। इंद्रदेव, वो क्या? बिमला, भूतनाथ की घाटी का रास्ता मैंने बंद कर दिया है, अब भूतनाथ अपने स्थान पर नहीं पहुंच सकता और उसके साथी और दोस्त लोग उसी के अंदर पड़े पड़े सड़ा करेंगे। यह कहकर बिमला ने अपनी बेईमान लौड़ी चंदो की मौत और भूतनाथ की घाटी का दरवाजा बंद कर देने तक का हाल पूरा पूरा इंद्रदेव से बयान किया। इंद्रदेव, कुछ सोचकर, मगर यह काम तो तुमने अच्छा नहीं किया। तुम लोगों को मैंने इस घाटी में इसलिए स्थान दिया था कि अपने दुश्मन भूतनाथ का हालचाल बराबर जाना करोगी। वो इस घाटी के पड़ोस में रहता है और यहाँ से उस घाटी का हाल बखूबी जाना जा सकता है। इसी सुबीते को देखकर मैंने तुम लोगों को यहाँ छोड़ा था, सो सुबीता तुमने अपने से बिगाड़ दिया। यद्यपि भूतनाथ के संगी साथी इससे परेशान होकर मर जाएंगे, मगर इससे भूतनाथ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो इस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चला जाएगा, फिर तुम्हें उसके कामकाज की भी कुछ खबर नहीं मिला करेगी। तुम ही सोचो कि यदि वो तुम्हारे किसी साथी या दोस्त को गिरफ्तार करता तो जरूर इस घाटी में ले आता और तुम्हें उसकी खबर लग जाती, तब तुम उसको छुड़ाने का उद्योग करती, मगर अब क्या होगा? अब तो अगर वो तुम्हारे किसी साथी को पकड़ेगा तो दूसरी जगह ले जाएगा और ऐसी अवस्था में तुम्हें कुछ भी पता न लगेगा। बिमला, सिर झुका कर, बेशक यह बात तो है। कला, निसंदेह भूल हो गई। इंदुमती, गहरी भूल हो गई। आखिर हम लोग औरत की जात, इतनी समझ कहाँ, अब इस भूल का सुधार क्यों कर हो? इंद्रदेव, अब इस भूल का सुधार होना जरा कठिन है। भूतनाथ जरूर चौकन्ना हो गया होगा और अब वो अपने लिए दूसरा स्थान मुकर्रर करेगा। कुछ विचार कर, मगर खैर एक दफे मैं इसके लिए उद्योग जरूर करूँगा, कदाचित काम निकल जाए। कला, क्या उद्योग कीजिएगा? इंद्रदेव, सो अभी से कैसे कहूँ, वहाँ जाने पर और मौका देखने पर जो कुछ बन जाए। यदि भूतनाथ इस घाटी में बना रहेगा तो बहुत काम निकलेगा। बिमला, तो क्या आप अकेले भूतनाथ की तरफ या उस घाटी में जाएंगे? इंद्रदेव, हाँ, जा सकता हूँ क्योंकि वे लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और न मुझे भूतनाथ की कुछ परवाह ही है, मगर मेरा इरादा है कि इस काम के लिए दलीप शाह को भी अपने साथ लेता जाऊँ। इतना कहकर इंद्रदेव उठ खड़े हुए और उस कमरे में चले गए जो यहाँ नहाने धोने के लिए मुकर्रर था। अध्याय 6। दिन 3 पहर से ज्यादा बढ़ चुका है। इस समय हम भूतनाथ को एक घने जंगल में अपने 3 साथियों के साथ पेड़ के नीचे बैठे हुए देखते हैं। यह जंगल उस घाटी से बहुत दूर न था जिसमें भूतनाथ रहता था और जिसका रास्ता बिमला ने बंद कर दिया था। भूतनाथ, अपने साथियों से, मुझे इस बात का बड़ा ही दुहक है कि मेरे साथी लोग इस घाटी में कैदियों की तरह बंद होकर दुहक भोग रहे हैं। यद्यपि वहाँ पानी की कमी नहीं है और खाने के लिए भी इतना सामान है कि लोग महीनों तक निर्वाह कर सके, मगर फिर कब तक? आखिर जब यह सामान चुक जाएगा तो फिर वे लोग क्या करेंगे? एक ठीक है, मगर साथ ही इसके यह ख्याल भी तो होता है कि शायद हमारे दोस्तों को भी तकलीफ दी गई हो। भूतनाथ, हो सकता है, लेकिन इस विचार पर मैं विशेष भरोसा नहीं करता, क्योंकि दरवाजा बंद कर देना सिर्फ एक जानकार आदमी का काम है, मगर हमारे साथियों से लड़कर 20 या 25 आदमी पार नहीं पा सकते। दूसरा है तो ऐसी ही बात, इसी से आशा होती है कि अभी तक वे सब जीते होंगे, अस्तु जिस तरह हो सके उन्हें बचाना चाहिए। भूतनाथ,
मैं इसी फिक्र में पड़ा हूँ और सोच रहा हूँ कि उनको बचाने के लिए क्या इंतजाम किया जाए। एक, पहले तो उसका पता लगाना चाहिए जिसने दरवाजा बंद कर दिया है। भूतनाथ, हाँ, और इस विषय में मुझे उन्हीं औरतों पर शक होता है जो इस पड़ोस वाली घाटी में रहती हैं, जहाँ मैं कैद होकर गया था और जहाँ सुनने में आया कि जमुना और सरस्वती अभी तक जीती जागती हैं और मुझसे दयाराम का बदला लेने के लिए उद्योग कर रही हैं। वास्तव में यह घाटी बड़ी विचित्र है। निसंदेह वो तिलिस्म है और अगर मेरा ख्याल ठीक है तो वहाँ की रहने वालियाँ आस पड़ोस की भी घाटियों का हाल जानती होंगी, बल्कि मेरी इस घाटी से भी संबंध रखती हूँ तो ताज्जुब नहीं। तीसरा, आपका विचार बहुत ठीक है। अगर वास्तव में जमुना और सरस्वती जीती हैं और उसी घाटी में रहती है तो निसंदेह यह काम उन्हीं का है और उन्हीं लोगों में से किसी को गिरफ्तार करने से हमारा काम निकल सकता है। भूतनाथ, बेशक, और मैं उन लोगों में से किसी को जरूर गिरफ्तार करूंगा। एक, आप जब गिरफ्तार होकर वहां गए तो वहां की अवस्था देखकर और उन लोगों की बातें सुनकर जमुना व सरस्वती के विषय में आपने क्या विश्वास किया? भूतनाथ, मुझे विश्वास होता है कि जरूर वे दोनों जीती हैं। दूसरा, तो यह घाटी उन लोगों को किसने रहने के लिए दी और इन लोगों का मददगार कौन है? भूतनाथ, यही तो एक विचार करने की बात है। मेरे ख्याल से अगर इंद्रदेव उन दोनों के पक्षपाती बने हों तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि दयाराम जी मेरे हाथ से मारे गए इस बात को दुनिया में मेरे सिवाय सिर्फ दो ही आदमी और जानते हैं, एक तो दलीप शाह, दूसरा शंभू। शंभू तो इंद्रदेव का शागिर्द ही ठहरा और दलीप शाह इंद्रदेव का दिली दोस्त। यद्यपि दलीप शाह मेरा नातेदार है और उसने इस बात को छिपा रखने के लिए मुझसे कसम भी खाई है, मगर अब मालूम होता है कि उसने अपनी कसम तोड़ दी और इस भेद को खोल दिया। इस बात का सबसे बड़ा सबूत एक यह है कि जब मैं कैद होकर उस घाटी में गया था तो एक औरत ने जोर देकर मुझसे बयान किया था कि तुमने दयाराम को मारा है, और इसके सबूत में पेश करने के लिए दलीप शाह और शंभू अभी तक जीते हैं। अस्तु, मेरा यह विचार पक्का है कि निसंदेह शंभू और दलीप शाह ने भेद खोल दिया और सबसे पहले उन्होंने जरूर अपने दोस्त इंद्रदेव से वो हाल बयान किया होगा। ऐसी अवस्था में ताज्जुब नहीं कि इंद्रदेव ही इन दोनों के पक्षपाती बने हों। एक, तो इंद्रदेव को क्या आपसे कुछ दुश्मनी है? भूतनाथ, नहीं, इस बात का तो मुझे गुमान भी नहीं होता। एक, और यदि इंद्रदेव चाहे तो क्या आपको कुछ सता नहीं सकते या आपको गिरफ्तार करके सजा नहीं दे सकते? भूतनाथ, बेशक इंद्रदेव जो कुछ चाहे कर नहीं सकते हैं, उनकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। वे एक बहुत बड़े तिलिस्म के राजा समझे जाते हैं। मुझसे वे बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं और अयारी में भी मैं उन्हें अपने से बढ़कर मानता हूँ। यद्यपि एक विषय में अपने को उनका कसूरवार मानता हूँ, मगर फिर भी कह सकता हूँ कि वे मेरे दोस्त हैं। दूसरा, तो आप ऐसे दोस्त पर इस तरह का शक क्यों करते हैं? भूतनाथ, दिल ही तो है, ख्याल ही तो है। जब आदमी किसी मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो उसके सोच विचार और शक का कोई हिसाब नहीं रहता। मैं इस समय मुसीबत की जिंदगी बिता रहा हूँ। मुझसे दो तीन काम बहुत बुरे हो गए हैं, जिनमें एक दयाराम वाली वारदात है। इसमें मुझे बहुत ही बड़ा धोखा हुआ। मैंने कुछ जानबूझकर अपने दोस्त को नहीं मारा, मगर खैर वो जो कुछ होना था हो गया। अब क्या मैं अपने को दुश्मन के हाथ सहज ही में सौंप दूंगा? यद्यपि इंद्रदेव को मैं अद्भुत व्यक्ति मानता हूँ, मगर मैं अपने को भी कुछ समझता हूँ। मुझे अपनी अयारी पर भी घमंड है, इसलिए मैं इंद्रदेव से नहीं डरता और तुम लोगों से कहे देता हूँ कि दलीप शाह इंद्रदेव का दोस्त है तो क्या हुआ, मगर मैं उसे मारे बिना कभी न छोड़ूंगा। उस कमभक्त से अपना बदला जरूर लूंगा। केवल उसी को नहीं मारूंगा, बल्कि उसके खानदान में किसी को जीता न रहने दूंगा। मैं इस बात को जरा भी न सोचूंगा कि वो मेरा नातेदार है, क्योंकि खुद उसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी बर्बादी के पीछे लग गया। मुझे यह खबर लगी कि दलीप शाह ने जमानिया के दारोगा से भी दोस्ती पैदा कर ली है और उसकी तरफ से भी मुझे सताने के लिए तैयार है। एक, ऐसी अवस्था में जरूर दलीप शाह का नाम निशान मिटा देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो जीता रहेगा आप बेफिक्र नहीं हो सकते। साथ ही इसके शंभू को भी मार डालना चाहिए। उन दोनों के मारे जाने पर आप इंद्रदेव को अच्छी तरह समझा लेंगे और विश्वास दिला देंगे कि आपके हाथों से दयाराम नहीं मारे गए, और अगर दलीप शाह और शंभू ने उनसे ऐसा कहा तो यह बात बिल्कुल ही झूठ है। भूतनाथ, ठीक है, मैं जरूर ऐसा ही करूंगा।
लेकिन इतने पर भी काम न चलेगा और यह बात मशहूर ही होती दिखाई देगी तो लाचार होकर मुझे और भी अनर्थ करना पड़ेगा, नाता और रिश्ता भूल जाना पड़ेगा, दोस्ती और मुरौवत को तिलांजलि दे देनी पड़ेगी, और जिन जिन को यह बात मालूम हो गई है उन सभी को इस दुनिया से उठा देना पड़ेगा। एक जमुना, सरस्वती, इंदुमती और प्रभाकर सिंह को भी, भूतनाथ बेशक, बल्कि गुलाब सिंह को भी। दूसरा, यह बड़े कड़े कलेजे का काम होगा। भूतनाथ, मुझसे बढ़कर कठिन और बड़ा कलेजा किसका होगा जिसने लड़के, लड़की और स्त्री को भी त्याग दिया है। मगर अफसोस, इस समय मैं पाप पर पाप करने के लिए मजबूर हो रहा हूँ। एक खैर, यह बताइए कि सबसे पहले कौन काम किया जाएगा और इस समय आप हम लोगों को क्या हुक्म देते हैं। भूतनाथ, सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को छुड़ाऊंगा और इसके लिए उस पड़ोस की घाटी में रहने वाली औरतों में से किसी को गिरफ्तार करना चाहिए। खैर, अब बताता हूँ कि तुम लोगों को क्या करना चाहिए। चौंक कर देखो तो वो साधु कौन है। ऐसा गुमान होता है कि इसे मैंने कभी देखा है। यह तो हमारे उसी खोह की तरफ जा रहा है। पहले इसी की सुध लेनी चाहिए, फिर बताएंगे कि तुम लोगों को क्या करना चाहिए। यह साधु, जिस पर भूतनाथ की निगाह पड़ी, बहुत ही बुढ़ा और तपस्वती जान पड़ता था। इसके सर और दाढ़ी के बाल बहुत ही घने और लंबे थे। लंबा कद, वृद्ध होने पर भी गठीला बदन और चेहरा रुआबदार मालूम होता था। कमर में क्या पहरे हुए था इसका पता नहीं लगता था, क्योंकि इसके बदन में बहुत लंबा गेरुए रंग का ढीला कुर्ता था जो घुटने से एक बिता नीचे तक पहुँच रहा था। मगर साथ ही इसके यह जान पड़ता था कि उसने अपने तमाम बदन में हल्की विभूति लगाई हुई है। इसके अतिरिक्त उसके पास और किसी तरह का सामान दिखाई न देता था, अर्थात कोई माला या सुमिरनी तक इसके पास न थी। भूतनाथ अपने साथियों को इसी जगह रहने का हुक्म देकर धीरे धीरे उस साधु के पीछे रवाना हुआ, मगर इस लापरवाह साधु को इस बात का कुछ भी ख्याल न था कि उसके पीछे कोई आ रहा है। थोड़ी ही देर में वो साधु उस खोह के मुहाने पर जा पहुंचा जिसमें भूतनाथ रहता था। जब खोह के अंदर घुसने लगा तब भूतनाथ भी लपक कर उसके पास पहुंचा। साधु, भूतनाथ को देखकर, तुम कौन हो? भूतनाथ, जी मेरा नाम गदाधर सिंह गयार है। साधु, ठीक है, मैं तुम्हारा नाम सुन चुका हूँ, बहुत अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई। मालूम होता है कि तुम्ही ने इस घाटी में दखल जमा रखा है और जो लोग इसके अंदर हैं वे सब तुम्हारे ही संगी साथी हैं। भूतनाथ, जी हाँ, बात ऐसी ही है। साधु, मैं इसी फिक्र में पड़ा हुआ था और सोच रहा था कि इस घाटी में किसने अपना दखल जमा लिया है। शायद तुम्हें यह बात मालूम नहीं है। खैर, अब समझ लो कि इस घाटी में 50 वर्ष से रहता हूँ और यह यहाँ का हाल जितना मैं जानता हूँ किसी दूसरे को मालूम नहीं है। इधर कई वर्ष हुए हैं कि इस घाटी को छोड़कर तीर्थयात्रा के लिए चला गया था। मेरा विचार था कि फिर लौटकर यहाँ न आऊं और इसीलिए इसका दरवाजा खुला छोड़ गया था, पर ईश्वर की प्रेरणा से मैं घूमता फिरता फिर यहाँ चला आया और जब इस घाटी के अंदर गया तो देखा कि इसमें किसी दूसरे की अमलदारी हो रही है। अस्तु, मैं इसका दरवाजा बंद करता हुआ बाहर निकल आया और फिक्र में पड़ा कि इसके मालिक का पता लगाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जितने आदमी दिखाई पड़े उनमें से कोई भी ऐसा नजर न आया जिसे मैं यहाँ का मालिक सम। इसीलिए मैं इसके अंदर किसी से मिला नहीं और न किसी ने मुझे देखा। खैर, यह जानकर मुझे प्रसन्नता होगी कि तुम यहाँ रहते हो। मैं बहुत ही प्रसन्न होता यदि तुम्हारी गृहस्थी या तुम्हारी बाल बच्चे भी यहाँ दिखाई देते। मगर खैर, जो कुछ है वही गनीमत है। मैं तुम्हें मोहब्बत की निगाह से देखता हूँ क्योंकि तुमसे मुझे एक गहरा संबंध है। भूतनाथ, आश्चर्य से, वो कौन सा संबंध है? साधु, सो कहने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि भूलता हूँ जो तुम्हें संबंध रखने की बात कहता हूँ। जो साधु है और जिसने दुनिया से संबंध छोड़ दिया उसे फिर किसी से संबंध रखने की जरूरत ही क्या है। मगर खैर, फिर कभी जब तुमसे मिलूंगा तब बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। उस समय तुम मुझे मोहब्बत की निगाह से देखोगे और समझ जाओगे कि मैं तुम पर क्यों कृपा करता हूँ। अस्तु, जाने दो। अच्छा, तुम खुशी से इस घाटी में रहो, मैं इसका दरवाजा खोल देता हूँ, बल्कि यह भी बताए देता हूँ कि किस तरह यह दरवाजा खुलता और बंद होता है। भूतनाथ, प्रसन्नता से, ईश्वर ही ने मुझे आपसे मिलाया। मैं बड़े ही तरदुद में पड़ा हुआ था। अपने दोस्तों की तरफ से मुझे बड़ी ही फिक्र थी जो इस घाटी के अंदर पड़ा हुआ था। इस घाटी के अंदर इस समय कैद हो रहे हैं।
मैं समझ रहा था कि मेरा कोई दुश्मन यहाँ आ पहुँचा जो इस घाटी का हाल अच्छी तरह जानता है और उसी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है। मगर अब मेरा तरद्दुद जाता रहा और यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इसके मालिक आप हैं। मगर आप मुझे बेहतर खुटके में डाल रहे हैं जो अपने पूरा परिचय नहीं देते। मैं क्यों कर समझूं कि आप मेरे बड़े और सरपरस्त हैं? साधु मुस्कुरा कर, खैर तुम मुझे अपना सरपरस्त या मददगार न भी समझोगे तो इसमें मेरी या तुम्हारी किसी भी हानि नहीं है, परंतु फिर भी मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द एक दफे पुनः तुमसे मिलूंगा और तब अपना ठीक ठीक परिचय तुमको दूंगा। इस समय तुम मेरी फिक्र न करो और अपने दुश्मनों से बेफिक्र होकर इस घाटी में रहो। यहाँ थोड़ी सी दौलत भी है जिसका पता तुम्हें मालूम न होगा। चलो वो भी मैं तुम्हें देता हूँ जो कि तुम्हारे काम आवेगी। अब क्योंकि मुझे दौलत की कुछ जरूरत नहीं रही और यदि आवश्यकता पड़े भी तो मुझे किसी तरह की कमी नहीं है। भूतनाथ प्रसन्न होकर, केवल धन्यवाद देकर मैं आपसे उऋण नहीं हो सकता, आप मुझ पर बड़ी ही कृपा कर रहे हैं। साधु इसे कृपा नहीं कहते, यह केवल प्रेम के कारण है। अस्तु अब तुम विलम्ब न करो और शीघ्रता से चलो, जो कुछ मुझे करना है उसे जल्द निपटा करके बद्रिकाश्रम की यात्रा करूँगा। भूतनाथ के दिल में इस समय तरह तरह के विचार उठ रहे थे। वो न मालूम किन किन बातों को सोच रहा था, मगर प्रकट में यही जान पड़ता कि वो बड़ी होशियारी के साथ सचेत बना हुआ खुशी खुशी साधु के साथ सुरंग के अंदर जा रहा है। जब उस चौमुहानी पर पहुंचा जिसका जिक्र कई दफे हो चुका है तो भूतनाथ ने साधु से पूछा, भूतनाथ ये बाकी के दोनों रास्ते किधर को गए हैं और उधर क्या है? साधु इस घाटी के साथ ही और भी दो घाटियां हैं और उन्हीं में जाने के लिए ये दोनों रास्ते हैं, मगर उन्हें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बंद कर दिया है क्योंकि उन घाटियों में रहने वालों के आने जाने के लिए और भी कई रास्ते मौजूद हैं। अब इन रास्तों में से कोई आ जा नहीं सकता, तुम इस तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो, मगर इस राह से उस तरफ जाने का उद्योग कभी न करना। भूतनाथ जी नहीं, मैं तो उस तरफ जाने का ख्याल कभी करता ही नहीं, परंतु आज उस तरफ वाली घाटी में बहुत से आदमी आकर बस गए हैं और वे सब मेरे साथ दुश्मनी करते हैं, बस इसीलिए जरा ख्याल होता है। साधु लापरवाही के साथ, खैर अगर उस घाटी में आकर कोई रहता भी होगा तो यहाँ अर्थात इस घाटी में आकर तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं कर सकता। यूँ तो दुनिया में सभी जगह दोस्त और दुश्मन रहा करते हैं, उसका बंदोबस्त दूसरे ढंग पर कर सकते हो। भूतनाथ जैसी मर्जी आपकी। साध हाँ बेहतर यही है कि तुम बेफिक्री के साथ यहाँ रहकर अपने दुश्मनों का प्रबंध करो और मेरा इंतजार करो, मैं बहुत जल्द इसी घाटी में आकर तुमसे मिलूंगा। उसी समय मैं तुमको कुछ और भी लाभदायक वस्तुएं दूंगा और कुछ उपदेश भी करूंगा। इतना कहकर साधु आगे की तरफ बढ़े और बहुत जल्द उस दरवाजे के पास जा पहुंचे जिसे बिमला ने बंद कर दिया था। जिस तरह से बिमला ने उस दरवाजे को बंद किया था उसी तरह साधु ने उसे खोला और खोलने तथा बंद करने का ढंग भी भूतनाथ को बता दिया। तब भूतनाथ सहज ही में साधु के साथ घाटी के अंदर जा पहुंचा और अपने साथियों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। बातचीत करने पर मालूम हुआ कि उसके साथी लोगों ने कई दफे इस घाटी के बाहर निकलने का उद्योग किया था, मगर रास्ता बंद होने के कारण बाहर न जा सके और इस वजह से वे लोग बहुत घबरा रहे थे। भूतनाथ ने अपने सब साथियों से बाबाजी की मेहरबानी का हाल बयान किया और उन सबों के महात्मा के पैरों पर गिराया। भूतनाथ यद्यपि जानता था कि साधु महाशय मुझ पर बड़ी कृपा कर रहे हैं और उन्हें मुझसे किसी तरह का फायदा भी नजर नहीं आता, तथापि वो अभी तक उन पर अच्छी तरह भरोसा करने का साहस नहीं रखता था। यह बात चाहे आयारी नियम के अनुसार कहिए चाहे भूतनाथ की प्रकृति के कारण समझिए। हाँ इतना जरूर था कि बाबाजी की मेहरबानियों से भूतनाथ दबा जाता था और सोचता था कि यदि इन्होंने कोई खजाना मुझे दे दिया जैसा कि कह चुके हैं तो मुझे मजबूर होकर इन पर भरोसा करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये वास्तव में मुझसे स्नेह रखते हैं और मेरे कोई अपने ही हैं। साधु महाशय की आज्ञानुसार भूतनाथ ने उन्हें वे सब गुफाएं दिखाई जिनमें वो अपने साथियों के साथ रहता था और बताया कि इस ढंग पर इस स्थान को हम लोग बरतते हैं। इसके बाद साधु महाशय उसे अपने साथ लिए पूरब तरफ की चट्टान पर चले गए जिधर छोटी बड़ी कई गुफाएं थीं। साधु देखो भूतनाथ, मैं जब यहाँ रहता था इसी तरफ की गुफाओं में गुजारा करता था और इस पड़ोस वाली घाटी में जिसे तुम अपने दुश्मनों का स्थान बता रहे हो इंद्रदेव रहता था जिसे तुम पहचानते होगे। भूतनाथ जी हाँ मैं खूब जानता हूँ। साधु उन दिनों इंद्रदेव का दिमाग बहुत ही बड़ा चढ़ा था और वो मुझसे दुश्मनी रखता था,
क्योंकि जिस तरह वो एक तिलिस्म का दारोगा है उसी तरह मैं भी एक तिलिस्म का दारोगा हूँ। अस्तु वो चाहता था कि मेरे कब्जे में जो तिलिस्म है उसका भेद जान ले और उस पर कब्जा कर ले, मगर वो कुछ भी न कर सका और कई साल तक यहाँ रहने पर भी वो यह न जान सका कि फलाना ब्रह्मचारी इस पड़ोस वाली घाटी में रहता है। इस समय मैं तुमसे ज्यादा न कहूँगा और न ज्यादा देर तक रहने की मुझे फुर्सत ही है। तुम्हें बड़ा ही ताज्जुब होगा जब मैं अपना परिचय तुम्हें दूंगा और उस समय तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करोगे जितना इस समय मैं तुमसे करता हूँ। भूतनाथ, ठीक है, मैं परिचय देने के लिए इस समय जिद भी नहीं कर सकता क्योंकि आप बड़े हैं। आपकी आज्ञानुसार मुझे चलना ही चाहिए। अच्छा, यह तो बताएं कि वो तिलिस्म जिसके आप दारोगा हैं अभी तक आपके कब्जे में है या नहीं? साधु, हाँ, अभी तक वो तिलिस्म मेरे ही कब्जे में है। भूतनाथ, वो किस स्थान में है? साधु, इसी घाटी में वो तिलिस्म है। मैं अगली दफे जब यहाँ आकर तुमसे मिलूंगा तो उसका कुछ हाल कहूंगा और अगर तुम इस घाटी में अपना कब्जा बनाए रहोगे और तुम्हारा चाल चलन अच्छी देखूंगा तो एक दिन तुमको उस तिलिस्म का दारोगा भी बना दूंगा, क्योंकि अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और तिलिस्म के नियमानुसार अपने बाद के लिए किसी न किसी को दारोगा बना देना बहुत जरूरी है। साधु महाशय की इस आखिरी बात को सुनकर भूतनाथ बहुत ही प्रसन्न हुआ। वो जानता था कि तिलिस्म का दारोगा बनना कोई मामूली बात नहीं है। उसके कब्जे में बेअंदाज दौलत रहती है और उसकी ताकत तिलिस्मी सामान की बदौलत मनुष्य की ताकत से कहीं बढ़ चढ़ कर रहती है। उसी समय भूतनाथ का ख्याल एक दफे इंद्रदेव की तरफ गया और उसने मन में कहा कि देखो, तिलिस्मी दारोगा होने के कारण ही इंद्रदेव कैसे चैन और आराम के साथ रहता है। दुश्मनों का उसे जरा भी डर नहीं है और वास्तव में उसके दुश्मन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मगर अफसोस, भूतनाथ ने इस बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया कि इंद्रदेव कैसा नेक, ईमानदार और साधु आदमी है तथा उसमें सहनशीलता और क्षमा शक्ति कितनी भरी हुई है। तिस पर भी वो दुश्मनों के हाथ कैसा सताया गया। भूतनाथ, बहुत नरमी के साथ, तो आप पुनः कब तक लौटकर यहाँ आवेंगे? साधु, इस विषय में जो कुछ मेरे विचार हैं उसे प्रकट करना अभी मैं उचित नहीं समझता। भूतनाथ, जैसी मर्जी आपकी। आजकल मेरे वार्षिक दशा बहुत ही खराब हो रही है। रुपये पैसे की तरफ से मैं बहुत ही तंग हो रहा हूँ। साधु, तो इस समय जो खजाना मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो तुम्हारे लिए कम नहीं है। यदि तुम उसे उचित ढंग पर खर्च करोगे तो वर्षों तक अमीर बने रहोगे और राज्य सुख भोगोगे। आओ मेरे पीछे पीछे चले आओ। इतना कहकर साधु एक गुफा की तरफ बढ़ा और भूतनाथ खुशी खुशी उसके पीछे रवाना हुआ। खो के अंदर बहुत अंधकार था, मगर भूतनाथ बेधड़क साधु के पीछे पीछे दूर तक चला गया। जब लगभग 200-300 कदम चला गया तो साधु ने कहा, लड़के देख, मैं इस खो के अंदर अंदाज से चला आकर सब काम कर सकता हूँ, मगर तुझे इस काम में तकलीफ होगी क्योंकि तेरे लिए यह पहला मौका है। इसलिए मैं उचित समझता हूँ कि तू अपने अयारी के बटुए में से सामान निकाल कर रोशनी कर ले और अच्छी तरह से सब कुछ देख ले, फिर दूसरी दफे तेरे ऐसे होशियार आदमी को रोशनी की जरूरत न पड़ेगी। भूतनाथ ने ऐसा ही किया, अर्थात रोशनी करके अच्छी तरह से देखता हुआ साधु के पीछे पीछे जाने लगा और ऐसा कहने से साधु पर उसका विश्वास भी ज्यादा हो गया। करीब करीब 500 कदम चले जाने के बाद रास्ता बंद हो गया और साधु महाशय ने खड़े होकर भूतनाथ से कहा, बस आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। देख वो बगल वाले में कैसा अच्छा नाक बना हुआ है जिसे देखकर डर मालूम होता है। यह वास्तव में लोहे का है। इसको पकड़कर जब तू अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ का दरवाजा खुल जाएगा, मगर इस बात से होशियार रहियो कि इसके सिर अथवा फन के ऊपर कभी हाथ न लगने पावे, नहीं तो धोखा खाएगा। भूतनाथ, जो आ गया, पहले आप अभी ही इसे खींचे जिससे मैं अच्छी तरह समझ लूं। साधु, जोर से हंसकर, अभी तक तुझको मुझ पर भरोसा नहीं होता, मगर खैर कोई चिंता नहीं, एयरों के लिए यह ऐसा अनुचित नहीं है। इतना कहकर साधु ने सांप की दम पकड़ ली और अपनी पूरी ताकत के साथ बैंचा, दो हाथ के लगभग वो दुम खींचकर आले के बाहर निकल आए। इसके साथ ही बगल में एक छोटा सा दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया। भूतनाथ को लिए हुए वो साधु उसके अंदर घुस गया और उसी समय वो दरवाजा आप से आप बंद हो गया। उस समय साधु ने भूतनाथ से कहा, देख गदाधर सिंह इधर भी उसी तरह का नाग बना हुआ है, बाहर निकलते समय इधर से भी उसी तरह दरवाजा खोलना पड़ेगा। भूतनाथ ने उसे अच्छी तरह देखा और फिर उस कोठरी की तरफ निगाह दौड़ाई जिसमें इस समय वो मौजूद था।
उसने देखा कि वहाँ चांदी के कितने ही बड़े बड़े देग या हंडे रखे हुए हैं कि जिनके मुंह सोने के ढक्कनों से ढके हुए हैं। भूतनाथ ने साधु की आज्ञा पाकर उन हंडों का मुंह खोला और देखा कि उनमें अशर्फियां भरी हुई हैं। इस समय भूतनाथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उसने सोचा कि निस्संदेह ऐसे कई खजाने इस घाटी में होंगे, मगर उनका पता जानने के लिए साधु से इस समय जिद करना ठीक न होगा। अवश्य यह पुनः यहाँ आवेंगे और मुझ पर कृपा करेंगे। लौटते समय आज्ञा पाकर भूतनाथ ने अपने हाथ से वो दरवाजा बंद किया और साधु के पीछे पीछे चलकर खोह के बाहर निकल आया। उस समय साधु ने कहा, गदाधर सिंह, अब मैं जाता हूँ। जब लौटकर पुनः यहाँ आऊँगा तो ऐसे ऐसे कई खजाने तुझे दूंगा और तिलिस्म का दारोगा भी बनाऊंगा, मगर मैं तुझे समझाए जाता हूँ कि इंद्रदेव के साथ दुश्मनी का ध्यान भी कभी अपने दिल में न लायो, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा और दुहक भोगेगा। वो तुझसे बहुत ज्यादा जबरदस्त है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर साधु महाशय रवाना हो गए और आश्चर्य में भरे हुए भूतनाथ को उसी जगह छोड़ गए। भूतनाथ बड़ी देर तक खड़ा खड़ा इस बात को सोचता रहा कि यह साधु महाशय कौन है और मुझ पर इतनी कृपा करने का सबब क्या है। सोचते सोचते उसका ख्याल देवदत्त ब्रह्मचारी की तरफ चला गया, जिन्होंने उसे पाला था और अय्यारी सिखाकर इस लायक बना दिया था कि किसी राजा या रईस के यहाँ रहकर इज्जत और हुर्मत पैदा करे। भूतनाथ सोचने लगा कि ताज्जुब नहीं यदि यह मेरे गुरु महाराज देवदत्त ब्रह्मचारी हों, जो बहुत दिनों से लापता हो रहे हैं। मुझे रणधीर सिंह जी के यहाँ नौकर रखा देने के बाद यह कहकर चले गए थे कि अब मैं योगाभ्यास करने के लिए उत्तराखंड चला जाऊंगा, तुम मुझसे मिलने के लिए उद्योग मत करना। या संभव है कि उनके भाई ज्ञानदत्त ब्रह्मचारी हों, जिनकी प्राय गुरुजी तारीफ किया करते थे और कहते थे कि वे एक अद्भुत तिलिस्म के दारोगा भी हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है उन्हीं दोनों में से कोई न कोई जरूर हैं। ताज्जुब नहीं कि मैं कुछ दिनों में तिलिस्म का दारोगा बन जाऊँ। तब मैं इस घाटी को कदापि न छोड़ूंगा और देखूंगा कि किस्मत क्या दिखाती है। अब प्रभाकर सिंह को भी लाकर इसी घाटी में रखना चाहिए, मगर वास्तव में आजकल मैं बड़े संकट में पड़ गया हूँ। मैं अपने मित्र इंद्रदेव पर किस तरह सरस्वती बिना किसी मदद के मुझसे दुश्मनी करने के लिए तैयार हो रही हैं। खैर, जो कुछ होगा देखा जाएगा। अब प्रभाकर सिंह को शीघ्र इस घाटी में ले लाना चाहिए और उसके बाद इंद्रदेव से मिलना चाहिए। उनसे मुलाकात होने पर बहुत सी बातों का पता लग जाएगा। मैं इंद्रदेव के सिवाय और किसी से डरने वाला भी नहीं हूँ। इत्यादि तरह तरह की बातें सोचता हुआ भूतनाथ अपने दोस्तों और साथियों के पास चला गया और उनसे अपने कर्तव्य के विषय में बातचीत करने लगा। मगर साधु महाशय की कृपा से खजाना मिलने का हाल उसने उन लोगों से नहीं कहा। अध्याय 7। जमानिया वाला दलीप शाह का मकान बहुत ही सुंदर और अमीराना ढंग पर गुजारा करने लायक बना हुआ है। उसमें जनाना और मर्दाना किला इस ढंग से बना है कि भीतर से दरवाजा खोलकर जब चाहे एक कर ले और अगर भीतर रास्ता बंद कर दिया जाए तो एक का दूसरे से कुछ भी संबंध न मालूम पड़े। यहाँ तक कि अगर मर्दाने मकान में कोई मेहमान आकर टिके तो उसे यकायक इस बात का पता भी न लगे कि जनाने लोग कहाँ रहते हैं और उस तरफ आने जाने के लिए इस तरफ से कोई रास्ता भी है या नहीं। इस मकान के सामने एक छोटा सा सुंदर नजरबाग बना हुआ था और उसके सामने अर्थात पूरब तरफ ऊंची दीवार और फाटक था। मकान के बाईं तरफ लंबा खपरेल था जिसका एक सिरा तो मकान के साथ सटा हुआ था और दूसरा सिरा सामने अर्थात फाटक वाली दीवार के साथ। उसके बीच में छोटे बड़े कई दालान और कोठरियां बनी हुई थीं जिनमें दलीप शाह के खिदमतगार और सिपाही लोग रहा करते थे। इसी तरह मकान के दाहिनी तरफ इस सिरे से लेकर उस सिरे तक कुछ ऐसी इमारतें बनी हुई थीं जिनमें कई गृहस्थियों का गुजारा हो सकता था और उनमें दलीप शाह के शागिर्द अय्यार लोग रहा करते थे। इस ढंग पर वो नजरबाग बीच में अर्थात चारों तरफ से घिरा हुआ था। सरसरी तौर पर ख्याल करने से भी साफ मालूम होता था कि दलीप शाह बहुत ही अमीराना ढंग पर रहकर जिंदगी के दिन बिता रहा है। इस इमारत के बगल ही में दलीप शाह का एक बहुत बड़ा खुला बाग था जिसमें बड़े बड़े आम, नींबू और अमरूद तथा इसी तरह के और भी बहुत किस्म के दरख्त लगे हुए थे। दलीप शाह अपने मर्दाने मकान में एक सुंदर सजे हुए कमरे के बाहर दालान में चौकी के ऊपर फर्श पर बैठे हुए अपने दोस्त इंद्रदेव से बातचीत कर रहे हैं। इस जगह से सामने का नजर बाग और उसके बाद फाटक अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। आज इंद्रदेव इनसे मिलने के लिए आए हुए हैं और इस समय इनके पास बैठे हुए कई जरूरी मामलों पर सलाह और बातचीत कर रहे हैं।
दलीप शाह, भाई साहब, गदाधर सिंह आपका दोस्त है इसलिए मैं लाचार होकर उसे अपना दोस्त मानता हूँ, मगर सच तो यूँ है कि उसके साथ रिश्तेदारी होने पर भी मैं उसे दिल से पसंद नहीं करता। इंद्रदेव, हाँ, उसका चाल चलन तो कुछ खराब जरूर है, मगर आदमी बड़े ही जीवट का है और अयारी का ढंग बहुत अच्छा जानता है। दलीप शाह, इस बात को मैं जरूर मानता हूँ, बल्कि जोर देकर कह सकता हूँ कि अगर वो ईमानदारी के साथ काम करता हुआ रणधीर सिंह जी के यहाँ कायदे से बना रहता तो एक दिन अयारों का सिरताज गिना जाता। इंद्रदेव, ठीक है, मगर उसने रणधीर सिंह का साथ छोड़ तो नहीं दिया। दलीप शाह, अब इसे छोड़ना नहीं तो क्या कहते हैं, दो महीने तक गायब रहना और मालिक को मुंह तक नहीं दिखाना, क्या इसी को नौकरी कहते हैं? आप ही कहिए कि अब की के महीने के बाद आया था, सिर्फ दो दिन रहकर चला गया। उससे तो उसकी स्त्री अच्छी है जो अपने मालिक अर्थात रणधीर सिंह की स्त्री का साथ नहीं छोड़ती। इंद्रदेव, ठीक है, मगर उसने रणधीर सिंह के यहाँ अपने बदले में अपना शागिर्द रख दिया है। इसके अतिरिक्त जब रणधीर सिंह जी को उसकी जरूरत पड़ती है तो उसी शागिर्द की मार्फत उसे बुलवा भेजते हैं। तभी हाल ही में देखिए उसने कैसी बहादुरी के काम किए। दलीप शाह, अजी यह तो मैं खुद कह रहा हूँ कि वो अयार परले सिरे का है, मगर इस जगह बहस तो ईमानदारी की हो रही है। इंद्रदेव, दबी जुबान से, हाँ, वो लालची तो जरूर है, मगर अभी नई जवानी है, संभव है आगे चलकर सुधर जाए। दलीप शाह, हंसकर, जी हाँ, बात तो यह है कि वो कमभक्त आपके सामने ढोंग रचता है और दयाराम जी के मामले पर उदासी दिखलाकर कहता है कि अब मैं दुनिया ही छोड़ दूंगा, मगर मैं इस बात को कभी नहीं मान सकता। हाँ, उसका यह कहना शायद सच हो कि दयाराम जी के मामले में उसने धोखा खाया। इंद्रदेव, भाई, उसकी यह बात तो जरूर सच है, वो जानबूझकर दयाराम को कदापि नहीं मार सकता है। दलीप शाह, जी हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ, मगर आप देख लीजिएगा कि कुछ दिन के बाद वो हमारे और आपके ऊपर भी सफाई का हाथ जरूर फेरेगा। आपके ऊपर चाहे मेहरबानी भी कर जाए, क्योंकि आपसे डरता है और उसे विश्वास है कि आप अयारी में किस तरह उससे कम नहीं है, मगर मुझे तो कभी न छोड़ेगा। इंद्रदेव, अजी भविष्य में जैसा करेगा वैसा पावेगा, इस समय तो वो हमारा आपका किसी का भी कसूरवार नहीं है। दलीप शाह खिलखिलाकर हंसने के बाद धीरे से, तब क्यों आपने बेचारे के पीछे जमुना और सरस्वती को लगा दिया है? इंद्रदेव, केवल उन दोनों का प्रण पूरा करने के लिए मैंने यह कार्रवाई कर दी है, नहीं तो तुम ही सोचो कि बेचारी लड़कियां उसका क्या बिगाड़ सकती हैं। दलीप शाह, तो आप उन लड़कियों के साथ धोखेबाजी का काम करते हैं, सच्चे दिल से उनकी मदद नहीं करते? इंद्रदेव, दांत से जुबान दबाने के बाद, नहीं नहीं, मैं जरूर उनकी मदद करता हूँ, मगर मेरी इच्छा यही है कि गदाधर सिंह मारा न जाए और दोनों लड़कियों की अभिलाषा भी पूरी हो जाए। दलीप शाह, यह एक अनूठी बात है, खरबूजा खा भी लें और वो काटा भी न जाए। मैं तो समझता हूँ वो एक दिन जरूर जमुना और सरस्वती को मार डालेगा। इंद्रदेव, नहीं, ऐसा तो न करेगा। दलीप शाह, अजी आप तो निरे ही साधु हैं, इतने बड़े अयार होकर भी धोखा खाते हैं, मगर इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ईश्वर ने आपका दिल ही ऐसा नर्म बनाया है कि किसी की बुराई पर ध्यान नहीं देते, मगर भाईजान, मैं तो उससे बराबर खटका रहता हूँ। इसमें आप यह न समझिए कि मैं उनका दुश्मन हूँ, आपकी तरह मैं भी यही चाहता हूँ कि वो किसी तरह अच्छे धर्रे पर आ जाए, मगर यह उम्मीद नहीं। अच्छा, यह बताइए कि उन लोगों के विषय में आजकल क्या कार्रवाई हो रही है, अर्थात जमुना और सरस्वती क्या कर रही हैं? इंद्रदेव, बस गदाधर सिंह के पीछे पड़ी हुई है, आज कई दिन हुए कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया था, मगर सिर्फ डरा धमका के छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अच्छी तरह समझा दिया है कि दुश्मन को सता के और दुहक दे के बदला लेना चाहिए, न कि जान से मार के। वे बेचारियां तो मेरी बात मान जाएंगी, मगर गदाधर सिंह की तरफ से मैं डरता हूँ, ऐसा न हो कि वो उन दोनों का सफाया कर दे। दलीप शाह मुस्कुराकर, मगर आप तो उसे नेक बना रहे हैं, उस पर भरोसा कर रहे हैं, तभी अभी कह चुके हैं कि वो उन दोनों के साथ बुराई कभी न करेगा। इंद्रदेव, आशा तो ऐसी ही है जो मैं कह चुका हूँ, फिर भी डरता हूँ क्योंकि आजकल उसका रंग ढंग और रहन सहन ठीक नहीं है। दलीप शाह, आप तो अच्छा दोतरफी बात करते हैं। इंद्रदेव, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, मैं खूब समझता हूँ कि वो आजकल बिगड़ा हुआ है, मगर मैं उसे सुधारना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है कि वो दुहक भोग कर सुधर सकता है, मगर उसकी यातना की जाए तो ताज्जुब नहीं कि वो राह पर आ जाए। दलीप शाह,
तो क्या बेचारी जमुना और सरस्वती ही के हाथ से उसकी यातना कराएगा? इंद्रदेव, नहीं, वे बेचारियां भला क्या कर सकेंगी। मैं अब आपके पास इसीलिए आया हूँ कि इस काम में आपसे मदद लूँ। दलीप शाह, वो क्या, मैं आपके लिए हर तरह से तैयार हूँ। इंद्रदेव, आप जानते ही हैं कि मैं अपना स्थान किसी तरह छोड़ नहीं सकता। दलीप शाह, बेशक ऐसा ही है। इंद्रदेव, इसलिए मैं चाहता था कि आप कुछ दिनों तक उन लड़कियों के साथ रहकर उनकी मदद करें, मगर देखता हूँ कि आप बेतरह गदाधर सिंह पर टूटे हुए हैं। मैं यह नहीं चाहता कि वो जान से मारा जाए। दलीप शाह, तो क्या आप समझते हैं कि मैं आपकी इच्छा के विपरीत चलूंगा? इंद्रदेव, नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे स्वप्न में भी गुमान नहीं हो सकता। हाँ, यह सोचता हूँ कि मेरा कहना आपकी इच्छा के विरुद्ध कहीं न हो। दलीप शाह, चाहे जो हो, मगर मैं आपकी बात कभी न टालूंगा। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि वो मेरा रिश्तेदार है, उसकी स्त्री शांता है तो मेरी साली, मगर मैं उसे बहन की तरह मानता और प्यार करता हूँ। ऐसी अवस्था में मैं कब चाहूँगा कि गदाधर सिंह मारा जाए और उसकी स्त्री विधवा होकर मेरी आँखों के सामने आए। मगर बात जो असल है वो जरूर करने में आती है। इंद्रदेव, ठीक है, मगर गदाधर सिंह खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। खैर, जैसा करेगा वैसा पावेगा। हम लोग जहाँ तक हो सकेगा उसके सुधारने की कोशिश करेंगे, आगे जो ईश्वर की मर्जी। दलीप शाह, खैर मुझे आप क्या काम सुपोर्ट करते हैं सो कहिए। इंद्रदेव, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिनों तक जमुना और सरस्वती के साथ रहकर उनकी मदद कीजिए, मगर इस तरह पर नहीं कि जो कुछ वे कहती जाएं आप करते जाएं। दलीप शाह, तब किस तरह से? इंद्रदेव, इस तरह से कि दोनों जिस तरह चाहें स्वयं काम करके अपना हौसला पूरा करें, और यही उनकी इच्छा भी है, मगर इस तरह पर नहीं कि जो कुछ वे कहती जाएं या किसी मुसीबत में फंस जाएं तब आप उनकी रक्षा करें। दलीप शाह, यह तो बड़ा कठिन काम है। इंद्रदेव, बेशक कठिन है, और इसे सिवाय आपके दूसरा पूरा नहीं कर सकता। दलीप शाह, कुछ सोच कर। बहुत अच्छा, मैं तैयार हूँ। इंद्रदेव, तो बस आज ही आप मेरे साथ चलिए, मैं उन दोनों को आपके सपोर्ट कर दूँ और उस घाटी के भेद भी आपको बता दूँ, तथा जो कुछ मैं कर आया हूँ उसे भी समझा हूँ। दलीप शाह, जब आपकी इच्छा हो चलिए। फाटक की तरफ ख्याल करके, देखिए गुलाब सिंह चले आ रहे हैं, इन्हें चुनार से क्यों कर छुट्टी मिली। इंद्रदेव, इनका हाल आपको मालूम नहीं है, पर मैं सुन चुका हूँ और इस समय आपसे कहने ही वाला था कि इंदुमती भी आजकल जमुना और सरस्वती के पास पहुँची हुई है, मगर अब कहने की कोई जरूरत नहीं, खुद गुलाब सिंह की जुबानी आप सब कुछ सुन लेंगे, और शायद इसीलिए वो यहाँ आए भी हैं। दलीप शाह, शिवदत्त भी नया राज्य पाकर आजकल अंधा हो रहा है। इंद्रदेव, बेशक ऐसा ही है। इतने ही में दरबान ने ऊपर आकर गुलाब सिंह के आने की इत्तिला की और इन्हें ले आने का हुक्म पाकर चला गया। थोड़ी ही देर में गुलाब सिंह वहां आ पहुंचे और उन्होंने बड़े अदब के साथ इंद्रदेव को सलाम किया और दलीप शाह से मिले। इशारा पाकर गुलाब सिंह एक कुर्सी पर बैठ गए और इस तरह बातचीत होने लगी। दलीप शाह, कहो भाई गुलाब सिंह जी, आज तो बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है, सब कुशल तो है? गुलाब सिंह जी, कुशलता तो नहीं है, और इसीलिए मुझे चुनारगढ़ से भागना पड़ा। दलीप शाह, क्या महाराज शिवदत्त की नौकरी आपने छोड़ दी? गुलाब सिंह, हाँ, मजबूर होकर मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि मैं प्रभाकर सिंह के साथ किसी तरह का बुरा बर्ताव नहीं कर सकता था। दलीप शाह, प्रभाकर सिंह भी तो उन्हीं के यहाँ सेनापति का काम करते हैं। गुलाब सिंह, हाँ, मगर महाराज ने उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, उनकी इंदुमती पर हजरत आशिक हो गए और बड़ी बड़ी चालबाजियों से अपने महल में बुलवा लिया, मगर जब वो किसी तरह राजी न हुई और जान देने पर तैयार हो गई, तब लाचार उसे महल के अंदर कैद करके रखा और प्रभाकर सिंह को मार डालने का बंदोबस्त करने लगे, जिसमें निश्चिंत होकर इंदुमती को काम में लावे। परंतु प्रभाकर सिंह को इस बात का पता लग गया और वे महल में घुसकर बड़ी बहादुरी से इंदुमती को छुड़ा लाए। तो भी शिवदत्त का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए अपनी स्त्री को साथ लेकर वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद शिवदत्त ने उनकी गिरफ्तारी के लिए मुझे मुकर्रर किया। मैंने इसी बात का गनीमत समझा और कई आदमियों को साथ लेकर उनकी खोज में निकला। आखिर उनसे मुलाकात हो गई और तब से उनकी ताबेदारी में रहने लगा, क्योंकि उनके बुजुर्गों ने जो कुछ भलाई मेरे साथ की है उसे मैं भूल नहीं सकता। नौगढ़ की सरहद के पास ही उनसे मुलाकात हुई थी और अकस्मात उसी जगह भूतनाथ भी मुझसे मिल गया।
मैंने भूतनाथ से मदद मांगी और वो मदद देने के लिए तैयार होकर हम लोगों को अपना डेरे पर ले गया। मगर कई मामले ऐसे हो गए कि भूतनाथ दोस्ती का इस्तीफा देकर दुश्मन बन बैठा और उसे सबब से भी हमें तकलीफ ही उठानी पड़ी। इतना कहकर गुलाबा सिंह ने इंद्रदेव की तरफ देखा। इंद्रदेव, हाँ हाँ गुलाबा सिंह, तुम कहते जाओ, रुको मत, दलीप शाह से कोई बात छिपी हुई नहीं है। गुलाबा सिंह हाथ जोड़कर, जी नहीं, अब जो कुछ कहना बाकी है आप ही इन्हें समझा दे। मैं डरता हूँ कि कदाचित मेरी जबान से ऐसी कोई बात निकल पड़े जिसे आप नापसंद करते हो तो। इंद्रदेव मुस्कुरा कर, अजी नहीं गुलाबा सिंह, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम बड़े ही नेक और सज्जन आदमी हो। जमुना और सरस्वती ने जो कुछ भेद की बातें प्रभाकर सिंह से कही हैं सो मुझे मालूम है, और प्रभाकर सिंह ने जो कुछ तुम्हें बताया है उसे भी मैं कदाचित जानता हूँ। अस्तु तुम जो कहना चाहते हो बेधड़क कहते जाओ। गुलाबा सिंह, जो आ गया। अच्छा तो मैं संक्षेप में कह डालता हूँ, दलीप शाह से भूतनाथ जिस घाटी में रहता है उसके पास ही जमुना और सरस्वती भी रहती हैं। वो किसी तरह प्रभाकर सिंह को अपने यहाँ ले गई, मगर इसके बाद ही इंदुमती पुनः दुश्मनों के हाथ में फंस गई। उसे भी दोनों बहिनें छुड़ाकर अपने यहाँ ले गईं। तब से इंदुमती उन्हीं के यहाँ रहती हैं। प्रभाकर सिंह उस खोह के बाहर आए और कई दिनों के बाद हम दोनों आदमी चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए, इसलिए कि कुछ सिपाहियों का बंदोबस्त करके दुश्मन से बदला लें। मगर भूतनाथ जिसे जमुना और सरस्वती ने गिरफ्तार करके नीचा दिखाया था हम लोगों का दुश्मन बन बैठा और धोखा देकर प्रभाकर सिंह को कैद कर अपने घर ले गया। कहाँ रखा मुझे मालूम नहीं। इसके बाद गुलाबा सिंह ने वो किस्सा खुलासे तौर पर दलीप शाह और इंद्रदेव से बयान किया। इंद्रदेव को प्रभाकर सिंह की गिरफ्तारी का हाल अभी तक मालूम नहीं हुआ था। अस्तु उन्हें यह सुनकर बड़ा दुहक हुआ और उन्होंने दलीप शाह से कहा, मेरे दोस्त मुझे प्रभाकर सिंह के हाल पर अफसोस होता है, भूतनाथ ने भी यह काम अच्छा नहीं किया। खैर कोई चिंता नहीं, प्रभाकर सिंह को उसके कब्जे से निकाल लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुम सफर की तैयारी करो और जमुना तथा सरस्वती के साथ ही साथ प्रभाकर सिंह की मदद करो। मैं खुद तुम्हारे साथ चलकर प्रभाकर सिंह को कैद से छुट्टी दिलाऊंगा। इतना कहकर इंद्रदेव दलीप शाह को कमरे के अंदर ले गए और आधे घंटे तक एकांत में न मालूम क्या समझाते रहे। इसे बाद बाहर आए और बहुत देर तक गुलाबा सिंह से बातचीत करते रहे। अध्याय 8। भूतनाथ को जब अपनी घाटी में घुसने का रास्ता नहीं मिला तो वो प्रभाकर सिंह को एक दूसरे ही स्थान में ले जाकर रखाया था और अपने दो आदमी उनकी हिफाजत के लिए छोड़ दिए थे। अब जब भूतनाथ महात्मा जी की कृपा से अपनी सुहावनी घाटी में पहुंच गया, सुरंग का रास्ता उसके लिए साफ हो गया, दरवाजा खोलने और बंद करने की तरकीब मिल गई, बल्कि उसके साथ ही साथ बेंदाज दौलत का भी मालिक बन बैठा, तो उसका हौसला बनिस्बत पहले के 100 गुना बढ़ गया और उसने चाहा कि प्रभाकर सिंह को भी लाकर उसी घाटी में रख छोड़े। अस्तु महात्मा जी को विदा करने के बाद दूसरे दिन वहां से रवाना हुआ और संध्या होते होते तक प्रभाकर सिंह को इस घाटी में ले आया। प्रभाकर सिंह दवा के नशे में बेहोश थे और उनके हाथ में हथकड़ी तथा पैरों में बेड़ी पड़ी हुई थी। भूतनाथ ने उन्हें एक बहुत बड़ी साफ और सुंदर चट्टान पर रख दिया, पैर की बेड़ी खोल दी और लिखलखा सुंघाकर उनकी बेहोशी दूर की। जब प्रभाकर सिंह उठकर बैठ गए तो इस तरह बातचीत होने लगी, प्रभाकर सिंह चारों तरफ देखकर, क्या अभी तक मेरी गिनती कैदियों ही में है? मैं पुनः बेहोश करके इस घाटी में क्यों लाया गया और तुम क्यों नहीं बताते कि किस तरह दुहक देने से तुम्हारा क्या मतलब है? भूतनाथ, प्रभाकर सिंह, तुम खूब जानते हो कि एआरओ को जरा जरा से काम के लिए बड़े बड़े नाजुक और अमीर आदमियों को तकलीफ देनी पड़ती है। मैं सच कहता हूँ कि तुमसे मुझे किसी तरह की दुश्मनी न थी, बल्कि मैं हर तरह से तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो गया था। अगर तुम धोखा देकर अपना ढंग न बदलते तो देखते कि मैं किस खूबी और खूबसूरती के साथ तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारा बदला लेता और तुम्हें हर तरह से बेफिक्र कर देता। मगर अफसोस, तुमने मेरे दुश्मनों से मिलकर मुझे धोखा दिया और गुलाबा सिंह को भी, जो मेरा दोस्त था, बहका दिया। प्रभाकर सिंह, मैंने तुम्हारे किस दुश्मन से मिलकर तुम्हारा क्या नुकसान किया सो साफ साफ क्यों नहीं कहते? भूतनाथ, क्या तुम नहीं जानते जो साफ साफ कहने की जरूरत है? जमुना और सरस्वती ने मुझे तकलीफ देने के लिए ही अवतार लिया है और तुम उनके पक्षपाती बन गए हो। वे तो भला औरत की जात हैं, नासमझ कहलाती हैं, पर तुम ही ने उनका भ्रम क्यों नहीं दूर कर दिया कि भूतनाथ ने दयाराम को कदापि न मारा होगा क्योंकि वो उनके साथ मोहब्बत रखता था और उनका दोस्त था।
प्रभाकर सिंह, हंसकर, तुमको भी तो वे गिरफ्तार करके उस घाटी में ले गई थी, फिर तुम्ही ने क्यों नहीं उनका भ्रम दूर कर दिया? तुम यार कहलाते हो, हर तरह से बात बनाना जानते हो। भूतनाथ, मुझे तो कसूरवार ही समझती है, फिर भला मेरी बात क्यों मानने लगी? प्रभाकर सिंह, इसी तरह मैं भी तो उनका रिश्तेदार ठहरा, मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध क्यों करने लगा? तुम जानो और वे जाने मुझे इन झगड़ों से मतलब ही क्या? बेचारी औरत की जात अबला कहलाती है और तुम इतने बड़े नामी अयार हो, फिर भी जरा से मामले के लिए मुझसे मदद मांगते हो और चाहते हो कि मैं तेरे लिए अपने एक ऐसे रिश्तेदार के साथ बेमुरौवती करूं जो दया करने के लायक है। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, अगर मैं खुद तुम्हारे साथ किसी तरह की करूँ तो जरूर मुझसे बदला लेना उचित था। भूतनाथ, मुस्कुराकर, सत्य वचन। मालूम हुआ कि आप बड़े सच बोलने वाले हैं और सिवाय सच के कभी झूठ नहीं बोलते। अच्छा, खैर, इन बातों से कोई मतलब नहीं, मैं तुमसे बहस करना पसंद नहीं करता। मैं जो कुछ पूछता हूँ उसका साफ साफ जवाब दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा। प्रभाकर सिंह, अब इस धमकी में तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे सकता। मुलायमियत से अगर पूछते तो शायद कुछ जवाब दे देता, क्योंकि न तो तुम्हारे किसी एहसान का बोझ मेरी गर्दन पर है और न मैं तुमसे डरता ही हूँ। भूतनाथ, ऐसी अवस्था में भी तुम मुझसे नहीं डरते? देख रहे हो कि तुम्हारे हरबे छीन लिए गए, हथकड़ी तुम्हारे हाथों में पड़ी हुई है और इस समय तुम हर तरह से मजबूर और कमजोर हो। यह हथकड़ी तो कोई चीज नहीं है, मेरे ऐसे क्षत्रिय के लिए तुमने इसे पसंद किया, यह तुम्हारी भूल है। इतना कहकर बहादुर प्रभाकर सिंह ने एक झटका ऐसा दिया कि हथकड़ी टूटकर उनके हाथों से अलग हो गई और साथ ही इसके वे अपनी कमर से तलवार बैंचकर भूतनाथ के सामने खड़े हो गए और बोले, बताओ क्या अब भी मैं तुम्हारा कैदी हूँ? प्रभाकर सिंह की कमर में एक ऐसी तलवार थी जो बदन के साथ पेटी की तरह लपेटकर बांधी जा सकती थी। चमड़े की मुलायम म्यान उसके ऊपर चढ़ी हुई थी और उसे प्रभाकर सिंह कपड़े के अंदर कमर में लपेटकर धोती और कमरबंद से छिपाए हुए थे। अभी तक उस पर भूतनाथ की निगाह नहीं गई थी, बल्कि उसे इस बात का कुछ गुमान भी न था। यह तिलिस्मी तलवार बिमला ने प्रभाकर सिंह को दी थी और बिमला ने इंद्रदेव से पाई थी। इंद्रदेव का बयान है कि उन्हें इसी तरह के कई हरबे कुंवर गोपाल सिंह ने अपने जमानिया के तिलिस्म में से निकाल कर दिए थे। इस तलवार में भी करीब करीब वही गुण थे जो उस तिलिस्मी खंजर और नेजे में था, जिसका हाल हम चंद्रकांता संतति में लिखाए हैं। फर्क बस इतना था कि जिस तरह उन खंजरों में कब्जा दबाने से चमक पैदा होती थी, उस तरह इसमें चमक नहीं पैदा होती थी और न इसके छूने से आदमी बेहोश ही होता था, मगर इसका जख्म लगने से बिजली के असर से आदमी बेहोश हो जाता था। उसकी तरह इसके जोड़ की भी एक खूबसूरत अंगूठी जरूर थी जो इस समय प्रभाकर सिंह की तर्जनी उंगली में पड़ी हुई थी। इस अंगूठी में यह भी गुण था कि अगर धोखे में उन्हीं हो इसका जख्म लग जाए तो उन्हें कुछ असर न हो। प्रभाकर सिंह की हिम्मतें, मर्दांगी और ताकत देखकर भूतनाथ हैरान हो गया, बल्कि यूं कह सकते हैं कि घबरा गया। यद्यपि भूतनाथ भी मर्दे मैदान और लड़ाका था तथा यहाँ पास ही में उसके कई मददगार भी थे जो उसके आवाज देने के साथ ही पहुँच सकते थे, मगर फिर भी थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर प्रभाकर सिंह का रोब छा गया और वो खड़ा होकर उनका मुंह देखने लगा। प्रभाकर सिंह, हाँ बताओ तो क्या मैं अब भी कैदी हूँ? भूतनाथ, बनावटी मुस्कुराहट के साथ, हाँ बेशक तुम ताकतवर और बहादुर हो, मगर समझ रखो कि एआरओ का मुकाबला करना तुम्हारा काम नहीं है। प्रभाकर सिंह, हाँ बेशक इस बात को मैं मानता हूँ, मगर खैर जैसा मौका होगा देखा जाएगा। इस समय तुम्हारा क्या इरादा है सो साफ साफ कह डालो, अगर लड़ना चाहते हो तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। भूतनाथ, मुझे न तो तुम्हारे साथ किसी तरह की दुश्मनी ही है और न मैं व्यर्थ लड़ना ही चाहता हूँ। हाँ, इतना जरूर चाहता हूँ कि जमुना और सरस्वती का सच्चा सच्चा हाल मुझे मालूम हो जाए। न मालूम कि नसलायक ने उन्हें समझा दिया है कि मैं अपने दोस्त दयाराम जी का घातक हूँ तथा इस बात पर उन्होंने विश्वास करके मेरे साथ दुश्मनी करने पर कमर बांध ली है। और प्रभाकर सिंह, बात काट कर ऑफ, इन पचड़ों को मैं सुनना पसंद नहीं करता। इस बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम जानो और वे जाने, मैं तुम्हारा ताबेदार नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए उनको समझाने जाऊँ। भूतनाथ, क्रोध के साथ, तुम अजब ढंग पर बातें कर रहे हो, तुम्हारा मिजाज तो आसमान पर चढ़ा हुआ है। प्रभाकर सिंह, बेशक ऐसा ही है, तुम धोखा देकर मुझे गिरफ्तार कर लाए हो, इसलिए मैं तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करता।
भूतनाथ, फिर ऐसा करने से तो नहीं चलता, तुम्हें झक मार कर मेरी बातों का जवाब देना पड़ेगा। यह कहकर भूतनाथ ने भी म्यान से तलवार निकाली और पैतरा बदलकर सामने खड़ा हो गया। प्रभाकर सिंह, तुम्हारी तलवार बिल्कुल बेकार है, कुछ भी काम नहीं देगी, चलाओ और देखो क्या होता है। भूतनाथ, हाँ हाँ देखो यह तलवार कैसा मजा करती है, मैं तुम्हें जान से न मारूंगा बल्कि बेकार करके छोड़ दूंगा। इतना कह के भूतनाथ ने प्रभाकर सिंह पर वार किया, जिसे उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ अपनी तलवार पर रोका। प्रभाकर सिंह की तलवार पर पड़ने के साथ ही भूतनाथ की तलवार कटकर दो टुकड़े हो गई, क्योंकि वो हर एक हरबे को काट सकती थी। भूतनाथ ने टूटी हुई तलवार फेंक दी और कमर से खंजर निकालकर वार किया चाहता था कि प्रभाकर सिंह ने अपनी तलवार से उसे भी काटकर दो टुकड़े कर दिया। भूतनाथ को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और वो सोचने लगा कि यह अनूठी तलवार किस लोहे की बनी हुई है जो दूसरे हों को इतने सहज ही में काट डाला करती है। थोड़ी ही दूर पर भूतनाथ के कई आदमी खड़े यह तमाशा देख रहे थे, मगर मालिक का इशारा पाए बिना पास नहीं आ सकते थे। इस समय भूतनाथ ने इशारा किया और वे लोग जो गिनती में 8 थे वहां आ मौजूद हुए। यह कैफियत देखकर प्रभाकर सिंह ने कहा, भूतनाथ मैं केवल तुम्ही से नहीं बल्कि एक साथ इन सबों से लड़ने के लिए तैयार हूँ। यह बात भूतनाथ को बहुत बुरी मालूम हुई और अपने एक साथी के हाथ से तलवार लेकर उसने पुनः प्रभाकर सिंह पर वार किया और साथ साथ अपने साथियों की मदद के लिए इशारा किया। प्रभाकर सिंह बड़ा ही बहादुर आदमी था और लड़ाई के फन में तो वो लासानी था। अगर वो चाहता तो सहज ही में अपनी तिलिस्मी तलवार से जख्मी करके सबों को बेहोश कर देता, मगर नहीं, उसने कुछ देर तक लड़कर सबों को दिखला दिया कि हमारे सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो। यद्यपि उसके बदन पर भी कई जख्म लगे, मगर उसने सबों के हरबे बेकार कर दिए और अंत में भूतनाथ तथा उसके सभी साथी जख्मी होकर तलवार वाली बिजली के असर से बेहोश हो जमीन पर गिर पड़े। प्रभाकर सिंह धीरे धीरे मस्तानी चाल से चलते हुए वहां से रवाना हुए, मगर जब सुरंग में आए और दरवाजा बंद पाया तब मजबूर होकर उन्हें रुक जाना पड़ा। प्रभाकर सिंह पुनः लौटकर वहां आए जहां भूतनाथ और उसके साथी लोग बेहोश पड़े हुए थे। तिलिस्मी तलवार के जोड़ की अंगूठी उन्होंने भूतनाथ के बदन से लगाए, उसी समय भूतनाथ की बेहोशी जाती रही। वो उठकर खड़ा हो गया और ताज्जुब के साथ प्रभाकर सिंह का मुंह देखने लगा। भूतनाथ, मैं समझ गया कि तुम बहादुर आदमी हो और तुम्हारे हाथ की यह तलवार बड़ी ही अनूठी है, जिसके सबब से तुम और भी जबरदस्त हो रहे हो। मुस्कुराकर, सच कहना यह तलवार तुमने कहाँ से पाई? पहले तो यह तुम्हारे पास न थी, अगर होती तो बेइज्जती के साथ तुम चुनारगढ़ से न भागते। प्रभाकर सिंह, ठीक है मगर इससे तुम्हें क्या मतलब, चाहे कहीं से यह तलवार मुझे मिली हो। भूतनाथ, मुलायमियत के साथ, नहीं नहीं प्रभाकर सिंह, बुरा मत मानो, मेरी बातों का जवाब देने से तुम कुछ छोटे नहीं हो जाओगे। बताओ तो सही, क्या यह तलवार जहर में बुझाई हुई है? क्योंकि इसका जख्म लगने के साथ ही नशा चढ़ आता है। प्रभाकर सिंह, कदाचित ऐसा ही हो, मैं ठीक नहीं कह सकता। भूतनाथ, देखो मेरे साथी लोग अभी तक बेहोश पड़े हुए हैं। प्रभाकर सिंह, अभी बड़ी देर तक ये बेहोश पड़े रहेंगे मगर मरेंगे नहीं। तुम्हारी बेहोशी तो मैंने दूर कर दी है, खैर यह बताओ कि अब तुम मेरे साथ क्या किया चाहते हो? भूतनाथ, कुछ भी नहीं, मैं जो कुछ कर चुका हूँ उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ और चाहता हूँ कि आईमा के लिए हमारे और आपके बीच सुलह हो जाए। प्रभाकर सिंह, जैसा तुम बर्ताव करोगे मैं वैसा ही जवाब दूंगा, मुझे खास तौर पर तुम्हारे साथ किसी तरह की दुश्मनी नहीं है। भूतनाथ, अच्छा तो चलिए मैं आपको इस घाटी के बाहर कराऊं, क्योंकि बिना मेरी मदद के आप यहां से बाहर नहीं जा सकते। प्रभाकर सिंह, चलो। भूतनाथ, मगर मैं देखता हूं कि आप बहुत जख्मी हो रहे हैं और खून से आपका कपड़ा तरबतर हो रहा है, मुझे आज्ञा दीजिए तो आपके जख्मों को धोकर उन पर गीले कपड़े की पट्टी बांध दूं। प्रभाकर सिंह, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, घाटी के बाहर निकलकर मैं इसका उपाय कर लूंगा। भूतनाथ, आखिर क्यों ऐसा किया जाए, जितनी देर होगी उतना ज्यादा खून निकल जाएगा, आप इसके लिए जिद न करें। आप मुझ पर भरोसा करें और आज्ञा दें कि इन जख्मों पर पट्टी बांध दूं। प्रभाकर सिंह, खैर जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तैयार हूँ। भूतनाथ तेजी के साथ उस गुफा में चला जिसमें उसका डेरा था और पीतल की गगरी पानी से भरी हुई और एक लोटा तथा कुछ कपड़ा पट्टी बांधने के लिए लेकर प्रभाकर सिंह के पास लौट आया।
प्रभाकर सिंह ने कपड़े उतारे और भूतनाथ ने जख्मों को धोकर उन पर पट्टियां बांधी। इसके बाद प्रभाकर सिंह कपड़ा पहनकर चलने के लिए तैयार हो गए। भूतनाथ ने अपने आदमियों के विषय में प्रभाकर सिंह से पूछा कि इन सबों की बेहोशी खुद ब खुद जाती रहेगी या इसके लिए कोई इलाज करना होगा। पहले तो प्रभाकर सिंह के जी में आया कि अपने हाथ की अंगूठी छुआकर उन सबों को बेहोशी दूर कर दे, मगर फिर कुछ सोच कर रुक गए और बोले, नहीं, इनकी बेहोशी आपसे आप थोड़ी देर में जाती रहेगी, कुछ उद्योग करने की जरूरत नहीं। आगे आगे भूतनाथ और पीछे पीछे प्रभाकर सिंह वहां से रवाना हुए। सुरंग में घुसकर भूतनाथ ने वो दरवाजा खोला जो बंद था, मगर प्रभाकर सिंह को यह नहीं मालूम हुआ कि वो दरवाजा किस ढंग से खोला गया। घाटी के बाहर निकल जाने पर भी भूतनाथ बहुत दूर तक पहुंचाने के लिए प्रभाकर सिंह के साथ मीठी मीठी बातें करता हुआ चला गया। लगभग आधा कोस तक दोनों आदमी चले गए होंगे जब प्रभाकर सिंह का सर घूमने लगा और धीरे धीरे बेहोश होकर वे जमीन पर गिर पड़े। भूतनाथ बड़ा ही चालाक और काया था और उसने प्रभाकर सिंह को बुरा धोखा दिया। हमदर्दी दिखाकर जख्म धोने के बहाने से वो बेहोशी की दवा का बर्ताव कर गया। जो पानी वो अपनी गुफा में से लेकर आया था उसमें जहरीली दवा मिली हुई थी, मगर वो दवा ऐसी न थी जिससे जान जाती रहे, बल्कि ऐसी थी कि खून के साथ मिलकर बेहोशी का असर पैदा करे। जब प्रभाकर सिंह बेहोश हो गए तब भूतनाथ ने पहले तो अंगूठी और तलवार पर कब्जा किया और बहुत ही खुश हुआ। इसके बाद प्रभाकर सिंह को गठरी में बांध पीठ पर लाद अपनी घाटी की तरफ रवाना हुआ। बेचारे प्रभाकर सिंह पुनः भूतनाथ के फंदे में फंस गए। देखना चाहिए अब भूतनाथ उनके साथ क्या सलूक करता है। अध्याय 9। अब की दफे भूतनाथ ने प्रभाकर सिंह को बड़ी सख्ती के साथ कैद किया, पैरों में बेड़ी और हाथों में दोहरी हथकड़ी डाल दी और उसी गुफा के अंदर रख दिया जिसमें स्वयं रहता था, और उसके गुफा के बाहर आप चारपाई डाल रात को पहरा देने लगा। भूतनाथ ने बहुत कुछ दम दिलासा देकर प्रभाकर सिंह से जमुना और सरस्वती का हाल पूछा, मगर उन्होंने उनका कुछ भी भेद न बताया। इस पर भी भूतनाथ ने प्रभाकर सिंह को किसी तरह का दुहक नहीं दिया। हाँ, इस बात का जरूरी ख्याल रखा कि वे किसी तरह भाग न जाएं। इसी तरह प्रभाकर सिंह की हिफाजत करते करते बहुत दिन गुजर गए, मगर भूतनाथ की इच्छानुसार कोई कार्रवाई नहीं हुई। भूतनाथ ने जमुना और सरस्वती के विषय में भी पता लगाने के लिए बहुत उद्योग किया, मगर कुछ नतीजा न निकला। भूतनाथ ने अपने कई शागिर्दों को तरह तरह का काम सुपोर्ट करके चारों तरफ दौड़ाया और कईयों को उस सुरंग के इर्द गिर्द घूमकर टोह लगाने के लिए मुकर्रर किया जिसकी राह से कला ने इस खोह के बाहर किया था। भूतनाथ को अपने शागिर्द भोला सिंह की बड़ी फिक्र थी क्योंकि वो मुद्दत से गायब था और हजार कोशिश करने पर भी उसका कुछ पता नहीं लगता था। वो भूतनाथ का बहुत ही विश्वासी शागिर्द था और भूतनाथ उसे दिल से मानता था। एक दिन दोपहर के समय भूतनाथ अपनी घाटी से बाहर निकला और सुरंग के मुहाने पर बाहर की तरह पेड़ों की ठंडी छाया में टहलने लगा। संभव है कि वो अपने किसी शागिर्द का इंतजार कर रहा हो। उसी समय दूर से आते हुए भोला सिंह पर उसकी निगाह पड़ी। वो बड़ी खुशी के साथ भोला सिंह की तरफ बढ़ा और भोला सिंह भी भूतनाथ को देखकर दौड़ता हुआ आया और उसके पैरों पर गिर पड़ा। भूतनाथ ने भोला सिंह को गले से लगा लिया और पूछा, इतने दिन तक तुम कहाँ थे? मुझे तुम्हारे लिए बड़ी ही फिक्र थी और दिन रात खटके में जी लगा रहता था। भोला सिंह, गुरुजी, मैं तो बड़ी आफत में फंस गया था। ईश्वर ही ने मुझे बचाया, नहीं तो मैं बिल्कुल ही निराश हो चुका था। भूतनाथ, क्या तुम्हें किसी दुश्मन ने गिरफ्तार कर लिया था? भोला सिंह, जी हाँ। भूतनाथ, किसने? भोला सिंह, दो औरतों ने जिन्हें मैं बिल्कुल ही नहीं पहचानता। भूतनाथ, मालूम होता है कि तुम्हें भी जमुना और सरस्वती ने गिरफ्तार कर लिया था। भोला सिंह, जमुना और सरस्वती कौन? भूतनाथ, हमारे प्यारे दोस्त और मालिक दयाराम की स्त्रियां जिनका जिक्र मैं कई दफे तुमसे कर चुका हूँ। भोला सिंह, हाँ हाँ, अब मुझे याद आया, मगर आपने तो कहा था कि वे मर गईं। भूतनाथ, हाँ, मुझे ऐसा ही विश्वास था। मुझे क्या तमाम दुनिया यही जानती है कि दोनों मर गईं, मगर अब मुझे मालूम हुआ कि वे दोनों जीती हैं और हाथ का इशारा करके इसी पड़ोस वाली घाटी में रहती हैं तथा उन्होंने अपने को कला और बिमला के नाम से मशहूर किया है, इसलिए कि मुझे सताकर अपना कलेजा ठंडा करें, क्योंकि किसी ने दोनों को विश्वास दिलाया है कि दयाराम को भूतनाथ ही ने मार डाला है। भोला सिंह, शिव शिव शिव, भला यह भी कोई बात है? अच्छा, तो यह सब बातें आपको किस तरह मालूम हुई?
भूतनाथ, मैं एक दफे उनके फंदे में पड़ गया था। वे मुझे गिरफ्तार करके अपनी घाटी में ले गईं और कैद कर दिया। भोला सिंह, फिर आप छूटे किस तरह से? भूतनाथ, वहाँ मैंने एक लौड़ी को धोखा देकर अपना बटुआ जो छिन गया था मंगवा लिया। फिर कैदखाने से बाहर निकल जाना मेरे लिए कोई कठिन काम न था। इसके बाद मैंने उसी अंधेरी रात में पुनः एक लौड़ी को गिरफ्तार किया और लालच दे कुछ पता लगाना चाहा, मगर वो लालच में न पड़ी। तब मैंने अपने चाबुक से काम लिया। मुख्तसर यह कि वो मार खाते खाते मर गई, पर इससे ज्यादा और कुछ भी न बताया कि हाँ, जमुना और सरस्वती यहाँ रहती हैं और उन्होंने अपना नाम कला और बिमला रखा है। इसके बाद एक ऐसा मौका हाथ आया कि मैंने कला को पकड़ लिया, मगर दिन के समय जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मालूम हुआ कि जमुना सरस्वती दोनों में से कोई नहीं है, क्योंकि नाम बदल दिया तो क्या हुआ, मैं उन दोनों को अच्छी तरह पहचानता हूँ। पहले तो शक हुआ कि शायद अयारी ढंग पर इसने सूरत बदल ली है, मगर नहीं, पानी से मुंह धुलवाने पर वो शक भी जाता रहा। इतना कहकर भूतनाथ ने अपना खुलासा हाल उसी घाटी में गिरफ्तार होकर जाने और फिर बाहर निकलने का तथा प्रभाकर सिंह को गिरफ्तार करने का बयान किया और कहा, मालूम होता है कि उन्हीं में से किसी ने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया था। खैर, खुलासा हाल कहो तो कुछ मालूम हो। भोला सिंह, जी हाँ, बेशक उन्हीं लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। जब तक मैं उनके वहाँ कैद रहा, तब तक रोज उन दोनों से मुलाकात होती रही, क्योंकि वो रोज ही मुझे समझाने बुझाने के लिए आया करती थी। मैंने यहाँ पर एक नया ही ढंग रचा, जिस पर कई दिनों तक तो उन्हें विश्वास ही न हुआ, मगर अंत में उन्होंने मान लिया कि जो कुछ मैं कहता हूँ वो सब सच है। मैंने इन्हें यह भी समझाया कि मैं भूतनाथ का नौकर या शागिर्द नहीं हूँ, बल्कि राजा सुरेंद्र सिंह का अयार हूँ, जिनसे चुनार के राजा शिवदत्त से आजकल से लड़ाई हुआ हो चाही है। महाराज सुरेंद्र सिंह ने सुना है कि गदाधर सिंह राजा शिवदत्त की मदद पर है, इसलिए उन्होंने मुझे तथा अपने कई अयारों को गदाधर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। भूतनाथ, मुस्करा कर, खूब समझाया, अच्छी सूझी। भोला सिंह, जी हाँ, आखिर उन्हें मेरी बातों पर विश्वास हो गया और कई तरह के वादे करा के उन्होंने मुझे छोड़ दिया। भूतनाथ, किस राह से तुम्हें बाहर निकाला? भोला सिंह, सो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उस समय मेरी आँखों पर पट्टी बांध दी गई थी। जब पट्टी खोली गई तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत से सुंदर और सुहाने बेल तथा पारिजात के पेड़ लगे हुए हैं और दाहिनी तरफ कई कदम की दूरी पर साफ पानी का एक सुंदर चश्मा भी बह रहा है। भूतनाथ, बात काट के, ठीक है, मैं समझ गया। मैं भी उसी सुरंग से बाहर निकाला गया था, परंतु मैं समझता हूँ कि उसके अतिरिक्त और भी कोई रास्ता उस घाटी में जाने के लिए जरूर है, क्योंकि जब मैं गिरफ्तार हुआ था तो किसी दूसरे ही मुहाने पर था। उस समय मुझे छुरी का एक जख्म लगा था जो अभी तक तकलीफ दे रहा है। भोला सिंह, संभव है, हो सकता है, इसमें आश्चर्य ही क्या है। इसके बाद दोनों आदमी एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर देर तक बातें करते रहे। भूतनाथ पर जो कुछ बीती थी उसने ब्यौरेवार बयान किया और भोला सिंह ने जो कुछ कहा बड़े गौर से सुना। भोला सिंह भूतनाथ का बहुत ही विश्वासपात्र था, इसलिए साधु महाशय की कृपा का हाल भूतनाथ ने यद्यपि अपने किसी शागिर्द या आदमी से बयान नहीं किया था, मगर भोला सिंह से साफ और पूरा पूरा बयान कर दिया, चाहे अभी यह नहीं बताया कि उस खजाने का दरवाजा किस तरह खुलता और बंद होता है। हाँ, अंत में इतना जरूर कह दिया कि मैं तुम्हें उस खजाने वाले घर में ले चलूंगा और दिखाऊंगा कि यहाँ कितनी बेशुमार दौलत है। संध्या होते ही भोला सिंह को लेकर भूतनाथ अपनी अनूठी घाटी में चला गया। रास्ते में उस दरवाजे का हाल और भेद भोला सिंह को बताया गया, जिसे बिमला ने बंद कर दिया था और जिसे साधु महाशय की कृपा से भूतनाथ ने खोला था। भोला सिंह जब उस घाटी के अंदर पहुंच गया तो भूतनाथ ने सबसे पहले प्रभाकर सिंह से उसकी मुलाकात कराई। भोला सिंह को देखकर और यह सुनकर कि इसका नाम भोला सिंह है, प्रभाकर सिंह चौंके और गौर से उसकी तरफ देखकर चुप ही रहे। इसके बाद भोला सिंह को साथ लेकर भूतनाथ उस गुफा की तरफ रवाना हुआ जिसमें खजाना था, वो खजाना जो साधु महाशय की कृपा से मिला था। रोशनी न करके अंधेरे ही में भोला सिंह को सुरंग के अंदर अपने पीछे पीछे आने के लिए भूतनाथ ने कहा और भोला सिंह भी बेखौफ कदम बढ़ाए चला गया। मगर अंत में जब भूतनाथ खजाने के दरवाजे पर पहुंचा और वो दरवाजा खोल चुका था, तब उसने एयारों के बटुए में से सामान निकालकर रोशनी की और भोला सिंह की कोठरी के अंदर आने के लिए कहा। भूतनाथ, देखो भोला सिंह, इस तरफ निगाह दौड़ाओ, ये सब चांदी के देग अशर्फियों से नकानक भरे हैं।
इसमें से सिर्फ एक देग मैंने खाली किया है। भोला सिंह, देगो या हंडो की तरफ देख के बेशक यह बहुत दिनों तक काम देंगे। भूतनाथ, बेशक, साथ ही इसके यह भी सुन रखो कि वो साधु महाराज पुनः यहाँ आएंगे तो ऐसे और भी कई खजाने मुझे देंगे। भोला सिंह, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। हाँ, यदि आप आज्ञा दीजिए तो मैं भी जरा इन अशर्फियों के दर्शन कर लूँ। भूतनाथ, हाँ हाँ, अपने हाथों से ही ढकना खोलते जाओ और देखते जाओ। बल्कि मैं यह भी हुक्म देता हूँ कि इस समय जितनी अशर्फियाँ तुमसे उठाते बने उठा लो और अपने घर ले जाकर बाल बच्चों को दे आओ। तुम खूब जानते हो कि मैं तुम्हें अपने लड़के की तरह मानता हूँ। भोला सिंह, निसंदेह ऐसा ही है, मगर मैं इस समय अशर्फियाँ लेकर क्या करूँगा। आपकी बदौलत मुझे किसी बात की कमी तो है ही नहीं। भूतनाथ, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जरूर लेना पड़ेगा। भोला सिंह, कई देगों के ढकने उठाकर देखने के बाद, मगर इनमें से तो कई हंडे खाली है। आप कहते हैं कि सिर्फ एक ही हंडे की अशर्फियाँ निकाली गई हैं। भूतनाथ, ताज्जुब से, क्या कई हंडे खाली पड़े हैं? इतना कहकर भूतनाथ ने एक एक करके उन हंडों को देखना शुरू किया, मगर यह मालूम करके उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि उसका आधा खजाना एकदम से खाली हो गया है, अर्थात आधे हंडों में अशर्फियों की जगह एक कौड़ी भी नहीं है। भूतनाथ, है यह क्या हुआ? मैं खूब जानता हूँ कि इन सब हंडों में अशर्फियाँ भरी हुई थी। मैंने अपने हाथ से इन सबों को ढकना उठाया था और अपनी आँखों से देखा था। भोला सिंह, बात काटकर, बेशक बेशक आपने देखा होगा, मगर बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी हिफाजत के साथ रहने पर भी अशर्फियाँ गायब हो गईं। मैं कह तो नहीं सकता, मगर हमारे साथियों में से किसी न किसी की नीयत, भूतनाथ, जरूर खराब हो गई। मैंने अपनी जुबान से इस खजाने का हाल अपने किसी साथी से भी नहीं कहा, तिस पर यह हाल। भोला सिंह, संभव है कि आपके पीछे पीछे आकर किसी ने देख लिया हो और यह भेद मालूम कर लिया हो। भूतनाथ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हुआ क्या? इसका पता लगाना चाहिए और जानना चाहिए कि हमारे साथियों में से किस किस का दिल बेईमान हो गया है, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारे साथियों ही में से किसी ने यह चोरी की है। भोला सिंह, मेरा ख्याल तो यह है कि कई आदमियों ने मिलकर चोरी की है। भूतनाथ, हो सकता है, भला तुम ही कहो कि अब मैं कब अपने साथियों का विश्वास कर सकता हूँ। भोला सिंह, कभी नहीं, मेरा विश्वास अब इन सबों के ऊपर से उठ गया है। हाय हाय, इतना बड़ा खजाना और ऐसी नमकहरामी। भूतनाथ, देखो तो सही मैं कैसा इन लोगों को छकाता हूँ। भोला सिंह, आप जल्दी न कीजिए, एक दो रोज और देख लीजिए। भूतनाथ, कहीं ऐसा न हो कि एक दो दिन ठहरने से यह भी जो बचा है जाता रहे। इतना कहकर भूतनाथ कोठरी के बाहर निकल आया और दरवाजा बंद कर पहचो बात खाता हुआ सुरंग बाहर हो उस तरफ रवाना हुआ जिधर उसका डेरा था। भूतनाथ को इन अशर्फियों के गायब होने का बड़ा ही दुहक हुआ। रात के समय उसने किसी को कुछ कहना मुनासिब न समझा और चुप ही रहा। मगर रात भर उसे अच्छी तरह नींद न आई और क्रोध के मारे उसने कुछ भोजन भी नहीं किया। भोला सिंह कुछ देर के बाद उसके पास से हट गया और किसी दूसरी ही गुफा के बाहर बैठकर उसने रात बिताई। जब घंटे भर रात बाकी रही तब वो घबराया हुआ भूतनाथ के पास आया और देखा कि वो गहरी नींद में सो रहा है। भोला सिंह ने हाथ से हिलाकर भूतनाथ को सचेत किया। वो घबरा कर उठा बैठा और बोला, क्यों गया है? भोला सिंह, मालूम होता है कि आज फिर आपकी चोरी हुई। भूतनाथ, सो कैसे? भोला सिंह, मैंने कई आदमियों को उस खजाने वाले सुरंग के अंदर जाते और वहाँ से लदे हुए बाहर निकलते देखा है। भूतनाथ, फिर वे लोग कहाँ गए? भोला सिंह, मालूम होता है कि सब घाटी के बाहर निकल गए। मैं उन लोगों को नीचे उतरकर उस सुरंग में जो बाहर निकलने का रास्ता है जाते देख लपका हुआ आपके पास आया हूँ। अतः आप शीघ्र उठिए और उन लोगों का पीछा कीजिए। भूतनाथ घबरा कर उठ बैठा और बोला, जरा देख तो लो कि यहाँ से कौन कौन गायब हैं। भोला सिंह, इस देखा देखी में तो बहुत देर हो जाएगी और वे लोग दूर निकल जाएंगे। भूतनाथ, अच्छा चलो पहले बाहर ही चलें। दोनों आदमी तेजी के साथ पहाड़ी के नीचे उतर आए और सुरंग में घुसकर उस घाटी के बाहर निकले। यहाँ बिल्कुल ही सन्नाटा था। थोड़ी देर तक ये दोनों इधर उधर घूमते रहे, मगर जब कुछ पता न लगा तो लौटकर सुरंग के मुहाने पर चले आए और यूं बातचीत करने लगे। भोला सिंह, मालूम होता है कि वे लोग दूर निकल गए, किस तरफ गए हैं इसका पता लगाना जल्दी में नहीं हो सकता। भूतनाथ,
अच्छा तो तुम घाटी के अंदर जाओ और वहाँ जो लोग हैं उनका ख्याल रखो। मैं पुनः घूमकर टोल लगाता हूँ कि वे लोग कहाँ गए। भोला सिंह, नहीं, आप ही घाटी के अंदर जाइए और मुझे उन लोगों का पता लगाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि जो लोग यहाँ से गए हैं वे अगर अपने ही आदमी हैं तो आखिर लौटकर यहाँ आवेंगे जरूर। ऐसी अवस्था में ज्यादा देर तक पीछा करने की कोई जरूरत नहीं। इसके अतिरिक्त आप घाटी में जाकर इस बात का निश्चय कर सकते हैं कि वहाँ से कौन कौन आदमी गायब हैं, क्योंकि यह बात मुझे बिल्कुल ही नहीं मालूम है कि आजकल किस किस को आपने किस किस काम पर मुस्तैद किया है तथा घाटी के अंदर कौन कौन रहता है। भूतनाथ, ठीक है, अच्छा मैं ही घाटी के अंदर जाकर पता लगाता हूँ कि कौन कौन गायब है। अफसोस, सुरंग के अंदर दरवाजा खोलना बंद करना मैंने अपने सब आदमियों को बता दिया है। अगर बताता नहीं तो काम भी नहीं चल सकता था, क्योंकि नित्य ही लोग आते जाते रहते हैं। मेरी गैरहाजिरी में भी उन लोगों को आना जाना पड़ता था। भोला सिंह, ठीक है, बिना बताए काम नहीं चल सकता था। भूतनाथ, इसके अतिरिक्त मैंने उन सबों को यह भी हुक्म दे रखा है कि नित्य ही प्रातःकाल सूर्योदय के पहले बारी बारी से दो चार आदमी घाटी के बाहर निकलकर इधर उधर घूमा फिरा करें। अगर वे लोग जिन्हें तूने जाते देखा है लौटकर आगे भी तो यही कहेंगे कि हम बालाद्वी के लिए बाहर गए थे, फिर उन्हें कायल करने और चोर सिद्ध करने के लिए क्या तरकीब हो सकती है। भोला सिंह, ठीक ही तो है, फिर जानिए जो मुनासिब समझिएगा कीजिएगा, मगर पहले जाकर देखिए तो सही कि कौन गायब है और उस खजाने को भी एक नज़र देख लीजिएगा कि बनिस्बत कल के कुछ और भी कम हुआ है या नहीं। जरूर कम हुआ होगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उन लोगों की कार्रवाई देखी है। खैर मैं जाता हूँ, इतना कहकर भूतनाथ घाटी के अंदर चला गया। सबके पहले उसने खजाने को देखना मुनासिब समझा और पहले उसी तरफ गया जिधर खजाने वाली गुफा थी। गुफा के अंदर घुसकर और खजाने वाली कोठरी का दरवाजा खोल जब भूतनाथ और अंदर गया और रोशनी करके गौर से उन हंडों को देखा तो मालूम हुआ कि और भी कई हंडे खाली हो गए हैं। भोला सिंह को लेकर जिस समय वो इस कोठरी में आया था उस समय जिन हंडों या देगों में भोला सिंह ने अशर्फियां देखी थीं और भूतनाथ ने भी देखी थीं, उनमें से चार हंडे इस समय बिल्कुल खाली दिखाई दे रहे थे। भूतनाथ ने मन में सोचा कि भोला सिंह का कहना बहुत ठीक है, जरूर हमारे आदमियों ने रात को चोरी की है। खैर अब मैं इन हरामखोरों से जरूर समझूंगा, मगर मामला बड़ा कठिन आ पड़ा है। अगर इन शैतानों को यहाँ से निकाल दूं तब भी काम नहीं चल सकता है, क्योंकि यहाँ का रास्ता इन लोगों का देखा हुआ है। अब तो कुछ डरते भी हैं, फिर दुश्मनी की नियत से यहाँ छिपकर आया करेंगे। और यदि मैं खुद इस घाटी को छोड़ दूं और बचा हुआ खजाना लेकर दूसरी जगह जा रहूं तो बाबाजी से मुलाकात करनी है। फिर इन सबों को निकाल देने से मैं निश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब दुश्मन हो जाएंगे और दुश्मनों से जा मिलेंगे। इससे यही बेहतर है इन सबों को जान से मारकर बखेड़ा तय किया जाए। इसी तरह की बातें सोचता हुआ भूतनाथ अपने डेरे की तरफ गया जहां प्रभाकर सिंह को कैद रखा था। वहां पहुंचकर देखा तो प्रभाकर सिंह भी गायब है। क्रोध के मारे भूतनाथ की आंखें लाल हो गईं। उसे विश्वास हो गया कि यह काम भी उसके आदमियों का ही है। भूतनाथ ने अपनी गुफा के बाहर निकलकर इशारे की जफील बुलाई, जिसके सुनते ही सब शागिर्द और अय्यार उसके पास आकर इकट्ठे हो गए जो इस समय वहां मौजूद थे। ये लोग गिनती में 12 थे, जिनमें चार आदमी कुछ रात रहते ही बालाद्वी के लिए चले गए थे और बाकी 8 आदमी मौजूद थे जो इस समय भूतनाथ के सामने आए। कौन कौन आदमी बाहर गया हुआ है यह पूछने के बाद भूतनाथ ने कहा। भूतनाथ, सबों की तरफ देखकर बड़े ताज्जुब की बात है कि प्रभाकर सिंह इस गुफा के अंदर से गायब हो गए। एक, यह तो आप ही जानिए, क्योंकि रात को आप ही उनके पहरे पर थे, हम लोगों में से तो कोई यहाँ था नहीं। भूतनाथ, सो तो ठीक है, मगर तुम ही सोचो कि यकायक यहाँ से उनका गायब हो जाना कैसी बात है। दूसरा, बेशक ताज्जुब की बात है। भूतनाथ, इसके अतिरिक्त और भी एक बात सुनने लायक है। उंगली से बता के इस गुफा के अंदर हमारा खजाना रहता है, उसमें से भी आज लाखों रुपए की जमा चोरी हो गई है। इसके पहले भी एक दफा चोरी हो चुकी है। एक, यह तो आप ताज्जुब की बात सुनाते हैं, भला यहाँ चोर क्यों कर आ सकता है। इसके सिवाय उस गुफा में 50 दफे हम लोग गए हैं, मगर वहाँ खजाना वगैरह तो कभी नहीं देखा, न आप ही ने हम लोगों से कहा कि वहाँ खजाना रखाए हैं। भूतनाथ, उस गुफा के भीतर एक दरवाजा है और उसके अंदर जो कोठरी है उसी में खजाना था।
उस दिन जो साधु महाशय आए थे उन्हीं का वो खजाना था और वे ही मुझ दे गए थे तथा वे उस कोठरी को खोलने बंद करने की तरकीब भी बता गए थे। मगर अब हम जो देखते हैं तो वो खजाना आधा भी नहीं रह गया। तीसरा, अब ये सब बातें तो आप जानिए, हमें तो कभी आपने इनकी इत्तिला नहीं दी थी, इसलिए हम लोगों को उस तरफ कुछ ख्याल भी नहीं था। भूतनाथ, तो क्या हम झूठ कहते हैं? चौथा, यह तो हम लोग नहीं कर सकते, मगर इसके जिम्मेदार भी हम लोग नहीं हैं। भूतनाथ, फिर कौन इसका जिम्मेदार है? चौथा, आप जिम्मेदार हैं या फिर जो चुरा ले गया है वो जिम्मेदार है? आप तो हम लोगों से इस तरह पूछते हैं जैसे कोई लौड़ी या गुलाम से आंख दिखाकर पूछता है। हम लोग आपके पास शागिर्दी का काम करते हैं, अय्यारी सीखते हैं, आपके लिए दिन रात दौड़ते परेशान होते हैं और हरदम हथेली पर जान लिए रहते हैं, मरने की भी परवाह नहीं करते। इस पर आप हम लोगों को चोर समझते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं, यह हम लोगों के लिए एक नई बात है। आज के पहले कभी आप ऐसे बेरुख नहीं हुए थे। भूतनाथ, हाँ बेशक आज के पहले हम तुम लोगों को ईमानदार समझते थे, यह तो आज मालूम हुआ कि तुम लोग अय्यार नहीं बल्कि चोर और बेईमान हो। पांचवा, देखिए जुबान संभालिए, हम लोगों को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है। भूतनाथ, अगर आदत नहीं होती तो ऐसा काम नहीं करते। छठा, क्रोध में भरकर सीधी तरह से यह क्यों नहीं कह देते कि यहाँ से चले जाओ? इस तरह इज्जत लेने और देने की जरूरत ही क्या है? भूतनाथ, वाह वाह, क्या अच्छी बात कही है। तमाम खजाना उठाकर हजम कर जाओ और इसके बदले में हम बस इतना ही कहकर रह जाएं कि चले जाओ। इस तरह की बातें हो रही थी कि वे बाकी के चार आदमी भी आ गए जो बालाद्वी के लिए कुछ रात रहते घाटी के बाहर निकल गए थे। भूतनाथ ने उन सबों से भी इसी तरह की बातें की और अच्छी तरह डांट बताई। उन लोगों ने भी इसकी जानकारी से इनकार किया और कहा कि हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम कि कहाँ आपका खजाना रहता है, कब कौन उठाकर ले गया तथा प्रभाकर सिंह को किसने यहाँ से भगा दिया। भूतनाथ बड़ा ही लालची आदमी था, रुपए पैसे के लिए वो बहुत जल्द बेमुरौवत बन जाता था और खोटे से खोटा काम करने के लिए तैयार हो जाता था। बात तो यह है कि रुपए पैसे के विषय में वो किसी का एतबार ही नहीं करता था। आज उसकी बहुत बड़ी रकम गायब हो गई थी और मारे क्रोध के वो जल भूनकर खाक हो गया था। अपने आदमियों पर उसने इतने ज्यादा सख्ती की और ऐसे बुरे शब्दों का प्रयोग किया कि वे सब एकदम बिगड़ खड़े हुए, क्योंकि अय्यार लोग इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन आदमियों या शागिर्दों के अतिरिक्त भूतनाथ के पास और भी कई आदमी थे जो दूसरी जगह रहते थे तथा और कामों पर मुकर्रर कर दिए गए थे, मगर इस घाटी के अंदर आजकल यही 12 आदमी रहते थे जो आज भूतनाथ की बातों से नाराज होकर बेदिल हो गए थे। मगर भूतनाथ ने उन्हें सीधी तरह जाने भी नहीं दिया, बल्कि तलवार बेचकर सबों को सजा देने के लिए तैयार किया गया। भूतनाथ की कमर में वही अनूठी तलवार थी जो उसने प्रभाकर सिंह से पाई थी। इस तलवार को वो बहुत प्यार करता था और उसे अपनी फतहमंदी का सितारा समझता था। उसके आदमियों को इस बात की कुछ भी खबर न थी कि इस तलवार में कौन सा गुण है। अस्तु लाचार हो, वे लोग भी खंजर और तलवारें खींच मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। भूतनाथ अकेला ही सबों से लड़ने के लिए तैयार हो गया, बल्कि बहुत देर तक लड़ा। भूतनाथ के बदन पर छोटे छोटे कई जख्म लगे, मगर भूतनाथ के हाथ की तलवार का जिसको जरा सा भी चरका लगा वो बेकार हो गया और तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। यह देख उन लोगों को बड़ा ही ताज्जुब हो रहा था। थोड़ी ही देर में कुल आदमी जख्मी होने के कारण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और भूतनाथ ने सबों की मुश्कें बांध कर एक गुफा में कैद कर लिया। इसके बाद भूतनाथ घाटी के बाहर निकला और भोला सिंह की खोज में चारों तरफ घूमने लगा, मगर तमाम दिन बीत जाने पर भी भोला सिंह का कहीं पता न लगा। संध्या होने पर भूतनाथ पुनः लौटकर अपनी घाटी में आया और यह देखने के लिए उस गुफा के अंदर गया जिसमें अपने शागिर्दों को कैद किया था कि उन सबों की बेहोशी अभी दूर हुई या नहीं। मगर अफसोस, भूतनाथ ने वो तमाशा देखा जो कभी उसके ख्याल में भी नहीं आ सकता था, अर्थात उसके कैदी शागिर्दों में से वहाँ एक भी मौजूद न था। हाँ, उनके बदले वो सब सामान वहाँ जमीन पर जमा दिखाई दे रहा था जिससे उनके हाथ पैर बेकार कर दिए गए थे या उनकी मुश्कें बांधी गई थी। अपने शागिर्दों को कैदखाने में न देखकर भूतनाथ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगा कि वे सब कैदखाने में से निकलकर किस तरह भाग गए। मैं इनके हाथ पैर बड़ी मजबूती के साथ बांध गया था जो बिना किसी की मदद के किसी तरह भी खुल नहीं सकते थे, फिर ये लोग क्यों कर निकल गए?
मालूम होता है कि उनका कोई न कोई मददगार यहाँ जरूर आया, चाहे वो मेरे शागिर्दों का दोस्त हो या मेरा दुश्मन। इधर कई दिनों से ऐसी बातें हो रही हैं कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता है। क्या संभव है कि इन लोगों ने होश में आने के बाद आपस में मिलजुल कर किसी तरह अपने हाथ पैर खोल लिए हों? हाँ, हो भी सकता है। अस्तु, अब मुझे मानना पड़ेगा कि मेरे दुश्मनों की गिनती बढ़ गई, क्योंकि वे लोग भी अब मेरे साथ जरूर दुश्मनी की गिनती बढ़ाना अच्छा नहीं। मगर अफसोस तो यह है कि अब मैं अकेला क्या करूँगा? दो चार साथी अगर और है भी तो अब उनका क्या भरोसा? ये लोग अब जरूर उनको भी भड़कावेंगे, और उन लोगों को जब यह मालूम हो जाएगा कि मैं अपने शागिर्दों को इस तरह सजा दिया करता हूँ, तो वे लोग भी मेरा साथ छोड़ देंगे। बल्कि ताज्जुब नहीं कि भविष्य में कोई भी मेरा साथी बनना पसंद न करे। आह, मैं मुफ्त परेशान उठा रहा हूँ, व्यर्थ का दुहक भोग रहा हूँ। अगर अपने मालिक के पास चुपचाप बैठा रहता तो कहो क्या इस तरदूत में पड़ता, मगर अब तो मैं वहाँ भी जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि दयाराम की दोनों स्त्रियाँ वहाँ मुझे और भी विशेष कष्ट देंगी। अफसोस, यह बात रणधीर सिंह जी ने मुझसे व्यर्थ ही छिपाई और कह दिया कि दयाराम की दोनों स्त्रियों का देहांत हो गया। मगर जहाँ तक मैं ख्याल करता हूँ, इसमें उनका कसूर कुछ भी नहीं जान पड़ता। संभव है कि मेरी तरह से वे भी धोखे में डाल दिए गए हों, और अभी तक उन्हें इस बात की खबर भी न हो कि जमुना और सरस्वती जीती हैं। मगर अब मुझे क्या करना चाहिए, वो सोचने की बात है। मैं तो ऐसा गायब हो सकता हूँ कि हवा को भी मेरी खबर न लगे, मगर इस घाटी को छोड़ना जरा कठिन हो रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो फिर साध महाशय से मुलाकात न होगी और मैं उस दौलत को न पा सकूँगा जो उनकी बदौलत मिलने वाली है। मगर यहाँ पर रहना भी अब कठिन हो रहा है। अच्छा, कुछ दिन के लिए उस स्थान को अब छोड़ ही देना चाहिए, और जो कुछ बचा हुआ खजाना है उसे निकाल ले जाना चाहिए। इस तरह की बातें सोचता हुआ भूतनाथ उस गुफा की तरह रवाना हुआ जिसमें उसका खजाना था। जब गुफा के अंदर जाने के बाद रोशनी लिए हुए खजाने वाली कोठरी में पहुंचा तो देखा कि अब उन हंडों में एक भी अशर्फी बाकी नहीं है, सब की सब गायब हो गई। बल्कि वे हंडे तक भी अब नहीं दिखाई देते जिनमें अशर्फियां रखी गई थी। भूतनाथ का दिमाग हिल गया और वो अपना सिर पीट कर उसी जगह बैठ गया। थोड़ी देर बाद भूतनाथ उठा और मोमबत्ती की रोशनी में उसने उस कोठरी को अच्छी तरह देखा। इसके बाद दरवाजा बंद करके निकल आया और गुफा की जमीन को बड़े गौर से देखता तथा यह सोचता हुआ पहाड़ी के नीचे उतर गया कि अब यहाँ रहना उचित नहीं है। अध्याय 10। दोपहर का समय है, मगर सूर्यदेव नहीं दिखाई देते। आसमान गहरे बादलों से भरा हुआ है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जान पड़ता है कि मूसलाधार पानी बरसा ही चाहता है। भूतनाथ अपनी घाटी के बाहर निकलकर अकेला ही तैयार और जंगल की सैर कर रहा है। उसके दिल में हर तरह की बातें उठ रही हैं, तरह तरह के विचार पैदा हो और मिट रहे हैं। कभी वो अटक कर इस तरह चारों तरफ देखने लग जाता है जैसे किसी के आने की आहट लेता हो, और कभी अफील बजाकर उसके जवाब का इंतजार करता है। इसी तरह वो बहुत देर तक घूमता रहा, आखिर एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने पुनः जफील बुलाई और उसी समय उसका जवाब भी पाया। भूतनाथ उठ खड़ा हुआ और उसी तरफ रवाना हुआ जिधर से जफील की आवाज आई थी। थोड़ी दूर जाने पर उसने अपने एक शागिर्द को देखा जिसका नाम रामदास था। इसे भूतनाथ बहुत ही प्यार करता और अपने लड़के के समान मानता था। वास्तव में रामदास बहुत चालाक और धूर्त था भी। यद्यपि उसकी उम्र 20 साल के ऊपर होगी, मगर देखने में वो 12 या 13 वर्ष से ज्यादा का नहीं मालूम होता था। उसकी रेख बिल्कुल ही नहीं आई थी और उसकी सूरत में कुदरती तौर पर जनानापन मालूम होता, और हाव भाव में भी उससे किसी तरह की त्रुटि नहीं होती थी। इस समय उनकी पीठ पर एक गठरी लदी हुई थी जिसे देख भूतनाथ को आश्चर्य हुआ और उसने आगे बढ़कर पूछा, कहो रामदास, खैरियत तो है? यह तुम किसे लाद लाए हो? मालूम होता है कोई अच्छा शिकार किया है। रामदास कानी आंख से प्रणाम करके, हाँ चाचा, मैं बहुत अच्छा शिकार कर लाया हूँ। भूतनाथ प्रसन्न होकर, अच्छा अच्छा, आओ इस पत्थर की चट्टान पर बैठ जाओ, देखो तुम्हारा शिकार कैसा है। भूतनाथ ने गठरी उतारने में उसे मदद दी और दोनों आदमी एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गए। भूतनाथ ने गठरी खोलकर देखा तो एक बेहोश औरत पर निगाह पड़ी। उसने पूछा, यह कौन है? रामदास, यह जमुना और सरस्वती की लौड़ी है। भूतनाथ, अच्छा तुमने इसे कहाँ पाया? रामदास, उसी घाटी के बाहर जिसमें वे दोनों रहती हैं।
यह किसी काम के लिए बाहर आई थी और मैं आपकी आज्ञानुसार उसी जगह छिपकर पहरा दे रहा था। मौका मिलने पर मैंने इसे गिरफ्तार कर लिया और जबरदस्ती बेहोश करके एक गुफा के अंदर छिपा आया जहां किसी को यकायक पता नहीं लग सकता था। इसके बाद मैं इसी की सूरत बनकर उस सुरंग के पास चला आया जो उस घाटी के अंदर जाने का रास्ता है और जहां मैंने इसे गिरफ्तार किया था। मेरी यह प्रबल इच्छा थी कि उस घाटी के अंदर जाऊं, मगर इस बात की कुछ भी खबर न थी कि यह औरत जिसे मैंने गिरफ्तार किया है किस दर्जे की है या किस काम पर मुकर्रर है और इसका नाम क्या है। अस्तु, इसके जानने के लिए मुझे कुछ पाखंड रचना पड़ा जिसमें एक दिन की देर तो हुई, मगर ईश्वर की कृपा से मेरा काम बखूबी चल गया। मैंने सूरत बदलने के बाद इस लौड़ी के कपड़े तो पहर ही लिए थे, जिस पर भी मैं चुटीला बनकर एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि घाटी के अंदर से कोई आवे तो मैं उसके साथ भीतर पहुंच जाऊं। थोड़ी देर बाद जमुना और सरस्वती स्वयं घाटी के बाहर आईं। उस समय मुझे यह नहीं मालूम हुआ कि यह जमुना और सरस्वती हैं, मगर जब घाटी के अंदर चला गया और तरह तरह की बातें सुनने में आई तब मालूम हुआ कि यही जमुना और सरस्वती हैं। यद्यपि ये दोनों कला और बिमला नाम से पुकारी जाती थीं, मगर यह तो मैं आपसे सुन ही चुका था कि इन्होंने अपना नाम कला और बिमला रखा हुआ है, इसलिए मुझे असल बात जानने में कोई कठिनता न हुई। खैर, जब सुरंग के बाहर मुझे कला और बिमला ने देखा तो पूछा, अई हरदे, अभी तक इसी जगह बैठी हुई है? मैंने धीरे से इसका जवाब दिया, मैं पहाड़ी के ऊपर से गिरकर बहुत चुटीली हो रही हूँ। मुझ में 10 कदम चलने की भी ताकत नहीं है, बल्कि बात करने में भी तकलीफ मालूम होती है। इसके बाद मैंने कई जगह छिले और कटे हुए जख्म दिखाए जो कि अपने हाथों से बनाए थे। मेरी अवस्था पर उन दोनों को बहुत अफसोस हुआ और वे दोनों मदद देकर मुझे अपनी घाटी के अंदर ले गईं और दवा इलाज करने लगी। 2 दिन तक मैं चारपाई पर पड़ा रहा और इस बीच मुझे बहुत सी बात मालूम हो गई, जिन्हें मैं बहुत ही संक्षेप के साथ इस समय बयान करूँगा। 2 दिन के बाद मैं चंगा हो गया और उन सबों के साथ मिलजुल कर काम करने लगा, क्योंकि इस बीच में मतलब की सभी बातें मुझे मालूम हो चुकी थीं। भूतनाथ, निसंदेह तुमने बड़ी हिम्मत का काम किया। अच्छा, तो कौन कौन बातें वहाँ तुम्हें मालूम हुई? रामदास, पहली बात तो यह मालूम हुई कि बेचारा भोला सिंह उन दोनों के हाथ से मारा गया। खुद कला और बिमला ने उसे मारा था। यद्यपि यह नहीं मालूम हुआ कि कब किस ठिकाने और किस तरह से उसे मारा, मगर इसे कई सप्ताह हो गए। भूतनाथ, आश्चर्य से क्या वो मारा गया? रामदास, निसंदेह मारा गया। भूतनाथ, अभी तो कल परसों वो मेरे साथ था। रामदास, वो कोई दूसरा होगा जिसने भोला सिंह बनकर आपको धोखा दिया। भूतनाथ, कुछ सोचकर, बेशक वो कोई दूसरा ही था। अब जो सोचता हूँ तो तुम्हारा कहना ठीक मालूम होता है। हाय, मुझसे बड़ी भूल हो गई और मैंने अपने को बर्बाद कर दिया। मेरे साथी शागिर्द लोग बेचारे अपने दिल में क्या कहते होंगे। वे लोग अगर मेरे साथ दुश्मनी करें तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। रामदास, यह क्या बात हुई, भला कुछ मैं भी सुनूं? भूतनाथ, तुमसे कुछ छिपा न रहेगा, मैं सब कुछ तुमसे बयान करूंगा, पहले तुम अपना किस्सा कह जाओ। रामदास, नहीं नहीं, पहले मैं आपका यह हाल सुन लूंगा, तब कुछ कहूंगा। रामदास ने इस बात पर बहुत जिद किया। आखिर लाचार होकर भूतनाथ को अपना सब हाल बयान करना ही पड़ा, जिसे सुनकर रामदास को बड़ा ही दुहक हुआ। भूतनाथ, अच्छा और क्या तुम्हें मालूम हुआ? रामदास, और यह मालूम हुआ कि जिस साधु महाशय का अभी अभी आपने जिक्र किया है, जिन्होंने आपको खजाना दिया, वो कला और बिमला के पक्षपाती हैं। जो रंग ढंग आपने उनके अभी बयान किए हैं, ठीक उसी सूरत शक्ल में मैंने उन्हें वहां देखा और यह कहते अपने कानों से सुना था कि भूतनाथ को मैंने खूब ही लालच में फंसा लिया है, अब वो इस घाटी को कदापि न छोड़ेगा और प्रभाकर सिंह को भी इसी जगह ले आवेगा, तब हम लोग उन्हें सहज ही में छुड़ा लेंगे। इसके अतिरिक्त मुझे यह भी निश्चय हो गया कि वो साधु अपनी असली सूरत में नहीं है, बल्कि कोई अयार है। मेरे सामने ही उसने बिमला से कहा था कि अब मैं इसी सूरत में आया करूंगा। भूतनाथ, बेशक वो कोई अयार था, मगर अशर्फियां किस तरह निकल गईं इसका भी पता कुछ लगा? रामदास, इस विषय में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। भूतनाथ, खैर इस बारे में फिर सोचेंगे। अच्छा और क्या देखा सुना? रामदास, और यह भी मालूम हुआ कि गुलाब सिंह आपकी शिकायत लेकर दलीप शाह के पास गए थे, उस समय भी उस बुढ़े साधु को मैंने उन दोनों के साथ देखा था। भूतनाथ, खैर तो अब मालूम हुआ कि दलीप शाह के सिर में भी खुजलाहट होने लगी।
रामदास, बात तो ऐसी ही है, यह आपका बगली दुश्मन ठीक नहीं, उससे होशियार रहना चाहिए। भूतनाथ, बेशक वो बड़ा ही दुष्ट है, आश्चर्य नहीं कि वही भोला सिंह बनकर मेरे पास आया हो। रामदास, हो सकता है वही आया हो। भूतनाथ, खैर उससे समझ लिया जाएगा। अच्छा यह बताओ कि कुछ इंद्रदेव का हाल भी तुम्हें मालूम हुआ या नहीं? मुझे शक होता है कि इंद्रदेव उन दोनों की मदद पर है, ताज्जुब नहीं कि वहाँ वे भी जाते हों। रामदास, इंद्रदेव को तो मैंने वहाँ नहीं देखा और न उनके विषय में कुछ सुना, मगर वे तो आपके मित्र हैं, फिर आपके विरुद्ध क्यों कोई कार्रवाई करेंगे? भूतनाथ, हाँ मैं भी यही ख्याल करता हूँ। खैर अब और बताओ क्या क्या। रामदास, प्रभाकर सिंह मेरे सामने ही वहाँ पहुँचे गए थे, मगर मैं उनके विषय में कुछ विशेष हाल न जान सका क्योंकि और ज्यादा दिन वहाँ रहने की हिम्मत न पड़ी। मुझे मालूम हो गया कि अब अगर और यहाँ रहूँगा तो मेरा भेद खुल जाएगा, क्योंकि दलीप शाह ने 2-3 दफे मुझे जांच की निगाह से देखा। अस्तु लाचार हो मैं बहाना करके एक लौड़ी के साथ, जो सुरंग का दरवाजा खोलना और बंद करना जानती थी, घाटी के बाहर निकल आया। भूतनाथ, तुम्हें सुरंग का दरवाजा खोलने और बंद करने की तरकीब मालूम हुई या नहीं? रामदास, नहीं, लेकिन अगर 2-4 दिन और वहाँ रहता तो शायद मालूम हो जाती। इतने ही में पानी बरसने लगा और हवा में भी तेजी आ गई। रामदास, अब यहाँ से उठना चाहिए। भूतनाथ, हाँ चलो किसी आड़ की जगह में चलकर आराम करें। मेरी राय में तो अब इस घाटी में रहना मुनासिब न होगा, और साथ ही अब भविष्य के लिए बचे हुए आदमियों को आपस में कोई इशारा कायम कर लेना चाहिए, जिसे मुलाकात होने पर हम लोग जांच के ख्याल से बर्ता करें, जिसमें फिर कभी ऐसा धोखा ना हो जैसा भोला सिंह के विषय में हुआ है। तुम्हारा इशारा अर्थात एक आंख बंद करके प्रणाम करना तो बहुत ठीक है, तुम्हारे विषय में किसी तरह धोखा नहीं हो सकता। रामदास, बहुत मुनासिब होगा, अब यह सोचना चाहिए कि हम लोग अपना डेरा कहाँ कायम करेंगे। भूतनाथ, तुम ही बताओ। रामदास, मेरी राय में तो लामाघाटी उत्तम होगी। भूतनाथ, खूब कहा, इस राय को मैं पसंद करता हूँ। इतना कह के भूतनाथ ने पुनः उस औरत की गठरी बांधी जिसे रामदास ले आया था और अपनी पीठ पर लाद वहाँ से रवाना हुआ। रामदास भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अध्याय 11। भूतनाथ के हाथ से छुटकारा पाकर प्रभाकर सिंह अपनी स्त्री से मिलने के लिए उस घाटी में चले गए जिसमें कला और बिमला रहती थीं। संध्या का समय था जब वे उस घाटी में पहुंचकर कला, बिमला और इंदुमती से मिले। उस समय वे तीनों बंगले के सुंदर मैदान में पत्थर की चट्टानों पर बैठी आपस में बातें कर रही थीं। प्रभाकर सिंह को देखकर वे तीनों बहुत प्रसन्न हुई, कई कदम आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया तथा उसी जगह लाकर अपने पास बैठाया जहां वे सब बैठी हुई थीं। बिमला, मैं भूतनाथ के हाथ से छुट्टी मिलने पर आपको मुबारकबाद देती हूँ। वास्तव में इंद्रदेव जी ने इस विषय में बड़ी चालाकी की, नहीं तो हम लोगों से गहरी भूल हो गई थी कि भूतनाथ की घाटी का रास्ता बंद कर दिया था। उन्होंने साधु बनकर भूतनाथ को ऐसा धोखा दिया कि वो जन्म भर याद रखेगा। प्रभाकर सिंह, बेशक ऐसी ही बात है, मुझे अभी थोड़ी देर हुई है, यहाँ आते समय इंद्रदेव जी रास्ते में मिले थे जो तुम्हारे पास होकर जा रहे थे। उन्होंने सब हाल मुझसे कहा था और उस समय भी वे उसी तरह साधु महात्मा बने हुए थे। बिमला, जी हाँ, अब वे बराबर उसी सूरत में यहाँ आया करेंगे। उनका ख्याल है कि असली सूरत में आने जाने से कभी भूतनाथ को जरूर पता लग जाएगा और भूतनाथ उनसे खटक जाएगा क्योंकि वो बड़ा ही चांगला है। प्रभाकर सिंह, उनका ख्याल बहुत ही ठीक है, मुझसे भी ऐसा ही कहते थे। उन्होंने मुझसे यह भी पूछा था कि अब तुम्हारा क्या इरादा है, भूतनाथ का पीछा करोगे या नहीं। इसके जवाब में मैंने कहा कि भूतनाथ का पीछा करने की बनिस्बत मैं नौगढ़ के राजा से मिलकर चुनारगढ़ पर चढ़ाई करना अच्छा समझता हूँ, क्योंकि राजा शिवदत्त से बदला लिए बिना मेरा जी ठिकाने न होगा और इस काम को मैं सबसे बढ़कर समझता हूँ। इंद्रदेव जी ने मेरी यह बात स्वीकार कर ली और इस विषय में जो जो बातें मैंने सोची थी उन्हें भी पसंद किया। इंदुमती, तो क्या अब आप नौगढ़ जाकर चुनार की लड़ाई में शरीक होंगे? प्रभाकर सिंह, हाँ मैं जरूर ऐसा ही करूँगा। आजकल कुमारी चंद्रकांता की बदौलत बीरेंद्र सिंह से और शिवदत्त से खूब खिंचाखिंची हो रही है, मेरे लिए इससे बढ़कर और कौन सा मौका मिलेगा। बिमला, आप स्वयं फौज तैयार करके चुनार पर चढ़ाई कर सकते हैं।
इस काम में मैं आपकी मदद करूंगी। वे सब अशर्फियां जो भूतनाथ को दिखाई गई थीं और पुनः ले ली गईं, मैं आपको दे सकती हूं क्योंकि इंद्रदेव जी ने सब मुझे दे दी हैं। आप जानते ही हैं कि उस घाटी में जाने के लिए कई रास्ते हैं। इसी तरह उस खजाने वाली कोठरी में भी जाने के लिए एक रास्ता यहाँ से है और इसी रास्ते से हम लोग उन अशर्फियों को उठा लाए थे। प्रभाकर सिंह, मुझे मालूम है, यह हाल इंद्रदेव जी से सुन चुका हूँ, मगर चुनार के विषय में मैं इस राय को पसंद नहीं करता और न इस मामले में किसी से विशेष मदद ही लूंगा। हाँ, मेरे दोस्त गुलाब सिंह जरूर मेरा साथ देंगे, मगर सुना है कि वे इस समय दलीप शाह के साथ कहीं गए हैं और दलीप शाह भी सुबह शाम में यहाँ आने वाले हैं। बिमला, भोला सिंह की सूरत बनाकर दलीप शाह जब से गए हैं तब से पुनः मुझसे नहीं मिले। प्रभाकर सिंह, क्या हुआ अगर नहीं मिले तो? इंद्रदेव जी जब से गए हैं तब से पुनः मुझसे नहीं मिले। बिमला, मालूम होता है कि आपने इंद्रदेव जी से अपने बारे में सब बातें तय कर ली हैं। प्रभाकर सिंह, हाँ, जो कुछ मुझे करना है कम से कम उसके विषय में तो मैंने सभी बातें तय कर ली हैं। बिमला, तो आप जरूर नौगढ़ जाएंगे? प्रभाकर सिंह, जरूर। बिमला, दूसरे ढंग से बदला नहीं लेंगे? प्रभाकर सिंह, नहीं। इंदुमती, तब मैं कहाँ रहूँगी? प्रभाकर सिंह, तुम्हारे बारे में यह निश्चय हुआ है कि तुम्हें मैं तब तक के लिए जमानिया में राजा साहब के यहाँ रख दे, क्योंकि इस समय वे ही मेरे बड़े और बुजुर्ग जो कुछ हैं सो हैं। बिमला, चौंक कर, मगर ऐसा करने से तो मेरा भेद खुल जाएगा। प्रभाकर सिंह, तुम्हारा भेद क्यों खुलेगा? मैं इंद्रदेव जी से वादा कर चुका हूँ कि इन सब बातों का वहाँ कभी जिक्र तक न करूँगा। मेरी जुबानी तुम्हारा हाल उन्हें कभी मालूम न होगा। इंदु को भी मैं ऐसा ही करने के लिए ताकीद करूंगा और तुम भी अच्छी तरह समझा देना। क्या मैं नहीं समझता कि तुम्हारा भेद खुल जाने से आपस में कई आदमियों की खटपट हो जाएगी और बेदाग दोस्ती तथा मोहब्बत में बट्टा लग जाएगा? बिमला, अगर भूतनाथ किसी तरह इंदु को वहाँ देख ले तो क्या होगा, क्योंकि वो अक्सर जमानिया जाया करता है। प्रभाकर सिंह, तब क्या होगा? भूतनाथ अपने मुँह से इन सब बातों का जिक्र कदापि न करेगा। बिमला, मगर दुश्मनी तो जरूर करेगा, क्योंकि इस बात का डर हो जाएगा कि कहीं इंदु इन सब बातों का भेद किसी से खोल न दे। प्रभाकर सिंह, एक तो वो जमानिया विशेष जाता ही नहीं है, दूसरे अगर कभी गया भी तो महल के अंदर उसकी गुजर नहीं होगी, तीसरे अगर वो किसी तरह इंदु को देख भी लेगा तो वहाँ कुछ गड़बड़ी करने की उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। फिर इसके अतिरिक्त और मैं कर ही क्या सकता हूँ? मेरे लिए दूसरा कौन सा घर है? हाँ, अपने साथ नौगढ़ ले चलूँ तो हो सकता है, वहाँ भूतनाथ के जाने का डर नहीं है। इंदुमती, मेरा ख्याल तो यही है कि जमानिया की बनिस्बत नौगढ़ में मैं ज्यादा निडर रहूँगी। बिमला, तो आप इन्हें इसी जगह हमारे पास क्यों नहीं छोड़ जाते? प्रभाकर सिंह, यहाँ तुम लोग स्वयं ही तरदूत में पड़ी हुई हो, इसके सबब से और भी। बिमला, नहीं नहीं, इनके सबब से किसी तरह की तकलीफ मुझे नहीं हो सकती है, और फिर अगर मैं ज्यादा बखेड़ा देखूंगी तो इन्हें इंद्रदेव जी के सुपोर्ट कर दूंगी, वे अपने घर ले जाएंगे। प्रभाकर सिंह, यह सबसे ठीक है, इंद्रदेव जी का घर हमारे लिए सबसे अच्छा है और उन्होंने ऐसा कहा भी था कि अगर तुम्हारी राय हो तो इंदु को मेरे घर पर रख सकते हो। बिमला, तो बस यही ठीक रखिए और इन्हें मेरे पास छोड़ जाइए। प्रभाकर सिंह और कला, बिमला तथा इंदुमती में इस विषय पर बड़ी देर तक बहस होती रही और अंत में लाचार होकर प्रभाकर सिंह को बिमला की बात माननी पड़ी, अर्थात इंदुमती को बिमला ही के पास छोड़ देना पड़ा। रात भर प्रभाकर सिंह वहां रहे और प्रातःकाल सबों से मिलजुल कर नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। अध्याय 12। गुलाब सिंह को साथ लेकर प्रभाकर सिंह नौगढ़ चले गए। वहाँ उन्हें फौज में एक ऊंचे दर्जे की नौकरी मिल गई और चुनार पर चढ़ाई होने से उन्होंने दिल का हौसला खूब ही निकाला। वे मुद्दत तक लौटकर इंदुमती के पास न आए और न इस तरफ का कुछ हाल ही उन्हें मालूम हुआ। जब चुनारगढ़ फतह हो गया, राजा शिवदत्त उदासीन होकर भाग गए। चंद्रकांता की शादी हो गई और चुनार की गद्दी पर राजा बीरेंद्र सिंह बैठ गए, तब बहुत दिनों के बाद प्रभाकर सिंह को इस बात का मौका मिला कि वे जाकर इंदुमती से मुलाकात करें। प्रभाकर सिंह के दिल में तरह तरह का खुटका पैदा हो रहा था और यह जानने के लिए वे बहुत ही उत्सुक हो रहे थे कि उनके पीछे कला, बिमला और इंदुमती पर क्या क्या बीती। अस्तु, वे गुलाब सिंह को साथ लिए हुए बहुत तेजी के साथ कूच और मुकाम करते एक दिन दोपहर के समय उस पहाड़ी के पास पहुँचे जिसके अंदर वो सुंदर घाटी थी जिसमें कला और बिमला रहती थी।
सोच रहे थे कि अब थोड़ी ही देर में उन लोगों से मुलाकात हुआ चाहती है जिनसे मिलने के लिए जी बेचैन हो रहा है। आज कई वर्ष के बाद प्रभाकर सिंह इस घाटी के अंदर पैर रखेंगे। आज पहले की तरह गर्मी या बरसात का मौसम नहीं है, बल्कि जाड़े के दिनों में प्रभाकर सिंह उस घाटी के अंदर जा रहे हैं। देखना चाहिए वहाँ का मौसम कैसा दिखाई देता है। सुरंग का दरवाजा खोलना और बंद करना उन्हें बखूबी मालूम था, बल्कि इस घाटी के विषय में वे और भी बहुत कुछ जान चुके थे। अस्तु गुलाब सिंह को बाहर ही छोड़कर वे सुरंग के अंदर घुसे और दरवाजा खोलते और बंद करते हुए उस घाटी के अंदर चले गए। मगर उन्हें पहुंचने के साथ ही वहां कुछ उदा मालूम हुई। ताज्जुब के साथ चारों तरफ देखते हुए बंगले के अंदर गए और वहां बिल्कुल ही सन्नाटा पाया। जिस बंगले को ये पहले सजा हुआ देख चुके थे और जिसके अंदर पहले तरह तरह के सामान मौजूद थे, आज वो बंगला बिल्कुल ही खाली दिखाई दे रहा है। घबराहट की बात तो दूर रही, वहां एक चटाई बैठने के लिए और एक लुटिया पानी पीने के लिए भी मौजूद न थी। यही हाल वहां की अलमारियों का भी था, जिनमें से एक भी पहले खाली नहीं दिखाई देती थी। आज वहां हर तरह से सन्नाटा छाया हुआ है और ऐसा मालूम होता है कि वर्षों से इस बंगले के अंदर किसी आदमी ने पैर नहीं रखा। इस बंगले में से एक रास्ता उस मकान के अंदर जाने के लिए था जिसमें कला और बिमला खास तौर पर रहती थीं, अथवा जिस प्रकार में पहले पहल इंदुमती की बेहोशी दूर हुई थी। प्रभाकर सिंह हैरान और परेशान उस मकान में पहुंचे, मगर देखा कि वहां की उदासी उस बंगले से भी ज्यादा बड़ी चढ़ी है और एक तिनका भी वहां दिखाई न देता। यह क्या मामला है, यहाँ ऐसा सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? कला, बिमला और इंदुमती कहाँ चली गईं? अगर कहीं किसी आपस वाले के घर में चली गईं तो यहाँ इस तरह उजाड़ कर जाने की क्या जरूरत थी? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वे तीनों भूतनाथ के कब्जे में पड़ गई हों और भूतनाथ ने ही इस मकान को ऐसा उजाड़ बना दिया हो? इन सब बातों को सोचते हुए प्रभाकर सिंह उदास और दुखित चित से बहुत देर तक चारों तरफ घूमते रहे और तब यह निश्चय कर वहां से चल पड़े कि अब भूतनाथ की घाटी का हाल मालूम करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो किस अवस्था में है। पहले प्रभाकर सिंह उस सुरंग में घुसे जिसमें से उन्होंने पहले दिन भूतनाथ की घाटी में इंदुमती को एक अपनी ही सूरत वाले के साथ ठगे जाते हुए देखा था। सुरंग के अंत में पहुंच सुराख की राह से उन्होंने देखा कि भूतनाथ की घाटी में भी बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, अर्थात यह नहीं जान पड़ता कि इसमें कोई आदमी रहता है। कुछ देर तक देखने और गौर करने के बाद प्रभाकर सिंह सुरंग के बाहर निकल आए। तब उनकी हिम्मत न पड़ी कि एक सायत के लिए भी उस घाटी के अंदर ठहरें। उदास और दुखित चित से सोचते और गौर करते हुए वे वहां से रवाना हुए और सुरंग की राह से कहीं निकलकर संध्या होने के पहले ही उस ठिकाने पहुंचे जहां गुलाब सिंह को छोड़ गए थे। दूर ही से प्रभाकर सिंह की सूरत और चाल देखकर गुलाब सिंह समझ गए कि कुछ दाल में काला है, रंग अच्छा नहीं दिखाई देता। जब गुलाब सिंह के पास प्रभाकर सिंह पहुंचे तो सब हाल बयान किया और उदास होकर उनके पास बैठ गए। गुलाब सिंह को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और वे सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। प्रभाकर सिंह के दिल पर क्या गुजरी होगी इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। उनके लिए दुनिया ही उजाड़ हो गई थी और चुनारगढ़ की लड़ाई में जो कुछ बहादुरी कर आए थे वो सब व्यर्थ ही जान पड़ती थी। दोनों बहादुरों ने मुश्किल से उस जंगल में रात बिताई और सवेरा होने पर अच्छी तरह निश्चय करने के लिए भूतनाथ की घाटी में जाने का इरादा किया। दोनों आदमी वहां से रवाना हुए और कुछ देर के बाद उस सुरंग के मुहाने पर जा पहुंचे जिस राह से भूतनाथ अपनी घाटी में आया जाया करता था। रास्ते तथा दरवाजे का हाल प्रभाकर सिंह से कुछ छिपा न था। अस्तु वे दोनों शीघ्र ही घाटी के अंदर जा पहुंचे और देखा कि वास्तव में यहां भी सब उजाड़ पड़ा हुआ है और लक्षणों से जान जाता था कि यहां वर्षों से कोई नहीं आया और न कोई रहता है। अब कहां चलना चाहिए? तरह तरह की बातें सोचते विचारते प्रभाकर सिंह और गुलाब सिंह घाटी के बाहर निकल आए और एक पेड़ के नीचे बैठकर इस तरह बातचीत करने लगे गुलाब सिंह। आश्चर्य की बात तो यह है कि दोनों घाटियां एकदम से खाली हो गईं। अब रणधीर सिंह के यहां चलकर पता लगाना चाहिए कि भूतनाथ का क्या हाल है, क्योंकि असल में भूतनाथ ही इस बखेड़े की जड़ है और ताज्जुब नहीं कि वे तीनों औरतें भूतनाथ के कब्जे में आ गई हों। वहां चलने से कुछ न कुछ पता जरूर लग जाएगा। प्रभाकर सिंह, रणधीर सिंह जी के यहाँ तो मैं किसी तरह नहीं जा सकता। यद्यपि वे मेरे रिश्तेदार हैं, मगर इस समय मैं उनके दामाद शिवदत्त से लड़कर आ रहा हूँ।
इसलिए मुझे देखते ही वे आग ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने दामाद और अपनी लड़की की अवस्था पर बहुत दुःखक हो रहा होगा। गुलाब सिंह, ठीक है, ऐसा जरूर होगा, मगर मैं यह तो नहीं कहता कि आप सीधे रणधीर सिंह के पास चले चलिए। मेरा मतलब यह है कि हम लोग सौदागरों की सूरत में वहां जाकर किसी सराय में डेरा डालें तथा ऊपर ही ऊपर लोगों से मिलजुल कर भूतनाथ का पता लगावें और जो कुछ हाल हो मालूम करें। प्रभाकर सिंह, हाँ यह हो सकता है। अच्छा तो अब यहाँ ठहरना व्यर्थ है, चलो उठो। मैं समझता हूँ कि इंद्रदेव जी से मुलाकात किए बिना दिल को तसल्ली न होगी। गुलाब सिंह, जरूर वहाँ भी चलना ही होगा, मगर पहले भूतनाथ की खबर लेनी चाहिए। इतना कहकर गुलाब सिंह उठ खड़े हुए, प्रभाकर सिंह ने भी उसका साथ दिया और दोनों आदमी मिर्जापुर की तरफ रवाना हुए। इस बात का कुछ भी ख्याल न किया कि समय कौन है और रास्ता कैसा कठिन है। अध्याय 13। प्रेमी पाठक महाशय, अभी तक भूतनाथ के विषय में जो कुछ हम लिख आए हैं उसे आप भूतनाथ के जीवनी की भूमिका ही समझें। भूतनाथ का मजेदार हाल जो अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है पढ़ने के लिए अभी आप थोड़ा सा और सब्र कीजिए। अब उसका अनूठा किस्सा आया ही चाहता है। यद्यपि चंद्रकांता संतति में प्रभाकर सिंह और इंदुमती का नाम नहीं आया है, मगर भूतनाथ की जीवनी का इन दोनों व्यक्तियों से बहुत ही घना संबंध है और भूतनाथ की बराबरी या ढिठाई का जमाना शुरू होने से बहुत दिन पहले ही से भूतनाथ का इन दोनों से वास्ता पड़ चुका था और इन्हीं दोनों के सबब से इंद्रदेव और दलीप शाह के ऊपर भी भूतनाथ की निगाह पड़ चुकी थी। इसलिए हमें सबसे पहले प्रभाकर सिंह और इंदुमती का परिचय देना पड़ा। तथापि आपको आगे चलकर प्रभाकर सिंह और इंदुमती की अवस्था पर आश्चर्य करना पड़ेगा। यद्यपि इंदुमती का पता न लगने से प्रभाकर सिंह को बहुत दुःख हुआ, परंतु इंद्रदेव का ख्याल उन्हें ढांढस दे रहा था। वे समझते थे कि इंदुमती अपनी दोनों बहनों के साथ जरूर इंद्रदेव के यहाँ चली गई होगी। अस्तु सबसे पहले इंद्रदेव के यहाँ चलकर उसका पता लगाना चाहिए। इस बात का निश्चय कर गुलाब सिंह को साथ लिए हुए प्रभाकर सिंह इंद्रदेव से मिलने के लिए रवाना हुए। जमुना और सरस्वती की जुबानी प्रभाकर सिंह को मालूम हो चुका था कि इंद्रदेव वास्तव में किसी तिलिस्म के दारोगा हैं, परंतु इंद्रदेव ने अपने को ऐसा मशहूर नहीं किया था और न साधारण लोगों को उनके विषय में ऐसा ख्याल ही था। उसके मुलाकातियों में से भी बहुत कम आदमियों को यह बात मालूम थी कि इंद्रदेव किसी तिलिस्म के दारोगा हैं, और यदि कोई इस बात को जानता भी था तो उसे तिलिस्म के विषय में कुछ ज्ञान ही न था। अगर कोई इंद्रदेव से तिलिस्म के विषय में कुछ पूछता भी तो इंद्रदेव समझा देते कि यह सब दिल लगी की बातें हैं। हाँ, दो चार आदमियों को इस बात का पूरा पूरा विश्वास था कि इंद्रदेव किसी भारी तिलिस्म के दारोगा हैं, मगर अपनी जुबान से उन्हें भी पूरा पूरा पता नहीं लगने देते थे। इसके अतिरिक्त इंद्रदेव का रहन सहन ऐसा था कि किसी को उनके विषय में जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी और न वे विशेष दुनियादारी के मामले में ही पड़ते थे। वो वास्तव में साधु और महात्मा की तरह अपनी जिंदगी बिताते थे, मगर ढंग उनका अमीराना था। मतलब यह है कि सर्वसाधारण को इंद्रदेव के विषय में पूरा पूरा ज्ञान नहीं था। हाँ, इतना जरूर मशहूर था कि इंद्रदेव ऊंचे दर्जे के अय्यार हैं और उनके बुजुर्गों ने अय्यारी के फन में बहुत दौलत पैदा की है, जिसकी बदौलत आज तक इंद्रदेव बहुत रईस और अमीर बने हुए हैं। यह सब कुछ था सही, परंतु इंद्रदेव के दो चार दोस्त ऐसे भी थे जिन्हें इंद्रदेव का पूरा पूरा हाल मालूम था, मगर इंद्रदेव की तरह वे लोग भी इस बात को मंत्र की भांति छिपाए रहते थे। इंद्रदेव का रहने का स्थान कैसा था और वहां जाने के लिए कैसी कैसी कठिनाइयां उठानी पड़ती थीं, इसका हाल चंद्रकांता संतति में लिखा जा चुका है, यहां पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है। हां, इतना कह देना आवश्यक जान पड़ता है कि जिन दिनों का हाल इस जगह लिखा जा रहा है, उन दिनों इंद्रदेव निश्चित रूप से उस तिलिस्मी घाटी में नहीं रहा करते थे, बल्कि अपने लिए उन्होंने एक मकान तिलिस्मी घाटी के बाहर उसके पास ही एक पहाड़ी पर बनवाया हुआ था, जिसका नाम कैलाश रखा था, और इसी मकान में वो ज्यादा रहा करते थे। हाँ, जब जमाने के हाथों से वो ज्यादा सताए गए और उन्होंने उदास होकर दुनिया ही को तुच्छ समझ लिया, तब उन्होंने बाहर का रहना एकदम से बंद कर दिया, जैसा कि चंद्रकांता संतति में लिखा जा चुका है। प्रभाकर सिंह जब इंद्रदेव से मिलने गए तब उस कैलाश भवन में मुलाकात हुई। उन दिनों इंद्रदेव बीमार थे। यद्यपि उनकी बीमारी ऐसी न थी कि चारपाई पर पड़े रहते, परंतु घर के बाहर निकलने योग्य भी वो न थे। प्रभाकर सिंह और गुलाब सिंह से मिलकर इंद्रदेव ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और बड़ी खातिरदारी से इन दोनों को अपने यहाँ रखा।
प्रभाकर सिंह और गुलाब सिंह ने भी इंद्रदेव की बीमारी पर खेद प्रकट किया और इसी के साथ अपने आने का सबब भी प्रभाकर सिंह ने बयान किया, जिसे सुनकर इंद्रदेव की आंखें डबा आईं और एकांत होने पर उन दोनों में से इस तरह बातचीत होने लगी। इस बातचीत में गुलाब सिंह शरीक नहीं थे। इंद्रदेव, प्रभाकर सिंह, तुम्हें यह सुनकर बहुत दुःख होगा कि तुम्हारी स्त्री इंदुमती हमारे यहाँ नहीं है तथा जमुना और सरस्वती का भी कुछ पता नहीं लगता कि वे दोनों कहाँ गायब हो गईं। अफसोस, उन दोनों ने मेरी शिक्षा पर कुछ ध्यान नहीं दिया और अपनी बेवकूफी से अपने को थोड़े ही दिनों में जाहिर कर दिया। अगर वे मेरी आज्ञानुसार अपने को छिपाए रहती और धीरे धीरे कार्य करती तो धोखा न उठाती। प्रभाकर सिंह, दुखित चित से, निसंदेह ऐसा ही है। उस घाटी में पहले जब मुझसे मुलाकात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि ऐसे स्थान में रहकर भी हम लोग अपने को हर वक्त छिपाए रहती हैं, यहाँ तक कि अपनी लौंडियों को भी अपनी असली सूरत नहीं दिखाती। इंद्रदेव, दुखित चित से, बेशक ऐसी ही बात थी और मैंने ऐसा ही प्रबंध कर दिया था कि उनके साथ रहने वाली लौंडियों को भी इस बात का ज्ञान न था कि ये दोनों वास्तव में जमुना सरस्वती हैं। वे सब उन दोनों को कला और बिमला ही जानती थी, मगर इस बात को जमुना ने बहुत जल्द चौपट कर दिया और लौंडियों पर भरोसा करके शीघ्र ही अपने को प्रकट कर दिया। अगर लौंडियों को यह भेद मालूम न हो गया होता तो भूतनाथ की समझ में खाक न आता कि वे दोनों कौन हैं और क्या चाहती हैं। प्रभाकर सिंह, आपका कहना बहुत ठीक है। इंद्रदेव, बड़ों ने सच कहा है कि स्त्रियों के विचार में स्थिरता नहीं होती और वे किसी भेद को ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं सकती। कईयों का कथन तो यह है कि स्त्रियों की बुद्धि प्रलय करने वाली होती है, और मैं भी इसी बात का पक्षपाती हूँ। प्रभाकर सिंह, अफसोस करने के सिवाय और मैं क्या कहूँ। इन बखेड़ों में मैं तो व्यर्थ ही पीसा गया। मेरे हौसले सब मटियामेट हो गए और मैं कहीं का भी न रहा। मैं क्या कहूँ कि कैसी उम्मीदें अपने साथ लेकर आपके पास आया था। मगर इंद्रदेव, प्रभाकर सिंह, तुम एकदम से हताश न हो जाओ और उद्योग का पल्ला मत छोड़ो। क्या कहूँ, मैं बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ हूँ और इस योग्य नहीं कि स्वयं कुछ कर सकूँ। तथापि मैंने अपने कई आदमी उन सबों की खोज में दौड़ा रखे हैं। दलीप शाह का भी बहुत दिनों से पता नहीं है, वे भी उन सबों के साथ ही गायब हैं। प्रभाकर सिंह, और भूतनाथ? इंद्रदेव, भूतनाथ अपने मालिक के यहाँ स्थिर भाव से बैठा हुआ है। मुद्दत से वो कहीं आता जाता नहीं है। रणधीर सिंह जी की जो कुछ उसकी तरफ से रंज हो गया था उसे भी भूतनाथ ने ठीक कर लिया। अब तो ऐसा मालूम होता है कि मानो भूतनाथ ने कभी रंग बदला ही न था। इधर साल भर में 4-5 दफे भूतनाथ मुझसे मिलने के लिए आया था, मगर जमुना और सरस्वती के विषय में न तो मैंने ही कुछ जिक्र किया और न उसने ही कुछ छेड़ा। यद्यपि मालूम होता है कि भूतनाथ उसी विषय में छेड़छाड़ करने के लिए आया था, मगर मैंने कुछ चर्चा उठाना मुनासिब न समझा। प्रभाकर सिंह, अस्तु अब क्या करना चाहिए सो कहिए। मैं तो आपका बहुत भरोसा रख के यहाँ आया था, परंतु यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि आपने जमुना सरस्वती के लिए कुछ भी नहीं किया। इंद्रदेव, ऐसा मत कहो। मैंने उन सबों के लिए बहुत उद्योग किया, मगर लाचार हूँ कि उद्योग का कोई अच्छा नतीजा न निकला। हाँ, यह जरूर मानना पड़ेगा कि मैं स्वयं अपने हाथ पैर से कुछ न कर सका। इसका सबसे बड़ा सबब तो यह है कि मैं इस मामले में अपने को प्रकट करना उचित नहीं समझता। दूसरे बीमारी से भी लाचार हो रहा हूँ। खैर, जो होना था सो तो हो गया। अब तुम आ गए हो तो उद्योग करो। ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा और मैं भी हर तरह से तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। मेरी यह प्रबल इच्छा है कि किसी तरह उन तीनों का पता लगे। यदि मुझे इस बात का निश्चय हो जाएगा कि उन तीनों से भूतनाथ ने कोई अनुचित व्यवहार किया है तो मैं निसंदेह भूतनाथ से बदला लूंगा, मगर जब तक इस बात का निश्चय न होगा मैं कदापि भूतनाथ से संबंध न तोड़ूंगा। हाँ, तुम्हें हर तरह से मदद बराबर देता रहूंगा। प्रभाकर सिंह, अच्छा तो फिर मुझे शीघ्रता बताइए कि अब क्या करना चाहिए। अब मुझ में बैठे रहने की सामर्थ्य नहीं है। इंद्रदेव, जल्दी न करो, मैं सोच विचार कर कल तुमसे कहूंगा कि अब क्या करना चाहिए। एक दिन के लिए और सब्र करो। प्रभाकर सिंह, जो आज्ञा। परंतु लाचार होकर प्रभाकर सिंह को इंद्रदेव की बात माननी पड़ी, परंतु इस बात का उनको आश्चर्य बना ही रहा कि इंद्रदेव ने जमुना और सरस्वती के लिए इतनी सुस्ती क्यों की और वास्तव में जमुना और सरस्वती गायब हो गई है या इसमें भी कोई भेद है। अध्याय 14। अब हम कुछ हाल जमुना सरस्वती और इंदुमती का बयान करना उचित समझते हैं।
जब महाराज शिवदत्त से बदला लेने का विचार करके प्रभाकर सिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हो गए तो उनके चले जाने के बाद बहुत दिनों तक जमुना और सरस्वती के कोई भी ऐसा मौका हाथ न आया कि भूतनाथ से कुछ छेड़छाड़ करें और न भूतनाथ ही ने उनके साथ कोई बदसलूकी की। हाँ, यह जरूर होता रहा कि जमुना और सरस्वती भूतनाथ की घाटी में ताक झांक करके इस बात की बराबर टोह लगाती रहीं कि भूतनाथ क्या करता है अथवा किस धुन में है। थोड़े ही दिनों में उन दोनों को मालूम हो गया कि भूतनाथ अब इस घाटी में नहीं रहता। न मालूम वो कहीं चला गया, उसने जगह बदल दी। बहुत दिनों तक उनकी लौंडियां और एआर इस विषय का पता लगाने के लिए इधर उधर दौड़ती रहीं, मगर सफल मनोरथ न हो सकी। कुछ दिन बीत जाने के बाद यह मालूम हुआ कि भूतनाथ अपने मालिक रणधीर सिंह के यहाँ चला गया तथा बराबर एक चित से उन्हीं का काम किया करता है और उन्हीं के यहाँ स्थिर भाव से रहता है। यह बात इन दोनों को अच्छी नहीं मालूम हुई और इन दोनों ने समझा कि अब भूतनाथ से बदला लेना कठिन हो गया तथा अब बिना प्रकट भय काम नहीं चलेगा। कई दफे उन दोनों ने सोचा कि रणधीर सिंह के यहाँ चली जाए और जो कुछ मामला हो चुका है उसे साफ कह के भूतनाथ को सजा दिलावे, परंतु इंद्रदेव ने ऐसा करने से मना किया और समझाया कि अगर तुम वहाँ चली जाओगी तो रणधीर सिंह मुझसे इस बात के लिए रंज हो जाएंगे कि मैंने इतने दिनों तक तुम दोनों को छिपा रखा और झूठ ही मशहूर कर दिया कि जमुना और सरस्वती मर गईं। साथ ही इसके हमसे और भूतनाथ से भी खुल्लम खुल्ला लड़ाई हो जाएगी। केवल इतना ही नहीं, यह भी सोच रखना चाहिए कि रणधीर सिंह भूतनाथ का कुछ बिगाड़ न सकेंगे, सिवाय इसके कि उसे अपने यहाँ से निकाल दें। बल्कि ताज्जुब नहीं कि भूतनाथ रणधीर सिंह से रंज होकर उन्हें भी किसी तरह की तकलीफ पहुँचावे। इंद्रदेव का यह विचार भी बहुत ठीक था, इसलिए दोनों बहुत दिनों तक चुपचाप बैठी रह गई और रणधीर सिंह के यहाँ भी न गई। इसी तरह सोचते विचारते और समय का इंतजार करते वर्षों बीत गए और इस बीच में जमुना, सरस्वती और इंदुमती प्रायः घूमने फिरने के लिए इस घाटी से बाहर निकलती रहीं। एक दिन माघ के महीने में दोपहर के समय अपनी कई लौंडियों को साथ लिए हुए वे तीनों भेष बदले हुए उस घाटी के बाहर निकली और जंगल में चारों तरफ घूम फिरकर दिल बहलाने लगी। यकायक उनकी निगाह एक मरे हुए घोड़े पर पड़ी जिस पर अभी तक चारजामा कसा हुआ था। वे सब ताज्जुब में आकर उसके पास गईं और गौर से देखने लगी। यह घोड़ा कई जगह से जख्मी हो रहा था जिससे गुमान होता था कि किसी लड़ाई में इसके सवार ने बहादुरी दिखाई और अंत में किसी सबब से यह भाग निकला है। संभव है कि इसका सवार लड़ाई में गिर गया हो, मगर इस बात पर भी बिमला का विचार नहीं जमा। वो यही सोचती थी कि जरूर यह अपने सवार को लेकर भागा है। अस्तु बिमला आँख फैलाकर चारों तरफ इस ख्याल से देखने लगी कि शायद इस घोड़े की तरह गिरा हुआ कोई आदमी भी कहीं दिखाई दे जाए। बिमला, कला और इंदुमती घूम घूम कर इसका पता लगाने लगी और आखिर थोड़ी देर में एक आदमी पर उनकी निगाह पड़ी। ये सब तेजी के साथ घबराई हुई उसके पास गईं और देखा कि प्रभाकर सिंह बेहोश पड़े हुए हैं। उनका कपड़ा खून से तरबतर हो रहा है और उनके बदन में कई जगह तलवार के जख्म लगे हुए हैं तथा सर में भी एक भारी जख्म लगा हुआ है जिससे निकले हुए खून के छींटे चेहरे पर अच्छी तरह पड़े हुए हैं। लड़ाई के समय जो तलवार उनके हाथ में थी, इस समय भी उसका कब्जा उनके हाथ ही में है। प्रभाकर सिंह को इस अवस्था में देखते ही इंदुमती एक दफे चिल्ला उठी और उसकी आंखों में आंसू भर आए, परंतु तुरंत ही उसने अपने दिल को संभाल लिया तथा जमुना और सरस्वती की तरफ देखा जिनकी आंखों में आंसू की धारा बह रही थी और खैर जो बड़े गौर से प्रभाकर सिंह के चेहरे पर निगाह जमाए हुए थी। इंदुमती, जमुना से बहिन, तुम इनके चेहरे की तरफ क्या देख रही हो? जो बातें देखने लायक हैं पहले उन्हें देखो, इसके बाद रोने धोने का ख्याल करना। जमुना, ताज्जुब से, सो क्या है? इंदुमती, पहले तो यह देखो कि इनके पीठ में भी कोई जख्म लगा है या नहीं, जिससे यह मालूम हो सके कि इन्होंने लड़ाई में पीठ तो नहीं दिखाई है। इसके बाद इस बात की जाँच करो कि इनमें कुछ दम है या नहीं। अगर इन्होंने लड़ाई में वीरता दिखाई और बहादुरी के साथ प्राण त्याग किया है तो कोई चिंता नहीं, मैं बड़ी प्रसन्नता से इनके साथ सती होकर कर्तव्य पूरा करूंगी। और इनके हाथ की तलवार मुझे पूरा विश्वास दिलाती है कि उन्होंने लड़ाई में पीठ नहीं दिखाई। जमुना, मेरा भी यही ख्याल है। और वीर पत्नियों के लिए रोना कैसा? उन्हें तो हरदम अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सरस्वती, प्रभाकर सिंह की नाक पर हाथ रखकर, जीते हैं, जख्मी होने के सबब से बेहोश हो गए हैं।
सरस्वती की बात सुनकर जमुना और इंदुमती ने भी उन्हें अच्छी तरह देखा और निश्चय कर लिया कि प्रभाकर सिंह मरे नहीं हैं और इलाज करने से बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। तब पुनः इंदुमती की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी तथा जमुना और सरस्वती ने उसे समझाया और दिलासा दिया। इसके बाद सब कोई मिलजुल कर प्रभाकर सिंह को उठाकर घाटी के अंदर ले गई और बंगले के बाहर दालान में एक सुंदर चारपाई पर लेटाकर उन्हें होश में लाने का उद्योग करने लगी। मुंह पर केवड़ा और बेदमुष्क छिड़कने तथा लखलखा सुंघाने से थोड़ी ही देर में प्रभाकर सिंह चैतन्य हो गए और जमुना की तरफ देखकर बोले, मैं कहूँ? जमुना, आप घाटी में हैं जहाँ हम दोनों बहनों तथा इंदुमती से मुलाकात हुई थी। प्रभाकर सिंह चारों तरफ देखकर, ठीक है, मगर मैं यहाँ कैसे आया? जमुना, पहले ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? प्रभाकर सिंह, अब मैं अच्छा हूँ, होश में हूँ और सब कुछ समझ सकता हूँ, मगर आश्चर्य में हूँ कि यहाँ कैसे आया। जमुना, हम लोग घाटी के बाहर घूमने के लिए गई हुई थी जहाँ आपको बेहोश पड़े हुए देखकर उठा लाए। उस जगह एक घोड़ा भी मरा हुआ दिखाई दिया, कदाचित वो आप ही का घोड़ा हो। प्रभाकर सिंह, बेशक वो मेरा ही घोड़ा होगा, जानवर होकर भी उसने मेरी बड़ी सहायता की और आश्चर्य है कि इतनी दूर तक उड़ाए हुए ले आया। इंदुमती, क्या वो घोड़ा लड़ाई में से आपको भगा लाया था? प्रभाकर सिंह, हाँ, लड़ाई ऐसी गहरी हो गई थी कि संध्या हो जाने पर भी दोनों तरफ की फौजें बराबर दिल तोड़कर उड़ती ही रह गईं, यहाँ तक कि आधी रात हो जाने पर मैं और महाराज सुरेंद्र सिंह का सेनापति तथा कुंवर बीरेंद्र सिंह लड़ते हुए दुश्मन की फौज में घुस गए और मारते हुए उस जगह पहुँचे जहाँ कमभक्त शिवदत्त खड़ा हुआ अपने सिपाहियों को लड़ने के लिए ललकार रहा था। चांद की रोशनी खूब फैली हुई थी और बहुत से महताब भी जल रहे थे, इसलिए एक दूसरे के पहचानने में किसी तरह तकलीफ नहीं मालूम हो सकती थी। महाराज शिवदत्त मुझे अपने सामने देखकर झिझका और घोड़ा घुमाकर भागने लगा, मगर मैंने उसे भागने की मोहलत नहीं दी और एक हाथ तलवार का उसके सर पर ऐसा मारा कि वो घोड़े की पीठ पर से लुढ़क कर जमीन पर आ रहा। मुझे उस समय बहुत जख्म लग चुके थे और मैं सुबह से उस समय तक बराबर लड़ते रहने के कारण बहुत ही सुस्त हो रहा था, जिस पर महाराज शिवदत्त के गिरते ही बहुत से दुश्मनों ने एक साथ मुझ पर हमला किया और चारों तरफ से घेर कर मारने लगे। गर मैं हताश न हुआ, दुश्मनों के वार को रोकता और तलवार चलाता हुआ उस मंडली को चीर कर बाहर निकला। उस समय मेरा सर घूमने लगा और मैं दोनों हाथों से घोड़े का गला थाम उससे चिपट गया। फिर मुझे कुछ भी खबर न रही, मैं नहीं कह सकता कि इसके आगे क्या हुआ। इंदुमती, प्रसन्न होकर, बेशक आपने बड़ी बहादुरी की। घोड़ा भी उस समय समझ गया कि अब आप बेहोश हो गए हैं और इसलिए आपको यहाँ से ले भागा। प्रभाकर सिंह, बेशक ऐसा ही हुआ होगा। जमुना, अब आप आज्ञा दीजिए तो कपड़े उतार कर आपके जख्म धोए जाएं। प्रभाकर सिंह, जरा और ठहर जाओ क्योंकि मैं उठकर मैदान जाने का इरादा कर रहा हूँ। जख्म मुझे बहुत गहरे नहीं लगे हैं, इन पर कुछ दवा लगाने की जरूरत न पड़ेगी, केवल धोकर साफ कर देना ही काफी होगा। मेरे लिए एक धोती और गमछे का बंदोबस्त करो और दो आदमी सहारा देकर उठाओ तथा मैदान की तरफ ले चलो। जमुना, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर जमुना ने एक लौड़ी की तरफ देखा, वो सामान दुरुस्त करने के लिए वहाँ से चली गई और दूसरी लौड़ी ने बाहर जाने के लिए जल का लोटा भर कर अलग रख दिया। प्रभाकर सिंह ने उठने का इरादा किया, जमुना, सरस्वती और इंदु ने सहारा देकर उन्हें उठाया बल्कि खड़ा कर दिया। जमुना और इंदु का हाथ थामे हुए प्रभाकर सिंह धीरे धीरे वहां से मैदान की तरफ रवाना हुए तथा पीछे कई लौंडियां भी जाने लगी। उस समय वहां हरदेई लौड़ी भी मौजूद थी जिसका हाल ऊपर के बयान में लिख आए हैं। हरदेई ने जल से भरा हुआ लोटा उठा लिया और प्रभाकर सिंह के साथ जाने लगी। कुछ दूर आगे जाने पर प्रभाकर सिंह ने कहा, इस तरह चलने और घूमने से तबीयत साफ हो जाती है, तुम लोग अब ठहर जाओ, मैं अब सिर्फ एक लौड़ी के हाथ का सहारा लेकर और आगे जाऊंगा। इतना कहकर प्रभाकर सिंह ने हरदेई की तरफ देखा और जमुना तथा इंदु का साथ छोड़ दिया। हरदेई जल का लोटा लिए आगे बढ़ाई और अपने दूसरे हाथ से प्रभाकर सिंह का हाथ थाम कर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ी।
जमुना, सरस्वती और इंदुमती वहां से पीछे हटकर एक सुंदर चट्टान पर बैठ गईं और इंतजार करने लगी कि प्रभाकर सिंह मैदान में होकर लौटे और चश्मे पर जाएं तो हम लोग भी उनके पास चलें, मगर ऐसा न हो सका क्योंकि घंटे भर से भी कम देर में सब कामों से छुट्टी पाकर हरदेव के हाथ का सहारा लिए हुए प्रभाकर सिंह धीरे धीरे चलते हुए उस जगह आ पहुँचे जहाँ जमुना, सरस्वती और इंदुमती बैठी हुई उनका इंतजार कर रही थी। जख्मों के विषय में सवाल करने पर प्रभाकर सिंह ने उत्तर दिया कि नहर के जल से मैं सब जख्मों को साफ कर चुका हूं, अब उनके विषय में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभाकर सिंह भी उन तीनों के पास बैठ गए और लड़ाई के विषय में तरह तरह की बातें करने लगे। जब संध्या होने में थोड़ी देर रह गई और हवा में सर्दी बढ़ने लगी तब सब कोई वहां से उठकर बंगले के अंदर चले गए। एक कमरे के अंदर जाकर प्रभाकर सिंह चारपाई पर लेट रहे। थोड़ी देर तक वहां सन्नाटा रहा क्योंकि जरूरी कामों से छुट्टी पाने तथा भोजन की तैयारी करने के लिए जमुना और सरस्वती वहां से चली गईं और केवल चारपाई की पाटी पकड़े हुए इंदुमती तथा पैर दबाती हुई हरदेव वहां रह गई। कुछ देर तक प्रभाकर सिंह और इंदुमती में मामूली ढंग पर धीरे धीरे बातचीत होती रही। इसके बाद प्रभाकर सिंह ने यह कहकर इंदुमती को विदा किया कि मैं भूख से बहुत दुखी हो रहा हूं। जो कुछ तैयार हो थोड़ा बहुत खाने के लिए जल्द लाओ। आज्ञानुसार इंदुमती वहां से उठकर कमरे के बाहर चली गई और तब प्रभाकर सिंह और हरदेव में धीरे धीरे इस तरह की बातचीत होने लगी। प्रभाकर सिंह, हाँ तुम्हें दरवाजा खोलने का ढंग अच्छी तरह मालूम हो चुका है? हरदेव, जी हाँ, उसके लिए कोई चिंता न करें। प्रभाकर सिंह, मैं तो इसी फिक्र में लगा हुआ था कि पहले किसी तरह दरवाजा खोलने की तरकीब मालूम कर लूं तब दूसरा काम करूं। हरदेव, नहीं, अब आप अपनी कार्रवाई कीजिए। सुरंग का दरवाजा खोलना और बंद करना अब मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है। प्रभाकर सिंह अपने जेब में से एक पुड़िया निकालकर और हरदेव के हाथ में देकर, अच्छा तो अब तुम इस दवा को भोजन के किसी पदार्थ में मिला देने का उद्योग करो, फिर मैं समझ लूंगा। हरदेव, अब इंदुमती आ जाए तो मैं जाऊं। प्रभाकर सिंह, हाँ मेरी भी यही राय है। थोड़ी देर बाद चांदी की रकाबी में कुछ मेवा लिए हुए इंदुमती वहां आ पहुंची। उसके साथ एक लौड़ी चांदी के लोटे में जल और एक गिलास लिए हुए थी। प्रभाकर सिंह ने मेवा खाकर जल पिया और इसी बीच में हरदेव किसी काम के बहाने से उठकर कमरे के बाहर चली गई। अध्याय 15। रात आधी से कुछ ज्यादा जा चुकी है। बंगले के अंदर जितने आदमी हैं सभी बेहोशी की नींद सो रहे हैं क्योंकि हरदेव ने जो बेहोशी की दवा खाने की वस्तुओं में मिला दी थी उसके सबब से सभी आदमी उस अन्न के खाने से बेहोश हो रहे हैं। हरदेव एक विश्वासी लौड़ी थी और जमुना तथा सरस्वती उसे जी जान से मानती थीं, इसलिए कोई आदमी उस पर शक नहीं कर सकता था। परंतु इस समय हमारे पाठक बखूबी समझ गए होंगे कि यह हरदेव नहीं है बल्कि जिस तरह भूतनाथ प्रभाकर सिंह का रूप धारण किए हैं उसी तरह भूतनाथ का शागिर्द रामदास हरदेव की सूरत में काम कर रहा है। असली हरदेव को तो वो गिरफ्तार करके ले गया था और सबों की तरह नकली प्रभाकर सिंह भी अपनी चारपाई पर बेहोश पड़े हुए हैं। हरदेव ने आकर प्रभाकर सिंह को लखलखा सुंघाया और जब वे होश में आ गए तो उनसे कहा, अब उठिए, काम करने का समय आ गया। प्रभाकर सिंह, कितनी रात जा चुकी है? हरदेव, आधी से ज्यादा। प्रभाकर सिंह, सबों के साथ मुझे भी वही अन्न खाना पड़ा, यद्यपि मैंने बहुत कम भोजन किया था तथापि बेहोशी का असर ज्यादा रहा। इतना कह प्रभाकर सिंह उठ खड़े हुए और सब तरफ घूमकर देखने लगे कि कहां कौन सोया हुआ है। जमुना, सरस्वती और इंदुमती तो उसी कमरे में फर्श के ऊपर सोई हुई थी जिसमें प्रभाकर सिंह थे और बाकी की सब लौड़ियां एक एआर दूसरे कमरे में पड़े हुए थे। प्रभाकर सिंह ने जमुना और सरस्वती की तरफ देखकर हरदेव से कहा, पहले तो मुझे यह देखना है कि इन लोगों ने किस ढंग पर अपना चेहरा रंगा हुआ है। हरदेव, मैं आपसे कह चुका हूँ कि इन लोगों ने एक प्रकार की झिल्ली चेहरे पर चढ़ाई हुई है जिस पर पानी का असर नहीं होता। प्रभाकर सिंह, जमुना और सरस्वती के चेहरे पर से झिल्ली उतार कर, बेशक यह अनूठी चीज है, इसे मैं अपने पास रखूंगा। हरदेव अथवा रामदास, बेशक यह चीज रखने योग्य है। प्रभाकर सिंह, इन लोगों ने भी बड़ा ही उत्पात मचा रखा था। आज इनकी चालबाजियों का अंत हुआ, अब उन्हें शीघ्र ही दुनिया से उठा देना चाहिए, नहीं तो एक न एक दिन इन दोनों की बदौलत बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा और मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक न रहूंगा। कुछ सोचकर, मगर मुझे इनके गले पर छुरी न चलाई जाएगी,
यद्यपि मैं इनकी जान लेने के लिए तैयार हूँ मगर लाचारी से। हरदे, यदि दया आती हो तो इन्हें किसी कुएं में ढकेल कर निश्चिंत हो जाइए। इस जंगल के पीछे की तरफ पहाड़ी के कुछ ऊपर चढ़ के एक कुआं है जो इस काम के लिए बहुत ही मुनासिब होगा। मैं अच्छी तरह जांच कर चुका हूँ कि वो बहुत गहरा और अंधेरा है, उसमें गया हुआ आदमी फिर नहीं निकल सकता। प्रभाकर सिंह, अच्छी बात है, दोनों को ले चलकर उसी कुएं में डाल दो, मगर इंदुमती को मैं अपने घर अर्थात लामा घाटी में ले जाऊंगा क्योंकि इसकी जुबानी बहुत सी बातों का पता लगाना है। हरदे, मैं इस राय को पसंद नहीं करता, मैं इंदुमती को भी उसी कुएं में पहुंचाना मुनासिब समझता हूं। प्रभाकर सिंह, कुछ सोचकर, अच्छा खैर इसे भी उसी में दाखिल करो। इतना कहकर नकली प्रभाकर सिंह ने जमुना को और रामदास ने सरस्वती को उठाकर पीठ पर लाद दिया और उस कुएं पर चले गए जिसका पता रामदास ने दिया था। यह कुआं बंगले के पश्चिम तरफ पहाड़ी के कुछ ऊपर चढ़कर पड़ता था। कुआं बहुत प्रशस्त और गहरा था मगर इसका मुंह इतना छोटा था कि वहां के रहने वालों ने एक मामूली पत्थर की चट्टान से उसे ढांक रखा था। कदाचित रामदास को इसका पता अच्छी तरह लग चुका था, इसलिए वो नकली प्रभाकर सिंह को लिए हुए बहुत जल्द वहां जा पहुंचा। जमुना और सरस्वती को जमीन पर रख दोनों ने मिलकर उस कुएं का मुंह खोला और फिर उन दोनों औरतों को एक एक करके उसके अंदर फेंक दिया। अफसोस, 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 भूतनाथ को इस दुष्कर्म का क्या नतीजा भोगना पड़ेगा इस पर उसने कुछ भी ध्यान न दिया। दोनों बेचारियों को कुएं में ढकेल कर भूतनाथ ने ध्यान देकर और कान लगा कर सुना कि नीचे गिरने की आवाज आती है या नहीं, मगर किसी तरह भी आवाज उसके कान में न गई जिससे उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन दोनों को कुएं में ढकेलने के बाद रामदास दौड़ा हुआ गया और इंदुमती को उठा लाया। भूतनाथ ने उसे भी कुएं के अंदर ढकेल दिया और फिर पत्थर से उसका मुंह उसी तरह ढांक दिया जैसा पहले था। इस काम से छुट्टी पाकर भूतनाथ और रामदास ने यह सोचा कि अब बाकी की औरतें जो इस घाटी में मौजूद हैं उन्हें भी मारकर बखेड़ा तय कर देना चाहिए क्योंकि इनमें से अगर एक भी जीती रह जाएगी तो भंडा फूटने का डर लगा ही रह जाएगा। अस्तु यह निश्चय किया गया कि उन सबों के लिए कोई दूसरा कुआं खोजना चाहिए क्योंकि जिस कुएं में जमुना और सरस्वती तथा इंदु को डाला है उसके अंदर घुसकर देखना उचित है कि उसमें पानी है कि नहीं अथवा उसके अंदर का क्या हाल है। आखिर ऐसा ही हुआ। उस कुएं से थोड़ी दूर पहाड़ के ऊपर चढ़कर एक कुआं और था जिसका मुंह बहुत चौड़ा था। भूतनाथ और रामदास दोनों आदमी सब बेहोश लौंडियों को बंगले के अंदर और बाहर से उठा लाए और एक एक करके उस कुएं के अंदर डाल दिया। आह, भूतनाथ का कैसा कड़ा कलेजा था और यह कैसा घृणित काम उसने किया। अब उस घाटी के अंदर कोई भी न रहा जो इन दोनों की खबर ले। अब सवेरा हो गया बल्कि सूर्य भगवान भी उदयाचल से निकलकर अपनी आंखों से भूतनाथ और रामदास के कुकर्म देखने लगे। भूतनाथ और रामदास उस कुएं पर आए जिसमें जमुना, सरस्वती और इंदुमती को ढकेल दिया था। भूतनाथ ने रामदास से कहा कि तू कमंद के सहारे इस कुएं के अंदर उतर जा और देख कि इसमें पानी है या नहीं। भूतनाथ की आज्ञानुसार रामदास कमंद थाम कर उसके अंदर उतर गया। कमंद का दूसरा सिरा भूतनाथ ने एक पत्थर से मजबूती के साथ अड़ा दिया था। रामदास ने नीचे आकर आवाज दी, गुरुजी, यह कुआं इस लायक नहीं था कि इसके अंदर दुश्मनों को डाला जाता, बल्कि यह तो स्वर्ग से भी बढ़कर सुख देने वाला है। लीजिए, अब कमंद को छोड़ता हूँ, बैंच लीजिए, क्योंकि अब मैं बाहर आने की इच्छा नहीं करता। रामदास की बात सुनकर भूतनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ और जब उसने कमंद बैंच कर देखा तो वास्तव में उसे ढीला पाया। अध्याय 16। धीरे धीरे बिल्कुल कमंद खींचकर भूतनाथ के हाथ में आ गया और तब वो बड़ी ही बेचैनी के साथ कुएं के अंदर झांक कर देखने लगा, मगर अंधकार के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दिया। रामदास भूतनाथ का बहुत ही प्यारा शागिर्द था और साथ ही इसके भूतनाथ को उस पर विश्वास भी परले सिरे का था। इस मौके पर हरदे की सूरत में जो यह होनहार शागिर्द निसंदेह किसी दिन मेरा ही स्वरूप हो जाएगा, केवल इतना ही नहीं, जिस तरह भूतनाथ उसे लड़के के समान मानता था उसी तरह रामदास भी भूतनाथ को पिता तुल्य मानता था। अस्तु ऐसे रामदास का इस तरह कुएं के अंदर जाकर बेमुरौवत हो जाना कोई मामूली बात न थी। इससे भूतनाथ को बड़ा ही सदमा हुआ और उसने ऐसा समझा कि मानो पला पलाया और दुनिया में नाम पैदा करने वाला बराबर का लड़का जिसे निधि रूप समझता था हाथ से निकला जा रहा है। भूतनाथ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उससे यह नहीं हो सकता था कि रामदास को ऐसी अवस्था में छोड़कर वहां से चला जाए।
कुछ देर तक सोचने और विचारने के बाद भूतनाथ ने कमंद का एक सिरा पत्थर के साथ अड़ाया और तब खुद भी उसी के सहारे नीचे उतर गया। भूतनाथ को विश्वास था कि कुएं के नीचे या तो पानी होगा या बिल्कुल सूखे में कला बिमला और इंदुमती की लाश पावेगा और वहीं अपने प्यारे शागिर्द रामदास को भी देखेगा, मगर ये सब कुछ भी बातें न थी। न तो वो कुआं सूखा था और न उसमें पानी ही दिखाई दिया। इसी तरह कला, बिमला, इंदुमती और रामदास का भी वहां नामो निशान न था। कमर बराबर मुलायम और गुदगुदी घास कुएं की तह में जमी हुई थी, जिस पर खड़े होकर भूतनाथ ने सोचा कि कोई आदमी ऊपर से इस घास पर गिरकर चुटीला नहीं हो सकता। अतएव निश्चय है कि कला, बिमला और इंदुमती मरी न होगी। मगर आश्चर्य है कि यहाँ उनमें से एक भी नजर नहीं आती और न रामदास ही का कुछ पता है। उस कुएं की तह में बिल्कुल ही अंधकार था, इसलिए अच्छी तरह देखने ढूंढने और जांच करने के लिए भूतनाथ नले अपने अयारी के बटुए में से मोमबत्ती निकालकर रोशनी की और बड़े गौर से चारों तरफ देखने लगा। अंदर से वो कुआं बहुत चौड़ा था और उसकी दीवारें संगीन थीं। जब कोई आदमी वहां नजर न आया तब भूतनाथ ने उस घास के अंदर टटोलना और ढूंढना शुरू किया, मगर इससे भी कोई काम न चला। हाँ, दो बातें जरूर ताज्जुब की वहां दिखाई पड़ी। एक तो उस कुएं की दीवार में से चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी टपक कर तह में आ रहा था, जिससे सिर्फ वहां की घास, जो एक अजीब किस्म की थी, बराबर तर और ताज़ा बनी रहती थी। दूसरे छोटे छोटे दो दरवाजे भी दीवार में दिखाई दिए, जो एक दूसरे के मुकाबले में थे। भूतनाथ बड़े ही आश्चर्य से उन दरवाजों को देख रहा था, क्योंकि जब कुएं में इधर उधर घूमता तो कभी कोई दरवाजा उन दोनों में से बंद हो जाता और कोई खुल जाता, मगर जब वो कुछ देर तक एक ही ढंग पर कायम रह जाते, अर्थात जो खुल जाता वो खुला ही रह जाता और जो बंद होता वो बंद ही रह जाता। अस्तु भूतनाथ ने समझा कि इन दरवाजों के खुलने और बंद होने के लिए वहाँ की जमीन ही में कदाचित कोई कमानी लगी हुई है। वो बहुत देर तक इधर उधर घूमकर इन दरवाजों के खुलने और बंद होने का तमाशा देखता रहा। इसी बीच में एकाएक गाने की सुरीली आवाज भूतनाथ के कानों में पड़ी, जो किसी औरत की मालूम पड़ रही थी और उन्हें दोनों में से एक दरवाजे के अंदर से आ रही थी, तथा थोड़ी देर बाद ही पखावज तथा कई पाजेबों के बजने की आवाज आई, जो सम और ताल से खाली न थी। कभी कभी गाने की आवाज एकदम बंद हो जाती और केवल पाजेब की आवाज सुनाई देती, जिससे भास होता कि वे सब औरतें, यूं जो कोई हो, पखावज की गत के साथ मिलकर नाच रही हैं। अब भूतनाथ से ज्यादा देर तक ठहरा न गया और वो हाथ में मोमबत्ती लिए हुए उस दरवाजे के अंदर घुस गया, जिसके अंदर से गाने तथा घुंघरू के बजने की आवाज आ रही थी। दरवाजे के अंदर पैर रखते ही भूतनाथ को मालूम हो गया कि यहाँ तो खासी लंबी चौड़ी इमारत बनी हुई है, और ताज्जुब नहीं कि कुछ और आगे बढ़ने से बड़े बड़े दालान और कमरे भी दिखाई पड़े। वास्तव में बात भी ऐसी ही थी। कुछ दूर आगे बढ़ते ही भूतनाथ ने उजाला पाया और देखा कि एक सुंदर दालान में चार पांच औरतें हाथ में मशाल लिए खड़ी हैं और कई औरतें गा बजा तथा कई नाच रही हैं। यद्यपि भूतनाथ के दिल में आगे बढ़कर देखने और उन लोगों को पहचानने का उत्साह भरा हुआ था, मगर साथ ही इसके वो डरता भी था कि आगे बढ़ने से कहीं मुझ पर कोई आफत न आवे। भूतनाथ ने मोमबत्ती बुझाकर बटुए में रख ली और हाथ में खंजर लेकर दबे कदम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ऑफ, यह क्या भूतनाथ के लिए कोई कम आश्चर्य की बात है कि उन औरतों में भूतनाथ ने अपने प्यारे शागिर्द रामदास को भी नाचते हुए देखा और मालूम किया कि वो अपनी धुन में ऐसा मस्त हो रहा है कि उसे किसी बात की मानो परवाह ही नहीं है। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह थी कि वो रामदास भूतनाथ को देखकर बहुत रंज हुआ और कड़े शब्दों की बौछार करते हुए उसने भूतनाथ को निकल जाने के लिए कहा। इस दूसरे भाग में बस इतना ही। दी एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, तथा आगे के भागों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।